हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्लू एस टेक प्रोग्रामिंग चैनल गाइज मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी के बारे में आ, मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं पी का और इसी वीडियो के साथ हम लोग पी एच की शुरुआत करने वाले हैं तो गाइज पी क्या है कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और एजेंडा में मैं आपको समझा देता हूँ पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वॉट इज पी एच क्या है फिर बात करेंगे कि पी सीखने के लिए आपके प्री रिक्वेसाइट क्या है क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए आ, फिर बात करेंगे एक एच की फाइल किस तरीके की होती है क्या पी का फाइल का एक्सटेंशन है किस तरीके की कि पी एच फाइल बनती है और एट द एंड मैं बताऊंगा आपको पी एच की कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सी एम एस तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वॉट इज पी एच पी तो पी एच पी का फुल फॉर्म जो है वो है पी एच पी इज हाइपरटेक्स प्री प्रोसेसर PHP है बट इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है हाइपर टेक्सट प्री प्रोसेसर और ये क्या की जाती है वाइडली यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वाइडली यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये लैंग्वेज PHP जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है क्यों यूज़ की जाती है PHP यूज़ की जाती है सर्वर साइट सर्वर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सर्वर साइट है और यूज़ की क्यों जाती है यूज़ की जाती है आपकी वेबसाइट को अपने वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए तो गाइज यहाँ पर मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूँ कि डायनेमिक और स्टेटिक क्या होता है ताकि आपको अगर पहले से इस चीज़ का ना आइडिया हो तब भी आपको ये चीज समझ में आ जाए आ, तो गाई स्टैटिक आपने अगर पहले वेब पेजेस बनाए हैं वेबसाइट्स बनाई हैं तो वेबसाइट में अगर आपने कोई फोन नंबर डाले हैं तो वो फोन नंबर एज इट इज रहेंगे क्योंकि आपने उनको हार्ड कोड करके दिया है कोड करके दिया हुआ है बट अगर आप चाहते हो कि वो वेबसाइट के जो फोन नंबर है वो यूजर अपने आप टाइम टू टाइम चेंज कर सके तो वो क्या कहलाएगा एक डायनेमिक डेटा कहलाएगा आप जाते हो वेबसाइट्स पर और आप देखते हो कि न्यूज़ चल रही है तो वो न्यूज़ क्या है हर बार तो कोई बंदा उसको कोड करके नहीं लिख रहा वो डेटा क्या है डायनेमिक डेटा आप डब्ल्यू एच कबेक की वेबसाइट पर जाओगे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे वो सारे कोर्सेज जो है हम लोग रोज नए ऐड ऑन करते हैं वो सारे क्या है डायनेमिक डेटा है मतलब हमारी वेबसाइट है उस उसमें जो डायनेमिक डेटा आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है पीएचपी के थ्रू आ रहा है पीएचपी क्या है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर पी क्या करती है हम लोग एक डेटा यूज करते हैं उस डेटाबेस में से डेटा ला हमारी वेबसाइट पर शो करवाती है ये पीएचपी का काम है तो इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने हैं अगर आपको डायनेमिक वेब पेजेस बनाने हैं तो पीएचपी यूज की जाएगी और सर्वर साइट लैंग्वेज का मतलब ये होता है सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये तो सर्वर साइट का मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होगी ना तब ये सर्वर पे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर आपकी वेबसाइट पर आएगी फिर आपके वेब पेज पर आएगी फिर आपके ब्राउजर पर आएगी पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जावा की तो जावा क्या है क्लाइंट साइट है आपकी वेबसाइट पर आने के आपके ब्राउजर पर आने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो काम होते हैं वो क्लाइंट साइट कहलाते हैं और ब्राउजर पर आने से पहले जो काम हो जाते हैं वो सारे सर्वर साइट कहलाते हैं तो पी का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब पी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है सेवन और उसके बाद हम लोग बात करते हैं PHP बहुत सारे जो डेटा हैं उनके साथ कंपेटेबल है जैसे आप नाम दिख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए हैं माई एक्ल पोस्ट एसक्एल एस वाई बेस और इस तरीके के बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर के साथ भी PHP compatible पी एच पी है आप पी एच पी को उनके साथ ऐड कर सकते हो पी एच पी को जो डेवलप किया है जिसने उन्होंने इसको इतनी सारी डेटा के साथ कंपेटेबल बनाया है फिर बात करते हैं हम लोग पी की फाइल के स्ट्रक्चर की कैसा होता है एक पी एच पी की फाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके की पी की फाइल होती है तो पी की एक फाइल होती है उसमें एच टी एम एल और पी का अपना कोड होता है यानी पी की फाइल में ये नहीं है कि सिर्फ आप पी का कोड करोगे नहीं पी की फाइल के अंदर आप जावा लिख सकते हो एच लिख सकते हो सी लिख सकते हो वो तो ऑब्वियस है वो तो होना ही है वही तो आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देगा पी जस्ट क्या करेगी डेटा लाकर आपको फैच कराएगी आपके जो लॉजिक्स हैं वो पी एच पी इंप्लीमेंट करके देखिए आपको अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक लगाने हैं कहीं पर तो वो सारे पी एच पी के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करोगे और फिर पी एच पी का जो कोड है वो सर्वर पे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके ब्राउजर पे जब आता है तो एज एच टी एम आता है मतलब अगर आपने सपोज पी एच पी के थ्रू कुछ प्रिंट करवाया ब्राउजर पे तो वो जो प्रिंट हो रहा है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा जब ब्राउजर पे आएगा तो प्लेन एच टी एम एल के फॉर्मेट में आएगा मतलब वो एज ए एच टी एम एल वहां पर आने वाला है एज ए टेक्स्ट वहां पर आने वाला है जो पी एच पी की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी एच पी जैसे एच डी की फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच डी सी एस एस के लिए डॉट सी एस एस जावा स्क्रिप्ट के लिए डॉट जीएस तो उसी तरीके से पी एच पी की जो फाइल है वो होगी डॉट पी एच पी एट द एंड हम बात करते हैं कि कौन कौन से फेमस सी एम एस और फ्रेमवर्क है सीएमएस और फ्रेमवर्क क्या होते हैं पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ सी एम एस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो पी एच पी के बने हुए अपने अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो जिसमें से आपने कई बार नाम सुना होगा का तो गाइज ये वर्ड क्या करती है आपको ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन देती है आप ड्रैग करो ड्रॉप करो और आपकी वेबसाइट बनकर तैयार है वो भी वर्क कैसे कर रही है पीएचपी पे वर्क करिए अगर मैं बात करूँ एक और फेमस फ्रेमवर्क लारावेल की तो लारावेल भी किस पे वर्क कर रहा है पीएचपी पे वर्क कर रहा है अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं फ्रेमवर्क मतलब पीएचपी में जब आप कोडिंग करते हो तो आप जीरो से कोडिंग करते हो इनिशियली स्क्रैच से कोडिंग करते हो बट जब आप फ्रेमवर्क में मूव ऑन करते हो तब आपको स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि पीएचपी के कोड पहले से उसमें किए होते हैं बट एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप पीएचपी के किसी फ्रेमवर्क पे जा रहे हो तो मेक श्योर sure कि आपको पीएचपी का बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो उससे पहले आप किसी फ्रेमवर्क पर नहीं जा सकते क्योंकि आपको उसमें एट द एंड पीएचपी का कोड यूज करना ही पड़ेगा पीएचपी के लॉजिक्स पी के फंक्शंस पीएचपी के सिंटेक्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे तो भाई ये सारी चीजें हम लोग पीएचपी सीखेंगे उसके लिए बट पीएचपी सीखने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था प्री रिक्वेस कुछ है तो प्री रिक्वे क्या क्या होने चाहिए आपको एच डी एम एल सी एस एस और जावस्क्रिप्ट तीनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट एच डी एम एल और सी एस एस तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए रीजन क्या है पी एच बी आपके लिए डायनेमिक काम करेगी और जब डायनेमिक काम करेगी तो वो क्या करेगी आपके स्ट्रक्चर को खराब भी कर सकती है तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर मैनेज करते हुए डायनेमिक काम करवाना आना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वर क्या है पिछले वीडियो में मैंने आपको पी का इंट्रोडक्शन दिया था तो पी के लिए कौन सा सर्वर है जो हम यूज करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैम सर्वर आप विंडोज पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो तो भाई सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि सर्वर क्या है आ, तो पी जो है वो एक सर्वर साइट लैंग्वेज है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो सर्वर साइट लैंग्वेज क्या करती है सर्वर साइट लैंग्वेज एक सर्वर पर चलती है वहीं पर एग्जीक्यूट होती है वहां से कुछ आउटपुट देती है तो सर्वर साइट पर चलने के लिए आपको एक सर्वर की नीड होती है बट जब भी आप एक वेबसाइट बनाओगे तो ऑब्बियसली आप एक सर्वर पर तो वेबसाइट नहीं बनाओगे आप अपने लोकल सिस्टम पर बनाओगे अपने कंप्यूटर पर बनाओगे उस केस में आपको तो सर्वर चाहिए क्योंकि पी तो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो तो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होगी तो कुछ ऐसे सर्वर्स आते हैं जो लोकल सर्वर्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं और उनकी कंफ्यूगेशन कुछ इस तरीके की हो जाती है कि वो आपके सिस्टम को ही सर्वर बना देते हैं मतलब आपका सिस्टम ही एक तरीके से सर्वर बन जाता है जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में लोकल होस्ट कहते हैं लोकल सर्वर यानी आपका सिस्टम एक सर्वर है इसलिए वो लोकल होस्ट कहलाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास पी के सर्वर अवेलेबल है मतलब ऐसे कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो पी का सर्वर हमें प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले आता है वैम्प जो पर्टिकुलरली विंडोज के लिए है सर विंडोज के लिए है तो वैम्प का जो फुल फॉर्म है वो है विंडोज अपाचे माइस्कल एंड पी पी फॉर विंडोज तो वैम्प में आप जो देख रहे हो विंडोज Uh, में सबसे पहला क्या है विंडोज देन अपाचे फिर MySQL, फिर स्क् तो ये जो अपाचे है वो आपका सर्वर है वही आपका सर्वर है वही वही आपके आपके सर्वर सर्वर साइड साइड लैंग्वेज लैंग्वेज को को एग्जीक्यूट करता करता है आपके सर्वर को रन करता है जो है रन जो वो क्या करता है डेटा बेस हैंडलिंग करवाता है जो फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा बेस हम लोग कैसे यूज करते हैं तो डेटा बेस हैंडलिंग जो होती है वो माइस्कअल के थ्रू होती है बट उसके लिए भी पी पी का जो सर्वर है अपाचे सर्वर वो हेल्प करता है अपाचे सर्वर ही पीएचपी के कोड के थ्रू ही डेटाबेस हैंडलिंग भी करवाता है तो वैम्प जो सर्वर है वो सिर्फ विंडोज के लिए उसी तरीके से लैम्प है लैम्प क्या है लिनक्स अपाचे MySQL, PHP. अपाचे इज कॉमन जिस वो क्या हो गया प्लेटफॉर्म बेस्ड हो गया ओ एस बेस्ड हो गया तो लिनक्स के लिए लैम्प हो जाएगा और मैक के लिए यानी एप्पल के जितने भी आपके सिस्टम्स होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा मैम्प यानी मैक फिर अपाचे फिर माइस्क्यूल देन पीएचपी तो मैक के लिए क्या होता है मैंप होता है लैम्प होता है लिनेक्स के लिए और वैम्प होता है किसके लिए आपके विंडोज के लिए बट जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है जैम्प जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है जैम्प एक्सस्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो विंडोज के लिए अवेलेबल है लिनक्स के लिए अवेलेबल है और आपके साथ ही साथ ये मैक के लिए अवेलेबल है मैक के लिए भी अवेलेबल है तो सारी चीजों के लिए अवेलेबल है तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हो तो मैं आपको जैम्प का इंस्टॉलेशन बताऊंगा और जैम्प सर्वर ही मैं फर्दर वीडियोज में यूज करने वाला हूँ और जैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपने विंडोज सिस्टम पर ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और ब्राउजर पर आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना आपको लिखना है जैम्प और डाउनलोड जैम्प डाउनलोड लिख के आप जैसे एंटर दबाओगे सबसे पहली लिंक आपको दिखेगी ये आप देख रहे हो डाउनलोड जैम इसके आपको सिंपली क्लिक कर देना है आपने क्लिक किया इसकी रिगार्डिंग एक वेबसाइट खुल जाएगी जैसे अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी ये क्या एक वेबसाइट है अपाचे सर्वर जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वेबसाइट है ऑफिशियल और अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है जैम्प फॉर विंडोज लिनेक्स और ओ एस तीनों जो आपका एप्पल है उसके लिए भी अवेलेबल है तो हमें तो क्या करना है अभी इस वीडियो में मैं फिलहाल आपको विंडोज के लिए बता रहा हूँ तब आप देखना कि यहाँ पर

और मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूं और अब सो गाइस देख सकते हो आप मेरे डाउनलोड्स में ये जैम्प विंडोज सिक्सटी फोर सेवन पॉइंट फोर पॉइंट एट ये क्या है जैम्प का इंस्टॉलर है जैम्प का इंस्टॉलर जैसे आप यस पे क्लिक करोगे ये आपको फर्दर कहाँ लेके जाएगा ये आपको लेके जाएगा एक लोकेशन पे जहाँ पर आपको जैम्प इंस्टॉल करना होगा तो अभी ये बिटनामी करके आया फिर आप इसको जस्ट ओके कर दोगे ये सेटअप आ गया आपके पास नेक्स्ट पर क्लिक करो ये यहाँ पर पूछ रहा है क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है तो मैं एक बार सारे चेक रखता हूँ माइस्कल चाहिए मुझे और जो जैम्प जो है वो और भी चीजें प्रोवाइड करता है आपको मतलब जैसे आप देख सकते हो वेबिलाईजर है फेक ईमेल सेंडर है टॉम कैट है तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है बट हम इनके साथ ही इसको कंफिगर कर लेंगे नेक्स्ट पे क्लिक किया फिर अब आप देख रहे हो ये फोल्डर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे दे रहा है तो फोल्डर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं और कोई फोल्डर सिलेक्ट करना चाहता हूँ सपोज आपके कोई और डिस्क है जैसे मेरे यहाँ सी ड्राइव है सी ड्राइव के अंदर आपकी कोई और ड्राइव है तो वो आप चूज कर सकते हो और वहां पर आपको जैम्प नाम का ये फोल्डर बनाना है और जैम्प नाम के फोल्डर में इंस्टॉल करना है तो जैसे आप यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि सी ड्राइव में पहले से इंस्टॉलेशन है और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा इंस्टॉलेशन के लिए आपको आगे लेके जाएगा अभी आप देख रहे हो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि एम फोल्डर सिलेक्ट करना है रीजन क्या है क्योंकि मेरा जैम्प ऑलरेडी पड़ा है बट आपको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा तो मैं आपको लेके जाता हूँ और ये आप देख रहे हो जैम्प करके एक फोल्डर बना हुआ है मेरी ड्राइव में और जैम्प के अंदर कुछ और इसके फोल्डर्स बने हुए हैं तो ये काफ़ी सारे और फोल्डर्स हैं जो जैम्प के हम लोग इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि जैम्प सर्वर परफेक्टली इंस्टॉल हो गया इसको टेस्ट कैसे करें तो आप यहाँ देखो जैप कंट्रोलर डॉट ई एक्सी स्टार्ट करना है जैम्प कंट्रोल डॉट ई एक्सी और इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा और इस पॉपअप में जैसे मेरे पास यहाँ से पहले से ये स्टार्टेड है मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ और फिर से आपको स्टॉप कर स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो स्टॉप कर दिया मैंने कुछ इस तरीके का आपके सामने खुलेगा आपको क्या करना है अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है और माएस्कल सर्वर को स्टार्ट करना है अभी फिलहाल माइस्कल सर्वर हम यूज़ नहीं करने वाले बाद में यूज़ करेंगे बट आपको अपाचे और माएस्कल सर्वर दोनों स्टार्ट कर लेना है अब क्या करना है आपको जहाँ पर जाओ आप और सिंपली क्या करो आप इधर लिखो लोकल होस्ट और लोकल होस्ट बाकी मैं हटा देता हूँ लोकल होस्ट लिखो एंटर प्रेस करो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा एक पेज खुलेगा जिसमें आपका लिखा हुआ है जैम्प अपाचे और पीएचपी कौन सा वर्जन है विंडोज के लिए सारी चीजें लिखी हुई है आप पीएचपी इन्फो पे जाओगे तो कौन सा पीएचपी इंस्टॉल्ड है ये सारी चीजें आपको बता देगा तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहा से मिल रही है जैम्प से मिल रही है मतलब इससे क्या आपको क्लियर हो जाता है कि आपके सिस्टम पे एक सर्वर इंस्टॉल हो चुका है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पी की फाइल कैसे बनाओगे कैसे पी की फाइल लोड करोगे किस तरीके से हम लोग उसके अंदर एक पहला स्ट्रिंग लिख के देखेंगे कि किस तरीके से इसमें स्ट्रिंग लिखी जाती है उसकी सिंटेक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे तो अगर पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो PHP की जो फाइल होती है वो आपके सर्वर पर चलती है तो अगर आपने जैम सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रखा है या फिर आपने कोई भी एक सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको पहले सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा पिछले वीडियो में मैंने सर्वर इंस्टॉलेशन समझा रखा है तो आप देख सकते हो किस तरह आप सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि पी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है तो नॉर्मल एच की फाइल के जैसे वो ब्राउजर पर रन नहीं हो सकती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए आपको उसको बनाना पड़ता है सर्वर के अंदर ही तो भाई सबसे पहले हम लोग चलते हैं सी ड्राइव के अंदर जहां पर मैंने जैम्प रखा हुआ है और ये सी ड्राइव है यहाँ पर आपके जैम्प है और जैम्प के फोल्डर में आने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे जितनी भी आपकी वेबसाइट्स बनेगी सारी की सारी कहाँ स्टोर होगी एच नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होगी अगर आप एच टी डॉक्स से कुछ भी बाहर रखते हो तो वो कभी भी आपकी आ, सर्वर पे लोड नहीं हो पाएगा तो आपको कहां बनाना है एच टी डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर इसके अंदर भी आप अपना एक फोल्डर बनाओगे जैसे मैं पहला फोल्डर बना रहा हूं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर मैं अपना एक पहला पेज बनाऊंगा अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली क्या एच टी डॉक्स के अंदर आपको क्या करना है अपना प्रोजेक्ट रखना है अपना प्रोजेक्ट यानी अपनी वेबसाइट रखनी है उसका एक फोल्डर बनाना है देन आपको क्या करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो फाइल बनानी है उस फाइल का नाम जो आप चाहते हो कि सबसे पहले लोड हो सबसे पहले कॉल हो उस फाइल का नाम हमेशा इंडेक्स होना चाहिए तो मैं यहां से एक न्यू फाइल पे चलता हूं और इसको लिखता हूं इंडेक्स और इंडेक्स डॉट पीएचपी क्योंकि एक मेरी पीएचपी की फाइल है तो ये हो गई मेरी इंडेक्स डॉट पीएचपी तो गाइज ये दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि सबसे पहली फाइल जो भी आप लोड करवाना चाहते हो

कौन सा ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट एक एंगुलर ब्रैकेट फिर क्वेश्चन मार्क फिर आप लिखोगे पीएचपी देन आप एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले फिर से क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट तो गाइस ये मेरा सिंटेक्स है पीएचपी का ब्लॉक बनाने के लिए आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है सबसे पहले आएगा, आएगा आपका एक एंगुलर ब्रैकेट देन क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी देन क्वेश्चन मार्क और फिर से एक एंगुलर ब्रैकेट तो ये हमारा पूरा की पूरा सिंटेक्स है ये हमारा ब्लॉक है पीएचपी का जो भी पीएचपी के काम आपको करने हैं वो सारे के सारे इस ब्लॉक में रहने चाहिए इस ब्लॉक के अलावा कहीं भी नहीं रह सकते वो सारे कहा रहने चाहिए इस ब्लॉक के अंदर रहने चाहिए इस ब्लॉक के बाहर अगर आप कुछ भी कोड लिखते हो तो वो एज एच टीम एल कंसिडर किया जाएगा और वो एज अ प्लान प्लेन टेक्स्ट वहां पर आपके ब्राउजर पे दिखेगा अब जब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहली बार मुझे स्ट्रिंग कुछ लिखनी है तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इको का इको के इको का यूज करके ना सिर्फ स्ट्रिंग बल्कि आप वेरिएबल नंबर कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा तो इको क्या करता है इको आपको ब्राउजर पे कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए हेल्प करता है तो इको क्या करेगा यहां पर ब्राउजर पे कुछ डिस्प्ले करवाएगा तो मैं यहां लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इको हेलो वर्ल्ड तो इको फिर आपने डबल कोड्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये क्या करेगा आपको ब्राउजर पे दिखेगा अब ब्राउजर पे कैसे दिखेगा ये फाइल सीधा तो ब्राउजर पे लोड नहीं हो सकती तो आपको ब्राउजर ओपन करने से पहले आपको जैम्प सर्वर ओपन करना है जैम्प सर्वर कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये आपका एच डी डॉक्स का जो फोल्डर है उससे बाहर आना है आपको यहाँ पर है जैम्प हाइफन कंट्रोलर और जैम्प हाइफन कंट्रोल पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें आपको अपाचे सर्वर पे जैसे यहाँ पर अभी मेरे स्टॉप लिखा हुआ है सबसे पहले क्या आएगा स्टार्ट लिखा हुआ है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है अपाचे सर्वर स्टार्ट हो चुका है माई स्कूल सर्वर भी स्टार्ट कर लेना है क्योंकि बाद में हम लोग जब डेटा बेस कनेक्शन करेंगे तब यूज करेंगे अभी फिलहाल जस्ट मैं आपको स्टार्ट करना समझा रहा हूँ ये स्टार्ट कर लिया दोनों को आपने और स्टार्ट करने के बाद आपको ब्राउजर पे जाना है अपने और ब्राउजर पे जाके पहले चेक करोगे कि क्या हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं तो आपको जस्ट लिखना है लोकल और लोकल होस्ट और लोकल होस्ट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो अगर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और जैसे ही आपका इंटरफेस खुल जाता है ये डैशबोर्ड हटा दो और यहां पर उस फोल्डर का नाम लिखो जो फोल्डर आपने बनाया था एज अ प्रोजेक्ट दिया जाएगा फर्स्ट और ये मेरा क्या है प्रोजेक्ट का नाम है तो प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट और एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हो तो यहाँ लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड ये कैसे ओपन हुआ ये ओपन हुआ है एच टी डॉक्स के अंदर गया फिर फर्स्ट को ढूंढा और फर्स्ट के अंदर सबसे पहली कौन सी फाइल ढूंढता है इंडेक्स तो गाइस अगर मैं अभी इंडेक्स हटा देता हूँ और इंडेक्स को हटा के मैं कर देता हूं अबाउट डॉट पी एच पी और अगर हम यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुल चुका है और यहाँ पर आप अबाउट पर क्लिक करोगे तो ये अबाउट वाली फाइल लोड हो जाएगी बट अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपका यूजर तो ऐसे चूज करेगा नहीं तो सबसे पहली फाइल हमेशा कौन सी होनी चाहिए इंडेक्स डॉट पी एच पी ही होनी चाहिए और आप रिफ्रेश करोगे तो इंडेक्स डॉट पी एच पी के ऊपर जो, जो भी लिखा होगा वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा तो यहां तक समझ में आ गया गाइस आपको कि इको क्या करता है कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाता है कहाँ पर प्रिंट करवाता है आपके ब्राउजर के ऊपर इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स इन पी एच पी गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं तो वेरिएबल्स यूजर के दिए हुए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं मतलब जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करोगे आप वेरिएबल्स को बहुत ज्यादा यूज करोगे और वेरिएबल्स में आप क्या करोगे डेटा स्टोर करोगे बट एक्चुअली आप डेटा कहाँ स्टोर करते हो आप किसी मेमोरी एड्रेस पे डेटा स्टोर करते हो तो गाइज ये जो मेमोरी एड्रेस है उसको आप याद नहीं रख सकते तो उसको याद रखने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ऐसा वेरिएबल ऐसा नाम जो आपको बहुत ईजिली याद रह सकता है तो वो नाम क्या करेगा किसी मेमोरी एड्रेस को टारगेट करेगा किसी मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा और जब भी आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप उस नाम को वापस कॉल करोगे तो वो उस मेमोरी एड्रेस से उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से डेटा निकाल कर लेके आएगा सपोज मैं बात करूं वेरिएबल एक मैंने बनाया एक्स वाई एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं ट्वेंटी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ट्वेंटी एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ किस पे एक्स नाम के किसी वेरिएबल पे अब वो एक्स क्या करेगा किसी मेमोरी एड्रेस पे ट्वेंटी को स्टोर कर देगा अब जब भी मुझे ट्वेंटी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा सिर्फ X को को कॉल करना होगा अपने आप उस मेमोरी एड्रेस रेफर करेगा वहां से डेटा लाकर हमको दे देगा अब वेरिएबल्स इनको क्यों कहते हैं क्योंकि ये कभी भी वेरी हो सकते हैं मतलब जब आप चाहो प्रोग्रामिंग के अंदर थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन पहले बाद में कभी भी आप इनको चेंज करवा सकते हो मतलब मैंने ट्वेंटी स्टोर किया था किसी मेमोरी एड्रेस पे थोड़ी देर बाद मुझे चाहिए तो उसी मेमोरी एड्रेस पर थर्टी स्टोर कर दू उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को पकड़ के यानी में ट्वेंटी डाला था अब एक्स में थर्टी भी डाल सकता हूँ तो ये होते हैं वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या करते हैं आपके डेटा को स्टोर करते हैं कहाँ पर मेमोरी एड्रेस पर और आप ताकि उस मेमोरी एड्रेस को याद रख सको इसलिए आपको एक नाम बना कर देते हैं तो आप नाम अपने आप ही बनाते हो और उनको आप कभी भी वेरी कर सकते हो सो so गाइस कुछ मैं रूल्स बता देता हूँ आपको कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स हैं आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल बनता है उसके आगे डॉलर का साइन लगता है हमेशा तो वेरिएबल जो भी बनेगा वो क्या कैसे बनेगा डॉलर के साइन से बनेगा यानी अगर मैं नाम नाम का ना 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 तो एक्स, नाम का वेरिएबल वेरिएबल बनाना चाहता तो तो डॉलर डॉलर फिर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे अल्फा निमरिक होंगे मतलब ए से जेड जीरो से नाइन कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं अल्फा निमरिक वेरिएबल्स होंगे और उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ क्या है डॉलर है पीएचपी की बात करो मैं और जब भी वेरिएबल बनेगा आपका वेरिएबल हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट होगा यानी ए टू जेड में किसी से स्टार्ट होगा या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा इसके अलावा किसी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को वेरिएबल के अंदर जैसे आप फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बना रहे हो तो फर्स्ट और नेम इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए आप अंडर स्कोर से इसको जोड़ सकते हो बट स्पेस नहीं होना चाहिए सिर्फ एक ही चीज है जो इन दोनों को जोड़ सकती है दो वर्ड्स को वो होती है अंडर स्कोर तो फर्स्ट अंडर स्कोर नेम ऐसे आप लगा सकते हो बट फर्स्ट स्पेस नेम ऐसे आप नहीं लगा सकते हो फिर एक चीज का और ध्यान रखना आपको कोई भी स्पेशल सिंबल या फिर डॉलर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल डॉलर और अंडरस्कोर uh, के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल या नंबर नहीं आना चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के इनिशियल में में बाद में आ सकता है और पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं केस सेंसिटिव मतलब डॉलर एन कैपिटल ए एम ई जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो ये और ये दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव होने की वजह से एन ए एम ई जिसमें एन कैपिटल है और एक एन ए एम ई जिसमें एन स्मॉल है वो दोनों भी डिफरेंट है दोनों सेम कभी नहीं हो सकते क्योंकि पी एच पी क्या है केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिव लैंग्वेज हमेशा अपने वेरिएबल्स के नाम पर नहीं चलती वेरिएबल्स के लेटर्स पे चलती है वेरिएबल का लेटर आपने किस तरीके का बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो रेफर करती है सपोज मैंने नेम के अंदर डब्ल्यू एस क्यूब डाला यहाँ स्मॉल एम में मैंने डब्ल्यू एस क्यूब डाला और कैपिटल एम में मैंने क्या डाला टेक्ट डाला तो इस केस में ये दोनों अलग होंगे और दोनों का रिजल्ट इनके कॉलिंग पर अलग अलग ही आएगा तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे वेरियबल्स को और वेरिएबल्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बनाना समझेंगे वैल्यूज उसमें डालेंगे उसमें से वैल्यू निकालना समझेंगे उस वेरिएबल को कैसे ओवरराइट करते हो क्यों उनको वेरिएबल्स कहा जाता है ये भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करोगे आप पीएचपी के अंदर गाइज पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कुछ रूल्स बताए थे कि क्या रूल्स आपको ध्यान रखने हैं वेरिएबल बनाते टाइम किस तरीके से वेरिएबल बनते हैं और क्या होते हैं वेरिएबल्स तो पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपने जैम सर्वर पर जाना है तो जैम सर्वर जैसे कि मैंने यहाँ सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है तो वहां पर चलता हूँ मैं सी ड्राइव में और सी ड्राइव में ये है मेरा एच डॉक्स नाम का फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं ये फर्स्ट नाम के मेरे फोल्डर में आ चुका हूँ तो एच डॉक्स और एच डॉक्स से कहां पर आ गया मैं फर्स्ट नाम वाले मेरे फोल्डर में तो गाइस ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक बार एक स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखाई थी आपको और इसको मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर ओपन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये मैंने स्ट्रिंग प्रिंट किया पिछले वीडियो में मैंने हेलो वर्ल्ड बताया था एक, कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हो आ, तो यहाँ से ही हम लोग यूज करने वाले हैं इसी को यूज करने वाले हैं हम लोग वेरिएबल समझने के लिए तो अब आप आपको समझना है कि ये हेलो वर्ल्ड जो है वो आपको अगर रन करना है ब्राउजर पे तो ये ऐसे ही रन नहीं हो सकता यहाँ रन टू ब्राउजर नहीं कर सकता आप तो आप क्या करोगे जैम्प सर्वर ओपन करोगे अब जैम्प सर्वर कैसे ओपन करना है तो आप आ जाओगे जैम्प वाले फोल्डर में और यहाँ से आपको चलना है जैम्प अंडर स्कोर कंट्रोल डॉट ई एक्सी और ये आप जैसे डबल क्लिक करोगे आपके सामने जैम्प कंट्रोलर ओपन हो चुका है और जैम्प कंट्रोलर में आप क्या करोगे अपाचे सर्वर और माइस्कोल सर्वर को स्टार्ट कर दोगे और फिर आपको क्या करना होगा सिंपली ब्राउजर पे जाना है ब्राउजर पे जाकर आप लिखोगे लोकल होस्ट और लोकल होस्ट में आपके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है जो आपने एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर रखा होता है तो एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर मेरा फोल्डर क्या है फर्स्ट और फर्स्ट में सबसे पहले फाइल कौन कौन सी होती है इंडेक्स डॉट पी तो जैसे मैं इसको गो करूंगा आप देख सकते हो हो कॉल चुकी और हेलो वर्ल्ड है अब मुझे यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल समझना है है तो मैं इसको हटा देता हूं। और गैस, variable जो है, वो PHP के अंदर आपको पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है जहां पर आप डिक्लेयर करोगे वही इनिशियलाइज कर देते हो आप तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ करता हूँ तो यहां पर आपको किसी कीवर्ड की भी जरूरत नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जैसे आप जावास्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड यूज करते हो उसकी भी आपको जरूरत नहीं है सिंपली आपको क्या करना है डॉलर लिखना है और डॉलर के बाद अपने वेरिएबल का नाम तो जैसे मेरा पहला वेरिएबल मैं आपको समझा रहा हूं तो फर्स्ट तो जैसे गाइस ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है तो मैंने लिख दिया है डॉलर फर्स्ट और डॉलर फर्स्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू स्टोर करके दिखाता हूँ आपको फाइव तो ये आप क्या हो गया डॉलर फर्स्ट में स्टोर हो चुके हैं और डॉलर फर्स्ट क्या है उस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस है जहां पर ये फाइव स्टोर होगा क्योंकि एक्चुअली जो डेटा है आपका वो जाके कहाँ स्टोर होता है किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होता है तो ये जो डॉलर फर्स्ट है ये उस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस है और अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा इको और डॉलर फर्स्ट अब आपने जो डॉलर फर्स्ट में वैल्यू डाली थी फाइव वो आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी क्योंकि ये जो वेरिएबल आपका है वो ग्लोबल वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कहीं भी एक्सेस करो तो अब मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देखोगे कि यहाँ पर रिफ्रेश करने पर ये मेरे को फाइव दिखा रहा है ये कौन सा फाइव है जो मैंने यहाँ पर डाला था और अगर मैं फिफ्टीन डालूंगा तो ये मुझे फिफ्टीन भी शो करेगा तो यहाँ पर मैं एक बार फिफ्टीन डालता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो फिफ्टी भी शो कर रहा है अब आपको कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल के अंदर ये जो फर्स्ट है ये दोनों फर्स्ट जो है वो अलग अलग है मतलब कि जिसमें f स्मॉल है और जिसमें f कैपिटल है ये दोनों डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो केस सेंसिटिविटी है वो इनको डिफर कर रही है जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है वो क्या करती है अपने वेरिएबल्स को केसेस के ऊपर डिफाइन करती है केसेस के अकॉर्डिंग समझती है तो ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट पी के लिए एक अलग है अगर आपको यहाँ पर करना है तो आप यहाँ पर लिखो इको और डॉलर यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला फर्स्ट है जिसमें एफ कैपिटल है वो लिख दिया और रिफ्रेश करता हूँ तब तो आप देख सकते हो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जब समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके साथ कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो हम कॉन्कैटिनेशन से इसमें कुछ अपने टैग्स टैग्स भी के भी के कॉन्कैटिनेट करवा पाएंगे और हम लोग कुछ और चीजें भी कॉन्कैटिनेट करवा पाएंगे तो गाइज यहाँ तक तो फिलहाल ये कंसेप्ट है हमारा की कैसे दो वेरिएबल्स बने हमारे दो वेरिएबल्स जो है वो कैसे वर्क कर रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट अलग है और गाइज फिर से मैं एक चीज बता दू आपको कि वेरिएबल्स इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी वेरी कर सकते हैं अगर मैं फर्स्ट को पहले फिफ्टीन बनाऊं और बाद में मैं इसको बना दूं यहाँ से ट्वेल्व और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये क्या करेगा अगर इसको एक बार मैं कमेंट कर देता हूं तो कमेंट के लिए आपको क्या करना होगा सिंपली डबल स्लैश लगाना है तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है तो ये हो गया कमेंट अब आप देख सकते हो पहला फर्स्ट क्या है मेरा पहला फर्स्ट है ये मेरा यहाँ पर जो फिफ्टीन था उसके बाद इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं एक बार तो पहला मेरा फर्स्ट है फिफ्टीन फिर मैंने फिफ्टीन प्रिंट करवाया और फिर मैंने उसको कर दिया ट्वेल्व और फिर मैंने उसको प्रिंट करवाया यानी इको करवाया तो आप देख सकते हो फिफ्टीन और ट्वेल्व दोनों दिखा रहा है वाई इज इट सो क्योंकि आपने वेरिएबल बनाया है तो वेरिएबल कभी भी वेरी कर सकते हैं कभी भी उनके वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो और एक चीज आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी name, इस नाम से नहीं बनाओगे फोर नेम मतलब इस नाम से वेरिएबल क्यों नहीं बनाओगे सपोज मैं यहाँ फोर नेम डाल रहा हूँ और मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ और फिर इसको मैं करवाता हूँ इको और इको फोर नेम और यहाँ इंटरप्रेस करूंगा तो आप देखोगे की ये क्या कर रहा है एक एरर दे रहा है आपको यहाँ आप देख सकते हो पार्ट सिंटेक्सुअल पहला जो है वो कभी भी एक वर्ड नहीं हो सकता, लेटर नहीं हो हो सकता सकता लेटर तो आप वन से लगाकर टेन तक या वन से लगाकर जीरो तक जीरो से कुछ भी यहाँ नहीं लिख सकते हो हाँ, आप अंडरस्कोर लिख सकते हो अंडरस्कोर नेम को कंसिडर किया जाता है बट फोर नेम को कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर नेम आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है मैं ऊपर वालों को एक बार कमेंट कर देता हूं सारों को और अब आप देखोगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो ये जो अंडर नेम है वो एप्लीकेबल है बट फोर नेम ये एप्लीकेबल नहीं है हाँ बट अगर आप नेम फोर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो अगर मैं यहाँ से नेम वन नेम टू नेम फोर ऐसा कुछ रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं तब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो नंबर है वो आगे नहीं आ सकते पीछे आ, आ सकते हैं अगर आप पीछे कहीं पर नंबर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बीच में कहीं आप नंबर लगाना चाहते हो तो बीच में एक बार यहाँ पर नंबर लगा देते हैं हम लोग और बीच में नंबर लगाओगे तो आप देख सकते हो बीच में भी नंबर चलेंगे बट इनिशियल जो है वो नंबर से नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है या फिर आपका कोई अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है और डॉलर डौ, जो है वो तो किस लिए है वो है डिफाइन करने के लिए कि ये एक वेरिएबल है उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर भी आप वहां पर नहीं लगा सकते इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएचपी के अंदर कॉन्कैटिनेशन कैसे वर्क करता है किस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं अगर आपको कॉन्कैटिनेशन का आइडिया ना हो तो क्या कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना इसमें आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो दो वेरिएबल्स को जोड़ सकते हो एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को जोड़ सकते हो या फिर दोनों वेरिएबल्स को जोड़ सकते हो इस तरीके से आप दो चीजों को जोड़कर कुछ एक नया स्ट्रिंग बना सकते हो तो गैस मैं ये एक और चीज क्लियर कर दूं कि कॉन्कैटिनेशन तब वर्क करता है जब आप यूजर से मोस्टली uh, ये एक तो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आप यूजर से फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम लेते हो बट उसको स्टोर करते हो एज अ फुल नेम तब क्या होता है कॉन्कैटिनेट होता है यूजर का पहला नाम और दूसरा नाम कॉन्कैटिनेट होकर जुड़ के फुल नेम के जैसे स्टोर हो जाता है तो इस केस में भी कॉन्केटिनेशन वर्क करता है या फिर सपोज आपको कुछ वर्ड्स है जैसे दिस इज दी एच पी टूटोरियल ये अलग अलग वर्ड है इनको एक साथ जोड़ना है उस केस में भी आप यूज कर सकते हो कॉन्टिनेशन का वो क्या करेगा एक स्ट्रिंग बनाकर दे देगा वर्ड्स को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाकर दे देगा और स्ट्रिंग क्या होती है कंटिन्यूस कैरेक्टर्स होते हैं एक के बाद एक कैरेक्टर्स होते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्केटिनेशन कैसे वर्क करता है और कौन सा ऑपरेटर है जो कॉन्टिनेट करवाता है तो यहां पर मेरे पास एक पीएचपी की फाइल बनी हुई है एच डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने टेस्टिंग नाम का एक फोल्ड एच डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने फर्स्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और उस फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट में ये है मेरी इंडेक्स डॉट एच डी एम एल वाली फाइल और मैंने जैम्प सर्वर इस हाथ में ऑन कर लिया है तो जैम सर्वर ऑन करने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ से लोकल होस्ट पे जाओगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे और प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं फर्स्ट और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आपको कौन सा पेज खोल के देगा ये वाला इंडेक्स वाला पेज अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं डालता हूँ एक फर्स्ट नेम तो ये हो गया मेरा एक फर्स्ट नेम अब मैं एक और सेकंड नेम बनाता हूँ तो इधर मैं लिख देता हूँ पर मैं डाल देता टेक तो ये क्या हो जाएगा क्यूब टेक तो ये मैंने क्या किया फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दो वेरिएबल्स बनाए अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वेरिएबल्स इको तब एक ही बन के eco. तब क्या होना चाहिए ये दोनों वेरिएबल्स एक बन के इको होने चाहिए तो उस केस में लॉजिक लगता है हमारे कॉन्कैटिनेशन का उस केस में वर्क करता है कॉन्कैटिनेशन तो टिनेशन आपको करवाना है अगर पीएचपी के अंदर तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है डॉट ऑपरेटर जिसको आप फुल स्टॉप कहते हो वो भी आ, वो क्या करता है दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट या दो वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करवाता है तो मैं क्या करूंगा सिंपली पहले वेरिएबल को लिखूंगा यहाँ पर फिर डॉट और फिर दूसरे वेरिएबल को तो इससे क्या होगा दोनों के दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे दोनों के दोनों एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाएंगे और जब आप आउटपुट देखोगे इसका तो आउटपुट में क्या होगा दोनों एक साथ आपको दिखेंगे यहाँ से तो आप देख रहे हो डब्ल्यू एस क्यूबेक दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो गई अगर आप चाहते हो कि डब्लू एस टैग के बीच में गैप दिखे तो आप यहाँ से एक स्पेस दे दो ये स्पेस आपको कहाँ दिखेगा ये स्पेस आपको यहां भी विजिबल हो जाएगा तो आप देख सकते हो दो स्ट्रिंग्स है पर क्या हो रही है हो रही है लेकिन वो किसकी मदद से रही है अभी फिलहाल वेरिएबल की मदद से हो रही है अगर मैं इनके अंदर कोई स्ट्रिंग को जैसे ये मैंने क्या किया है यहाँ पर से पहले वेरिएबल्स में स्ट्रिंग डाली कोई रॉ स्ट्रिंग कॉन्काटिनेट करानी है तो आप सिंपली डॉट लगाओ और यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दो सीधा तो यहाँ लिख देता हूँ हेलो और ये स्ट्रिंग भी अब क्या हो जाएगी इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी तो आप देख सकते हो डब्ल्यू एस क्यूबेक और हेलो जो क्यूब है वो क्या है दो वेरिएबल्स में है। कौन से वेरिएबल्स हैं वो ऐसे वेरिएबल्स जिन्होंने स्ट्रिंग होल्ड की हुई है और जो हेलो है वो प्योर स्ट्रिंग है वो किसी वेरिएबल से नहीं आ रही है तो ये भी आप यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर सकते हो इसके साथ और आपको कुछ कॉन्केटिनेट करना है तो डॉट लगा के आप वन लगा दोगे बट आपको एक चीज ध्यान रखना आप कॉन्टिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के साथ करवाओगे नंबर के साथ नहीं करवाओगे तो डॉट और मैंने वन लगाया तो आप देख रहे हो वन आ गया तो इस तरीके से आप बहुत सारे कॉन्कैटिनेशन करवा सकते हो बहुत सारे वेरिएबल्स ले सकते हो सपोज मैं टेन वेरिएबल्स लू जिनमें मैं अलग अलग वर्ड्स लिखूं और फिर उन वर्ड्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट करवाऊ तो इस तरीके से डॉट उसके लिए मुझे हेल्प कर सकता है डॉट क्या करेगा दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करेगा वो स्ट्रिंग्स वेरिएबल में भी हो सकती है और इस तरीके से रॉ स्ट्रिंग भी हो सकती है जैसे आप देख रहे हो ये रॉ स्ट्रिंग लिखी हुई है मैं इधर एवरी वन लिख देता हूं तो आप देखोगे की ये हेलो एवरी वन Hello everyone, पूरा एक लाइन से लिखा हो दिखेगा आपको तो ये कैसे हो रहा है ये हो रहा है स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन की मदद से जबकि स्ट्रिंग सारी अलग अलग है बट एट द एंड हम तो कैसे दिख रही है कॉन्काटिनेटेड दिख रही है एक ही लाइन से दिख रही है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं और पीएचपी के अंदर हम लोग कितने टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले कैसे इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइप्स बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक ऑपरेटर एक एक टाइप एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से तो गाइस सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर तो गाइस ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर ऐसा सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि इन पर्टिकुलर दो ऑपरेट के बीच में किस तरीके का ऑपरेशन करना है जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जब आप टू प्लस थ्री लिखते हो तो जो बीच में आपका प्लस होता है वो एक ऑपरेटर होता है और टू और थ्री के बीच में क्या करवाना है दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन करवाना है ये कौन बताता है वो ऑपरेटर बताता है यानी जो प्लस वाला ऑपरेटर है वो बताता है तो गैस ये कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं प्लस वाला ऑपरेटर मैं कह रहा हूं तो सिर्फ हम लोग एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं इस तरीके के कई सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिन लोग जिनकी हम बात करते हैं तो ऑपरेटर क्या करता है ये आपको सिंपली याद रखना है कि ऑपरेटर कंपाइलर को बताता है कि दो पर्टिकुलर ऑपरेंट्स के बीच में क्या ऑपरेशन करवाना है ऑपरेश्स कौन है टू और थ्री ऑपरेटर कौन है प्लस और ऑपरेशन क्या हो रहा है एडिशन का तो गाइस इस तरीके से हम लोगों को ऑपरेटर समझना है अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग पी के अंदर पढ़ने वाले हैं अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो उसमें भी आपने यही सारे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स गाइज वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एडिशन सप्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन का काम करते हैं जो कैलकुलेटर पे होने वाली चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे वो सारी की सारी अर्थमेटिक ऑपरेटर से करोगे गाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो लॉजिक ह्यूमन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं इंप्लीमेंट करना है वहां आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं जो आप ह्यूमन माइंड में इंप्लीमेंट करते हो कि अगर ये काम हुआ और ये हुआ तो मैं ये वाला काम करूंगा इस तरीके का कुछ लॉजिक जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर की तो कंडीशनल और टर्नरी भी कहा जाता है इनको तो टर्नरी बताने से पहले मैं आपको एक और ओवरव्यू होता, तो होता, होता है दो पर काम करने वाले ऐसे ऑपरेटर दो ऑपरेट चाहिए तो उसको क्या चाहिए दो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंट चाहिए उस ऑपरेटर को कौन से ऑपरेटर को प्लस ऑपरेटर को क्या चाहिए दो ऑपरेंट चाहिए तो टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें तो ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपको किसी एक कंडीशन के बेसिस पर दो चीजें डिसाइड करने का ऑप्शन देता है तो ये टर्नरी ऑपरेटर है ये तीन ऑपरेंट लेता है सबसे पहले क्या लेता है कंडीशन दूसरा क्या लेगा कि ट्रू हो तो अब क्या करना है और फॉल्स हो तब तो क्या करना है कुछ इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे गाइस जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा फिर बात करते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जिससे हम कुछ असाइन करते हैं जैसे आपने देखा पिछले वीडियोज में डॉलर ए इज इक्वल्स टू बी ये क्या कर रहे हो आप डॉलर ए को बी असाइन करवा रहे हो तो ये क्या कहलाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा इस तरीके के और भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है वो मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे और एट द एंड हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स या आप कह सकते है, रिलेशनल उपरेटर्स। उपरेटर्स रिलेशनल हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं भाई दो चीजों के बीच में ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये भी दो पर काम करते हैं दो ऑपरेंट पे काम करते हैं तो दो चीजों के बीच का रिलेशन बताते हैं कि जैसे मैं अगर बात करूं कि ए बी से बड़ा है क्या तो ये क्या है दोनों के बीच का रिलेशन है हा ये इससे बड़ा है तो इस तरीके के जो भी कंपेरिजन होते हैं तरीके के जो भी होते हैं 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 वो कौन बताते या बताते या रिलेशनल ऑपरेटर्स तो गाइज ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मैं फर्दर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में तो गाइज सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है और एट द एंड हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली पीएचपी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो गई पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एडिशन सब्टन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परफॉर्म करवाते हैं एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो गाइज ऐसे ऑपरेशंस जो आप कैलकुलेटर पर इंप्लीमेंट करते हो वो सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से किए जाने वाले अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं तो guys, ये कुछ ऑपरेटर्स आपके सामने हैं जो हम लोग यूज करेंगे एज अ ऑपरेटर हम लोग PHP के अंदर यूज करते हैं और सबसे पहले हमारे पास है प्लस प्लस क्या करता है दो वेरिएबल्स को प्लस करवाता है वेरियबल्स कोई टू प्लस थ्री इस तरीके से एडिशन का, का काम करता है फिर है माइनस माइनस क्या करेगा सब्ट्रैक्शन का काम करेगा एक्स माइनस वाई थ्री माइनस टू और मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा यानी एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्या करता है दोनों को मल्टीप्लाई काम करने का टू इंटू थ्री सिक्स होता है उस तरीके से काम करेगा फिर आता है हमारे पास डिवीजन तो डिवीजन के लिए आपको यूज करना होता है स्लैश और स्लैश क्या करेगा डिवीजन परफॉर्म करवाएगा तो आप टेन डिवाइड बाई टू करोगे तो फाइव आंसर आएगा तो इस तरीके से डिवीजन परफॉर्म करेगा अब जो मॉड्यूलस है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है मॉड्युलस भी डिवीजन करता है बट मॉड्यूलस जो है वो क्वेश्चन ना देके रिमाइंडर देता है क्या करता है क्वेश्चन ना दे रिमाइंडर करता है जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं नाइन को डिवाइड कर रहा हूं फोर से तो नाइन को जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा फोर टूजा एट हो जाएगा तो टू क्या है क्वेश्चन वो कहाँ आएगा आपके पास डिविजन में मतलब इस प्लेस पे आएगा और जो आपका वन जो रिमाइंडर बच रहा है फोर एट के बाद में से जो वन रिमाइंडर बच रहा है नाइन माइनस एट वन वो रिमाइंडर कौन देता है आपको मॉड्यूलस देता है तो मॉड्यूलस और डिविजन दोनों करवाते डिविजन ही है बट डिविजन आपको क्वेश्चन रिटर्न करेगा और मॉड्यूलस क्या करेगा आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा देन बात करते हैं हम लोग प्लस प्लस की तो प्लस प्लस क्या करता है इंक्रीमेंट करवाता है अब इंक्रीमेंट कैसे करता है वो खुद ही में प्लस वन करता है जैसे अगर मैं X++ लिखूं, तो एक्स में ही प्लस वन करवा देना तो X की तो की वैल्यू पीछे थी प्लस प्लस करके उसको इंक्री... इंक्रीमेंट लेके जाएगा इंक्रीज कर देगा एक से और माइनस माइनस क्या करेगा एक से डिक्रीज कर देगा तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं मैं अभी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा तो मेरे पास एक पीएचपी की फाइल है और इस फाइल में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इनको तो सबसे पहले मैं यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए यहां लगा देता हूँ एक वेरिएबल डॉलर ए इज इक्वल्स टू टेन और डॉलर बी इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं यहाँ पर हमारे पास थ्री तो दो ऑपरेटर्स आ चुके हैं आपके पास, अब मुझे, क्या करना? दो हमारे पास हैं, अब मुझे क्या करना है मुझे सबसे पहले इनके ऊपर परफॉर्म करना है एडिशन तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिख दूंगा एड और इसके अंदर हम लोग एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं ऊपर एक वेरिएबल बना दूं डॉलर सी इज इक्वल्स टू ए डॉलर ए प्लस बी

एच टी डॉक्स फर्स्ट के अंदर तो आप लिखोगे लोकल होस्ट और फर्स्ट और आप एंटर जैसे प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फाइल पर चले जाएगा क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन चाहिए तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं सी नाम का ही वेरिएबल यूज करूंगा क्योंकि वेरिएबल्स है तो हम लोग ज्यादा वेरिएबल्स क्यों बनाए जब हमारे पास ऑप्शन है कि इसी को ओवर राइट कर सकते हैं तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ए माइनस बी होगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो पीछे जो ए है पीछे जो सी है वो एडिशन लेके आ रहा है फिर हमने इसको यहाँ ओवर कर दिया और फिर यहाँ प्रिंट करवा दिया तो अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो और सब्रैक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास सेवन आ रहा है तो अगर आप चाहते हो कि ये एक नेक्स्ट लाइन में आए तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो यहाँ पर स्लैश एन लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या होता है न्यू लाइन तो आप देखोगे एक न्यू लाइन में आ गया स्लैश एन का मतलब क्या होता है न्यू लाइन आप सपोज ये स्पेस नहीं देना चाहते हो मैं अगर ये स्पेस हटा देता हूँ एक बार यहाँ से और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा चिपक क्या रहा है अगर आप इसको नहीं चाहते हो इस तरीके से जीपका हो तो स्लैश टी दे सकते हो स्लैश टी का मतलब एक टैब आ जाता है तो आप देखोगे कि थोड़ा सा वो दूर आ गया तो कुछ ये फॉर्मेटिंग है हमारे पास कुछ इस तरीके से आप फॉर्मेट भी कर सकते हो और मैं सी का ही यूज करूंगा थ्रू आउट और सी का यूज करते हुए मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा अभी मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको लगाना है स्ट्रिक्ट और यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एम यू एल और एम यू एल लगा देता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया है तो थ्री टैंजा 30 हो गया और हम लोग इसको आगे एक बार डिवाइड करके देखते हैं और ए डिवाइड होता है हमारे पास क्या आ रहा है थ्री आ रहा है तो ये जो थ्री पॉइंट थ्री 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 है ये क्या है क्वेश्चन है क्योंकि टेन को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास आंसर मिलेगा बट जो मॉड्युलस होता है मॉड्युलस कुछ अलग तरीके से काम करता है तो मैं इसी को फिर से कॉपी कर रहा हूँ और मैं सी थ्रू आउट इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह भी क्लियर हो जाए कि आप इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको अपने अकॉर्डिंग ओवर करवा सकते हो अगर आपको वेरिएबल जैसे मुझे ये ए प्लस बी की वैल्यू आगे कहीं नहीं चाहिए थी तो मैंने उसको आगे ओवर करवा दिया सी को और आप इस तरीके से सी को ओवर करवाते हुए जा सकते हो बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सी को ओवर करवा रहे हो उससे पहले आपने उसको यूज कर लिया होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर सी को यूज कर लिया था पहले और फिर नीचे सी को ओवर करवा दिया अब मैं क्या कर रहा हूँ सी को ए और बी को मॉड्यूलस करवा रहा हूं तो टेन डिवाइड बाय थ्री होगा तो थ्री थ्री जी नाइन होगा और टेन माइनस नाइन वन रिमाइंडर बच जाएगा तो ये क्या होगा मॉड्यूलस बनेगा मेरा तो ये होगा मॉड और रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो तो क्या आ रहा है वन आ रहा है तो वन का मतलब क्या हो गया थ्री थ्री जी नाइन तो टेन माइनस नाइन वन आ गया तो ये हमारे पास है मॉड्यूलस और फिर हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए तो आपको सिंपली क्या करना है एक ही ऑपरेंट चाहिए क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिंगल ऑपरेंट पे काम करते हैं यूनरी होते हैं तो C प्लस प्लस तो इसका मतलब क्या होगा C की जो भी वैल्यू अभी चल रही है अभी प्रेजेंट में C की जो भी वैल्यू चल रही है C की वैल्यू क्या की? में? One की। आपको यहां कंफ्यूजन ना हो तो डॉलर डी ले लेते हैं अपन और डॉलर डी को मैं कर देता हूँ फाइव तो डॉलर डी क्या है फाइव और अगर मैं डी प्लस प्लस करता हूँ तो डी प्लस प्लस क्या बन जाएगा डी प्लस प्लस बन जाएगा फाइव प्लस वन और वापस कहाँ चला जाएगा डी वाले वेरिएबल के अंदर ही चला जाएगा तो ये क्या है एडिशन एंड असाइनिंग दोनों एक साथ हो रही है सी प्लस प्लस डी प्लस प्लस यानी प्लस वन और इधर अगर मैं डी प्रिंट करवाऊ तो फाइव प्लस वन आपको सिक्स दिखेगा और ये क्या है इंक्रीमेंट है तो ये इंक्रीमेंट आ गया हमारे पास और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है सिक्स अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊं और फिर उसको माइनस माइनस करूं मैं ऊपर ही एक वेरिएबल बना देता हूँ डॉलर इज इक्वल्स टू सेवन और फिर इसको माइनस माइनस करा कर देखते हैं अपन लोग तो डिक्रीमेंट तो यहां से इसको ले लेता हूँ और इधर मैं कर देता हूं ई माइनस माइनस तो ई e में माइनस माइनस क्या होगा डिक्रीमेंट हो जाएगा तो इधर भी कर देता हूँ ई e माइनस माइनस की वैल्यू तो ई e की वैल्यू पहले क्या है अगर मैं एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट करवाऊ तो आपको ये भी चीज क्लियर होगी कि ई e की पहली वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू क्या आ रही है तो यहां पर हम लोग कर देते हैं तो ई बिफोर डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने से पहले ई की वैल्यू क्या बन रही है वो देख लेंगे हम लोग और फिर ई को डिक्रीमेंट करवा कर फिर ई की वैल्यू देखेंगे हम लोग तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिक्रीमेंट कैसे वर्क करता है तो अब एक बार मैं यहां से लेकर चलता हूँ इसको और आप देखोगे जो हमारा डिक्रीमेंट है है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ई बिफोर डिक्रीमेंट ई डिक्रीमेंट से पहले कितना है साथ है हाँ, मैंने यहाँ पर ऊपर असाइन किया था seven, बट डिक्रीमेंट होने के बाद कितना है सिक्स है क्योंकि क्या हो रहा है डिक्रीमेंट का मतलब माइनस वन हो रहा है इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताऊंगा और उनको यूज करके बताऊंगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप कैसे यूज कर सकते हो जन ऑपरेटर को एक तरीके से और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं दो डेटा के बीच का रिलेशन बताते हैं दो डेटा को कंपेयर करके बताते हैं तो मैं आपको पहले लिस्ट बताता हूँ कंपेरिजन ऑपरेटर की सो तो ये आपके पास लिस्ट दिख रही है आपको कंपेरिजन ऑपरेटर की कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करेंगे दो को कंपेयर करके दिखाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कंपेरिजन में जो है वो है इक्वल टू इक्व टू ये क्या करता है ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज जो है वो एक दूसरे की इक्वल है कि नहीं जैसे मैंने वेरिएबल ए बनाया वेरिएबल बी बनाया और दोनों के अंदर थ्री डाला तो ये दोनों क्या होगा टू टू मैंने वेरिएबल ए बनाया वेरिएबल बी बनाया वेरिएबल ए के अंदर थ्री डाला और बी के अंदर फोर डाला तो ये क्या होगा नॉट इक्वस टू जो सेकंड वाली कंडीशन है आप यहाँ देख सकते हो नॉट एंड इक्व टू तो नॉट इक्वस टू फिर बात करते हैं ग्रेटर देन की तो वेरिएबल ए और बी वही थ्री और फोर अगर ए बी से बड़ा है तो ग्रेटर देन छोटा है तो लेस देन तो ये वाला सिंबल

x इज लेस देन वाई एक्स y. तो अभी मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा बहुत इजी सा कंसेप्ट है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा और ये क्या करता है आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो ट्रू या फॉल्स में हमको पता चलेगा कि क्या ये बड़ा है कि नहीं तो सबसे पहले एक एक्स बना देता हूँ ये हो गया फाइव और एक बनाता हूँ डॉलर वाई और डॉलर वाई के अंदर मैं इधर लगा देता हूँ इक्व टू फाइव पहले हम लोग इक्व टू चेक करना चाहते हैं और आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर एक लगाना होगा वेयर तो variable dump करता है वेरिएबल को डंप करके क्या बताता है उसकी वैल्यू बताता है जैसे अगर मैं इसके string डालूंगा, तो ये बताएगा कि string है. अगर मैं इसके boolean value डालूंगा, तो ये बुलियन वैल्यू बताएगा तो हमको क्या करना है हम लोगों को इधर चेक करना है कि एक्स इक्व टू डॉलर वाई तो क्या एक्स और वाई इक्व टू है कि नहीं पहले हम क्या चेक करना चाहते हैं क्या एक्स और वाई इक्व टू है कि नहीं हमें इसको रन करना अभी तो हम क्या करेंगे हमारे ब्राउजर पे जाएंगे लोकल होस्ट और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फर्स्ट और फर्स्ट फाइल है इंडेक्स डॉट पी तो एच पी इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये क्या बता रहा है बुलियन ट्रू तो बुलियन वैल्यू में ट्रू बता रहा है यानी ये क्या बता रहा है कि एक्स जो है वो इक्व टू इक्वस टू, टू क्या है वाई है यानी एक्स और वाई की वैल्यू सेम है अगर मैं वाई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये क्या बताएगा मुझे एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या बोलेगा फॉल्स फॉल्स का मतलब क्या कि आप जो चेक कर रहे हो वो फॉल्स है फॉल्स का मतलब आपको समझना है नो no. तो एक्स इज नॉट इक्व कुछ इस तरीके से बोल रहा है हम पूछ रहे हैं क्या टू है है बोल रहा नो फॉल्स no. अब अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्व टू लगाऊ तो नॉट इक्व टू में आपको समझना है कि कैसे वर्क करता है अब रिफ्रेश करता हूं और क्या बोल रहा है ट्रू तो हम इससे क्या पूछ रहे हैं क्या एक्स वाई के इक्व टू नहीं है तो ये बोल रहा है ट्रू हाँ एक्स वाई के इक्व टू नहीं है और अगर मैं टू की, और अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ग्रेटर देन तो हम चेक कर रहे हैं अब तो हम यहाँ लगाते हैं ग्रेटर देन और हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स वाई से बड़ा है तो ये क्या बोलेगा फॉल्स क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है ही नहीं तो एक्स को वाई से बड़ा कर देते हैं हम लोग और अब आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है ट्रू बता रहा है तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करता है अब मैं चेक करूंगा क्या जो एक्स है वो वाई से छोटा है इज लेस देन तो ये क्या बोलेगा फॉल्स नहीं से छोटा नहीं है अगर एक्स वाई से छोटा होगा तो ये क्या बोलेगा ट्रू हाँ एक्स वाई से छोटा है और अब लगा देते हैं अपन लेस देन और इक्व टू क्या एक्स वाई से छोटा या उसके बराबर है उसके इक्वस टू है तो ये बताएगा ट्रू हाँ एक्स वाई से छोटा है या फिर उसके बराबर है

क्योंकि यहां पर क्या है एक्स की वैल्यू सेवन है वाई की वैल्यू सिक्स है अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूं तब भी ये क्या बोलेगा ट्रू बोलेगा करने पे आपको पता चल रहा है। रहा है है ट्रू क्यों बोल क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है पहली कंडीशन या फिर एक्स वाई से इक्वल है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्स वाई से इक्वल है तो गाइज ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है कंपेरिजन ऑपरेटर्स है जो हमको रिलेशन बता रहे हैं रिलेशन किस में बता रहे हैं ट्रू और फॉल्स में बता रहे हैं

तो इस केस के की लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स और जो कंडीशनल ऑपरेटर है यानी जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं वो क्या करता है टर्नरी ऑपरेटर आपको सेम वही लॉजिक इंप्लीमेंट करवाता है बट एक कम लाइन ऑफ कोड के अंदर वो लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स सो गाइस ये आप लिस्ट देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और तीसरा जो है सबसे एंड में वो एक हमारा टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर है जो क्या चेक करता है कंडीशन चेक करता है और उसके बेसिस पे ट्रू और फॉल्स हमको रिटर्न करता है तो मैं बात करूं सबसे पहले लॉजिकल एंड की तो जो आप देख रहे हो डॉजिकल एंड क्या करता है वो लॉजिकल एंड ह्यूमन लॉजिक के उस ह्यूमन के उस लॉजिक पर काम करता है जिसमें ह्यूमन सोचता है कि दोनों कंडीशन मेरे फेवर में हुई तो मैं काम करूंगा क्या सोचता है ह्यूमन दोनों कंडीशन मेरे फेवर में हुई तो मैं काम करूंगा और अगर मैं इसको बात करूं आपसे बाइनरी या बुलियन के लैंग्वेज में तो जब भी दोनों दो कंडीशन है दोनों ट्रू होती है तब ये ट्रू होता है दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो ये वर्क नहीं करता मतलब ये फॉल्स हो जाता है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये वर्क करेगा और दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो ये फॉल्स हो जाती है और अगर मैं बात करूँ ऑन द अदर हैंड लॉजिकल और की तो लॉजिकल और में जैसे आप डबल पाइप देख रहे हो ये वर्क करता है ह्यूमन के उस लॉजिक पर जिसमें ह्यूमन सोचता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मेरे फेवर में हुई यानी बुलियन की बात करें तो दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये रिटर्न में आपको ट्रू कर देता है ऑन द अदर हैंड एंड क्या करता है दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो आपको रिटर्न में फॉल्स दे देता है बट ये क्या करता है दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू दे देता है और दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू देना ही है बट अगर और में दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो ये आपको क्या करेगा फॉल्स प्रोवाइड करेगा तो ये हमारा ह्यूमन लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए बने हुए हमारे लॉजिकल्स और इसके साथ हमारा एक और नॉट ऑपरेटर भी होता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो मैंने यहाँ मैंशन नहीं किया और एट द एंड हमारे पास जो है वो है कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है? में देख सकते हो, बोलना है किस पे बेसिस पे जो पहली वाली कंडीशन है उसको ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पे हमको बताना है यस yes या नो no. तो गाइज अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे बहुत इजी सा कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ जाएगा और ये मेरी एक फाइल है और इस फाइल में मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ डॉलर ए इज इक्व टू वन और गाइस जब भी आप वन देखो तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वन का मतलब क्या है वन का मतलब है ट्रू तो इधर लिख देता हूँ मैं ट्रू और वन का मतलब होता है ट्रू और जब भी आप जीरो देखो तो आपको समझ जाना है कि जीरो का मतलब क्या होता है जीरो का मतलब होता है फॉल्स सही तो हो जाएगा मेरे पास फॉल्स अब मैं क्या कर रहा हूँ डॉलर सी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए और डॉलर ए एंड डॉलर बी लगा रहा हूं मतलब मैंने क्या किया एंड लॉजिक इंप्लीमेंट किया मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एंड लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो एंड लॉजिकल गेट क्या करेगा एंड लॉजिकल गेट चेक करेगा दोनों को कि दोनों में से क्या एक भी कोई फॉल्स तो नहीं है अगर दोनों में से एक भी कोई फॉल्स है तो उस केस में सी के वैल्यू भी क्या होगी फॉल्स होगी कैसे पता चलेगा वेरिएबल अंडर्स को डंप करवा कर दिखा देता हूं मैं आपको और इसको हमको रन करना है तो हमको क्या करना होगा लोकल होस्ट स्लैश हमारे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट का नाम क्या है फर्स्ट और

जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ तो वैसे अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल और की तो लॉजिकल और कैसे वर्क करता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं तो लॉजिकल और के लिए मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ फिर से और इधर बना देता हूँ डॉलर डी इज इक्वल टू डॉलर डी में हम क्या करेंगे इसी को लगा देंगे इधर और यहाँ पर हम लोगों के बीच में क्या करना होगा और गेट लगाना होगा तो और गेट कैसे इंप्लीमेंट होता है यहाँ पर एंड डॉलर ए और और के लिए आपको एंटर के जस्ट ऊपर जो आपका पाइप है उसको लिखना है डबल पाइप और डॉलर बी और डॉलर डी के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर दोगे और डॉलर डी को आप क्या करो वेरिएबल डंप करवा दो तो डॉलर डी वेरिएबल डंप और ये क्या हो रहा है लॉजिकल और इम्पलीमेंट हो रहा है यहाँ पर और डॉलर डी को डंप करवाऊंगा तो ये क्या बता रहा है ट्रू बता रहा है अब देखना इसके अंदर डिफरेंस है जब दोनों में से एक भी फॉल्स होता था तो एंड बोलता था फॉल्स जबकि ये क्या बोलता है ट्रू ये एक ही कंडीशन में और एक ही कंडीशन में फॉल्स बोलेगा जब दोनों के दोनों फॉल्स हो अब आप देख रहे हो दोनों के दोनों जीरो है तो ये फॉल्स बोलेगा वरना ये फॉल्स नहीं बताएगा तो यहां तक आपको क्लियर हो गया अब मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ एक हमारा और ऑपरेटर है नॉट नॉट क्या करता है अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर देगा हो तो ट्रू कर देगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ए अभी क्या है? ए अभी अभी क्या क्या है है ट्रू बट मैं कर रहा डॉलर ई इज टू नॉट ऑफ डॉलर ए लिख रहा नॉट को आप क्या करना है एक्सक्लिमेंट्री लगाना नॉट ऑफ डॉलर ए तो डॉलर ई e की वैल्यू क्या बनेगी अब मैंने क्या किया ए को असाइन करवाया ई में बट मैंने क्या किया नॉट ऑफ डॉलर ए नॉट ऑफ डॉलर ए मतलब ए को क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट्री कर दो तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है फॉल्स हो जाएगा अगर मैं ए को पहले से जीरो रखूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ट्रू होगा तो गाइज ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं हम लोग को हेल्प करते हैं यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने में मतलब डिसीजन किस तरीके का ह्यूमन लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में अब एट द एंड हम लोग बात करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा टर्नरी ऑपरेटर आपको यहाँ पर एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन के बेसिस पे जैसे सबसे पहले मैं कंडीशन बना देता हूँ मैं कंडीशन क्या बना रहा हूँ कि डॉलर एक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि है फाइव सो so अब मैं क्या करूंगा अब मेरे पास डॉलर एक्स आ चुका है तो डॉलर एक्स को मैं चेक करूंगा कि क्या डॉलर एक्स सेवन से बड़ा है तो डॉलर एक्स सेवन से बड़ा है क्या तो मैंने क्या क्वेश्चन एक क्वेश्चन किया है क्वेश्चन के बेसिस पे वो मुझे दो चीजें प्रोवाइड करेगा तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल चाहता हूँ और उस फ्लैग वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दूंगा यस अगर बड़ा है तो यस वरना कॉलन और डॉलर फ्लैग के अंदर नो तो डॉलर फ्लैग इज इक्वल टू नो तो ये क्या कैसे काम करता है ये टर्नरी उप्रेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर पहले कंडीशन को चेक करता है उसके बेसिस पे जज करता है कि ये कंडीशन क्या आ रही है ट्रू आ रही है फॉल्स आ आ रही रही है है ट्रू तो फ्लैग में यस डाल दो और फॉल्स आ रही है तो फ्लैग में नो डाल दो तो यहाँ पर मैं डॉलर फ्लैग को यहाँ पर वेरिएबल डंप करवा देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग बता रहा है और वेरिएबल डंप क्या करता है स्ट्रिंग बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का है तो स्ट्रिंग बता रहा है और कितने कैरेक्टर्स हैं टू कैरेक्टर्स हैं और एट द एंड हमको पता भी चल रहा है कि नो अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर दूं यानी मैं क्या कर रहा हूं क्या एक्स थ्री से बड़ा है तो यस तो ये बताएगा यस तो इस तरीके से आपके टर्नरी ऑपरेटर वर्क करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं कई कही सारी जगहों पर यूज कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर को आपको ये चीज ध्यान रखनी है एक कंडीशन उसके बेसिस पे ट्रू और फॉल्स और टर्नरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन चीजों पर काम करता है पहला और फिर दूसरा ये और एट द एंड तीसरा ये तो ये तीन चीजों पर काम कर रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें तो uh, इस से एक ऑपरेटर तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं जो असाइन करने का काम करता है तो गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं किसी वैल्यू को किसी चीज में असाइन करना किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना ये काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का तो उसमें से हम लोग कई बार डॉलर एज इक्वी डॉलर एज इक्व टू सी डॉलर एज इक्व टू डॉलर एज इक्व टू ये इस तरीके का हम लोग काम कर चुके हैं कई बार ये क्या हो रहा है असाइनिंग हो रही है एक तरीके से बट असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी हैं वो लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ तो ये आप देख सकते हो ये लिस्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की और सबसे पहले सिंपल असाइनमेंट जो इक्व टू से होता है कई बार हम लोग कर चुके हैं जब हमने डॉलर एज इक्व टू थ्री लिखा है और उसके बाद होता है एड एंड असाइन एड एंड असाइन कैसे वर्क करता है कि एड एंड असाइन खुद ही में किसी वैल्यू को ऐड करके फिर असाइन कर देना क्या करना खुद ही में किसी वैल्यू को ऐड करके फिर असाइन कर देना जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो हमने क्या किया है सी प्लस इक्वल टू ए इसमें क्या होगा जो ए है वो सी में प्लस होगा और फिर सी में ही असाइन हो जाएगा तो सी की जो पुरानी वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वो वेरिएबल है कभी भी चेंज किया जा सकता है फिर एंड असाइन मतलब जो सी है उसमें से ए की वैल्यू माइनस होके सी में ही असाइन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन असाइन सेम काम करता है ए की वैल्यू सी से मल्टीप्लाई होके वापस सी में असाइन और सेम डिवीजन काम करता है जो ए की वैल्यू है उसको सी से डिवाइड करवा के फिर असाइन करवा देता है मॉड्यूलर भी सेम ऐसे ही काम करता है तो जितने भी ऑपरेटर आर्थमैटिकेशन हम लोग करते हैं वो आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो मेरे पास ये एक फाइल है और इस फाइल में मैं पीएचपी का ब्लॉक बना देता हूँ सबसे पहले तो ये हो गया मेरे पास पीएचपी का ब्लॉक और इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है ए और इस ए वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ

तो एड एन असाइन कैसे वर्क करता है एड एन असाइन के लिए आपको करना है डॉलर ए प्लस इक्वल टू डॉलर बी तो इस केस में क्या होगा कैसे वर्क करेगा मैं आपको यहाँ कमेंट्स में दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है आप क्या कर रहे हो डॉलर ए के अंदर डॉलर ए के अंदर यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको क्या असाइन करवा रहे हो डॉलर ए की जो पुरानी वैल्यू है यानी फाइव और डॉलर बी की जो वैल्यू है उसको प्लस करवा कर असाइन करवा रहे हो किसमें ए में तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी इलेवन तो जो पहले ए की वैल्यू फाइव थी अब वो नहीं रहेगी अब ए की वैल्यू क्या हो जाने वाली है इलेवन हो जाने वाली इको और इको में मैं आपको दिखाता हूँ तो दिखेगा फिर आपको एक बार इको बाद में दिखेगा तो आपको ए पहले और बाद में जो चेंजेस आए हैं वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा तो मैं ब्राउजर पे इसको रन कर लेता हूँ रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और रिफ्रेश करने पर ये बता रहा है इको में कहीं एरर है तो यहाँ पर इको में एरर होने का रीजन है कि यहाँ पर हमने नहीं लगाया क्या होगा इलेवन फाइव माइनस सिक्स होगा तो, हो तो माइनस हो हो तो का वन मिलेगा आपको और ए की वैल्यू का डिफरेंस आपको पता चलेगा ए की वैल्यू पहले फाइव थी अब क्या हो गई माइनस वन हो गई सेम एज इट इज मल्टीप्लीकेशन एंड असाइन काम करता है तो मल्टीप्लीकेशन असाइन क्या करेगा कहाँ डाल देगा ए के अंदर डाल देगा तो फाइव सिक्स होता है 30 होता है तो ए की वैल्यू पहले फाइव थी अब थर्टी हो गई की बात करें। तो भी तो ही करता है तो मैं यहाँ पर थ्री ले तो एटीन तो तो को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो पहले वैल्यू क्या है एटीन बाद में क्या हो रही है थ्री हो जा रही है और अगर मैं मॉड करवाऊँ इसको तो मॉड में भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एट सिक्स एटीन हो जाता है तो रिमाइंडर में कुछ बचता नहीं है तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो हो जाएगी तो ये क्या हो रहा है एन 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 असाइन 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 मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन करते करते हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं ऐसा कंडीशन तभी होती है जब आपको पुरानी ए की वैल्यू नहीं चाहिए नई वाली ए की वैल्यू वो आपको यूज करनी है पुरानी वैल्यू आपको नहीं चाहिए थी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में तो गैस मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है और फिर PHP के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं तो गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए हमको हेल्प करते हैं मतलब एक आप किसी एक ऐसी कंडीशन पर पहुंचे एक ऐसी किसी सिचुएशन पर पहुंचे या किसी एक ऐसे पॉइंट पर गए जहां पर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हमको डिसाइड करना है कि ये टास्क करवाना है या ये टास्क करवाना है जैसे मैं अकबर आप आपको एग्जाम्पल दूं तो किसी बंदे ने हम लोग वोटिंग के लिए कोई मशीन बना रहे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे तो उस टाइम हम बंदे से उसकी एज पूछेंगे कि आप अपनी एज बताओ और बंदा अपनी एज बताएगा तो वो अगर 18 से ऊपर होती है या 18 होती है तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप वोट कर सकते हो वरना बोलेंगे कि आप वोट नहीं कर सकते तो ये क्या है हम लोग एक कंडीशन पे पहुंच गए और उस कंडीशन पे हमको क्या करना है कुछ डिसीजन लेना है मतलब यहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए मतलब ये एक डिसीजन है कि ये काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए ये वाला टास्क परफॉर्म होना चाहिए वो वाला टास्क परफॉर्म होना चाहिए तो ये क्या है एक तरीके का डिसीजन है और ये डिसीजन कहां से ले सकते हो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से ले सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट के दो केसेस होते हैं या तो कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है जैसे या तो वो बंदा अठारह साल से ऊपर होगा या नहीं होगा ये नहीं हो सकता कि अठारह साल से ऊपर भी है और नहीं भी है दोनों केसेस कभी भी नहीं होते रियल लाइफ में भी नहीं होते तो उस तरीके से हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमेशा दो ही चीजों पर काम करेंगे ट्रू या फॉल्स पर तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी है कि जो सिर्फ ट्रू पे काम करता है मतलब फॉल्स होगा तो उसको कोई नहीं मतलब है, सिर्फ ट्रू होगा तभी वो वर्क करेगा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आ, मैंने एक डायग्राम बना रखा इस डायग्राम के अंदर हम लोग दोनों केसेस की बात कर रहे हैं मतलब ट्रू होने की भी और फॉल्स होने की तो कंडीशन क्या होती है इस पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कंडीशन के अगर आपको आइडिया ना हो तो जैसे हम बात करें अगर कि डॉलर ए इज ग्रेटर देन टू डॉलर ए टू से बढ़ाए कि नहीं ये कंडीशन है और उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा ट्रू या फॉल्स मिलेगा तो ये कंडीशन पे ट्रू और फॉल्स मिलने पे हम लोग डिसीजन लेंगे और यूजर को बताएंगे कि हाँ डॉलर ए टू से बढ़ाए या फिर नहीं डॉलर ए टू से बड़ा नहीं तो से है तो गैस इसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करते हैं कंडीशन आती है चेकिंग होती है ट्रू और फॉल्स दो चीजों पर चलती है अगर फॉल्स हो तो कहाँ जाना है ट्रू हो तो कहा जाना है अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे पास पीएचपी में अवेलेबल है तो ये आप लिस्ट देख सकते हो सबसे पहला हमारे पास है इफ तो इफ क्या करता है इफ करता है कंडीशन की चेकिंग सिर्फ ट्रू केस में वो क्या देखेगा सिर्फ ट्रू होने पर देखता है मतलब कि अगर बंदा 18 साल से ऊपर का है तो उसको वोट करने देना है नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं इस स्टेटमेंट को ये मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि आपको कि आप कुछ भी यूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक लगा सकते हो बट मैं एक लॉजिक ये समझा रहा हूँ कि एट्टीन ईयर से ऊपर है तब तो वो बोलेगा कि यस यू कैन वोट अगर नहीं है तो फॉल्स वाली कंडीशन पे कुछ भी नहीं है कुछ हैंडलिंग नहीं करेगा ये तो ट्रू क्या करता है सिर्फ तभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है तभी परफॉर्म करता है किसी टास्क को जब ट्रू हो और अगर मैं बात करूं इफ और एल्स दोनों की तो इफ और एल्स क्या करेगा इफ और एल्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि पहले चेक करता है कि क्या बंदा अठारह साल से ऊपर है यस नहीं है तो उसको नो के लिए भी मना भी करना है मतलब एल्स वाली कंडीशन भी होनी है तो दो चीजें चेक करेगा ट्रू पर भी एक टास्क परफॉर्म कर सकता है और फॉल्स होने पर भी एक टास्क परफॉर्म कर सकता है दोनों मतलब ये जो कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई तो नीचे आके एल्स में फिर से एक और कंडीशन चेक करना जैसे मैं बताता हूँ आपको कि हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या बंदा अठारह साल से ऊपर है ओके है तो उसको वोट करने दो नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या वो साल का तो नहीं है अगर सत्रह साल का है तो हम बोलेंगे उसको Please wait one more year. तो ये जो सत्रह उसकी एज सेवनटीन ईयर्स है अगर 17 years है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्लीज वेट वन मोर ईयर अगर सेवनटीन भी नहीं है उससे भी छोटा है तो एल्स इफ की भी एल्स कंडीशन होती है और उसमें हम लोग उसको बोल देते हैं यू कैन नॉट वोट तो गैस ये ये क्या हो रहा है यहां पर दो कंडीशन चेक हो रही है और दो कंडीशन जो है वो इंटर रिलेटेड है पहली क्या है एटीन ईयर्स वाली दूसरी क्या है सेवनटीन ईयर्स वाली और इनमें रिलेशन क्या है अगर अट्ठारह का होगा तो सत्रह का नहीं होगा और सत्रह का होगा तो अठारह का नहीं होगा और अठारह सत्रह दोनों का नहीं होगा तो किसी और एज का होगा और किसी और एज का होगा तो वो एक तीसरी कंडीशन आ जाती है तो गाइज ये प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको फर्दर वीडियोज में बहुत ईजी सा कंसेप्ट है और आपको एक बार में बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इफ और इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता तो है तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स बताए थे क्या होते हैं क्यों यूज करते हैं हम लोग और तीन टाइप के जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी मैंने डिस्कस किए थे तो इस वीडियो में मैं तीन में से दो डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा तो इफ 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 और इफ एल्स सो तो क्या करेगा इफ चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है कि नहीं अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोई टास्क परफॉर्म करता है फॉल्स होने पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन इफ एल्स क्या करता है इफ एल्स चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है तो कोई टास्क परफॉर्म करवाना अगर फॉल्स है तब भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना तो ये काम कैसे हो रहा है इफ और एल्स दोनों से मिलकर हो रहा है तो अभी मैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो मेरी फाइल है इंडेक्स डॉट पी की और इंडेक्स डॉट पी में बना देता हूँ एक वेरिएबल और इस वेरिएबल की वैल्यू ले लेते ले ले हैं टेन और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं टेन ले लेता ले हूँ ये सपोज एज के लिए मेरा वेरिएबल है और मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ और इफ में मैं, मैं लगाऊंगा कि अगर एज जो है बंदे की वो कितनी है ग्रेटर देन या इक्वल टू एटीन है सो एज इज ग्रेटर देन टू ये क्या चेक कर रहा है ये कंडीशन चेक कर रहा है ये क्या कंडीशन है और कंडीशन हमको क्या रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी क्योंकि ये क्या है ऑपरेटर्स लगे हुए हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो आपको ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करते हैं ये मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया तो इफ जो है वो तभी काम करता है जब यहाँ पर ट्रू आए तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो एट द एंड डिवल्यूट करके क्या देगा ट्रू देगा या फॉल्स देगा और अगर ट्रू देता है तो आपको यहाँ पर लगाने करली ब्रेसेस सबसे पहले इफ और फिर इफ की बॉडी के अंदर आपको ये है इफ की बॉडी जो करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं वो और ये आपको यहाँ पर यह चीजें बतानी है जो जो आप चाहते हो कि परफॉर्म हो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब जब यह कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कौन कौन सी चीजें परफॉर्म करनी है वो आपको बतानी है तो मैं यहाँ पर पहले करवा देता हूँ इको यस यू कैन वोट तो ये हो गया यस यू कैन वोट तो ये क्या करेगा ये आपको अलाउ करेगा कि आप वोट कर सकते हो बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब ये कुछ भी नहीं करेगा तो मैं एक बार इसको ब्राउजर पे रन कर देता हूँ तो यहाँ से हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे लोकल होस्ट में मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर मेरी नाम की फाइल है तो फर्स्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ हमको स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि जो एज है वो अठारह से ऊपर या अठारह की है ही नहीं बट अगर वो अठारह से ऊपर यानी एटीन से ऊपर की हो जाती है तो आप देख सकते हो यस यू कैन वोट लिखा हुआ आ रहा है ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है अब इसके साथ आप और भी कुछ चीजें लिखवाना चाहते हो लिखवा सकते हो जैसे मैं कुछ भी और टेस्टिंग वगैरह लिखवाना चाहता हूँ लिखवा सकता हूँ और भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना आप करवा सकते हो यहाँ पर बट अगर आपको ये है कि आप सिर्फ एक ही चीज परफॉर्म करवाना चाहते हो इफ के, के केसेस पे मतलब आप क्या चाहते हो जब ट्रू हो जाए तो एक ही कुछ टास्क परफॉर्म हो तब आपको ये बॉडी लगाने की भी जरूरत नहीं है तो अब इसमें क्या होगा इसमें जो इफ है वो अपने जस्ट नेक्स्ट वाले को अपनी बॉडी कंसिडर करता है उसके बाद वालों को रेगुलर स्टेटमेंट कंसिडर करता है तो जस्ट नेक्स्ट वाला जो है वो इफ के इफ के कंडीशन पे चलेगा और ये जो टेस्टिंग है वो हर बार चलेगा जैसे अभी आप देख रहे हो टेस्टिंग भी आ रहा है यस यू कैन वोट भी आ रहा है बट अगर एज कम हो जाती है तो टेस्टिंग तो आएगा बट यस यू कैन वोट नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये जो यस यू कैन वोट है वो किस पे चल रहा है इस इफ की कंडीशन पे चल रहा है बट जो टेस्टिंग है वो किस पे चल रहा है इंडिपेंडेंट चल रहा है तो अगर आप चाहते हो कि दोनों के दोनों डिपेंडेंट चले तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक तो बॉडी बना सकते हो और ये बॉडी अब बन गई है तो अब आप देख सकते हो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नहीं चलेगा तो गाइज ये हो गया हमारी इफ की बात तो इसी तरीके से हमारा होता है एल्स जो आपने यहाँ लिखा है तो इफ के बाद आप लिख सकते हो एल्स और एल्स में आप वो चीज बता सकते हो जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स तो में मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ मैं अगले बंदे को मना करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो यू कैन नॉट वोट नो यू और कैन नॉट वोट लिख देते हैं तो नो यू कैन नॉट वोट का मतलब क्या हो गया आप उसको बताओगे कि आप वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अब इसमें भी सेम कंडीशन होती है अगर आप इसकी बॉडी नहीं बनाना चाहते हो, हो सपोज आपको एक ही लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आप इसकी बॉडी मत बनाओ बट ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसको एक सेमिकॉलन नहीं मिल जाता सेमिकॉलन मिलेगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट पर चला जाएगा तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो इफ फिर इको और ये हो गया एल्स फिर इको और फिर इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आउटपुट सेम उसी तरीके से आ रहा है एज को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर और एज को बढ़ा दिया आउटपुट उसी तरीके से आ रहा है बट अगर मुझे मल्टीलाइन कोड एग्जीक्यूट करवाना है अगर इफ की कंडीशन में मल्टीलाइन कोड एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसकी बॉडी मेंशन करनी पड़ेगी और सेम एज इट इज लॉजिक है हमारे एल्स एल्स का else भी तभी काम करेगा अगर आपको मल्टीलाइन कोड चाहिए तो आप मल्टीलाइन कोड के लिए बॉडी उनकी बनाओ इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप पीएचपी के अंदर इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हो और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स आप कैसे यूज कर सकते हो तो एल्स इफ कैसे वर्क करता है इफ क्या करता है पहले कंडीशन को चेक करता है एल्स क्या करता है उस कंडीशन के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री चेक करता है और अगर उस कंडीशन के अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ आता है तो उसके अंदर फिर से कंडीशन चेक होती है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ का और नेस्टेड इफेल्स में क्या होता है इफ के अंदर फिर से एक और इफ आता है इफ के अंदर इफ होना ना ये क्या कहलाता है नेस्टेड इफल्स कहलाता है तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको

में क्या होगा एल्स में अगर 18 18 से ऊपर नहीं होती तो एल्स इफ में चेक करेंगे हम लोग एल्स इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ कंडीशन क्या चेक करेगी कि क्या एज जो है वो इक्स टू टू सेवनटीन है अगर एज टू टू इक्वेंटी है तो हम बंदे को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्लीज वेट वन मोर ईयर तो इधर बोलेंगे प्लीज वेट वन मोर ईयर तो यहाँ लिख देता हूँ प्लीज वेट वन मोर ईयर तो बंदा क्या करेगा एक साल और वोट मतलब वेट करेगा वोट करने के लिए और एट द एंड हम लोग यहाँ पर वापस एक एल्स लगा सकते हैं ये एल्स किसका लग रहा है ये एल्स लग रहा है अब आपके इस इफ का तो मैं आपको बता देता हूं ये इफ एल्स है और ये इफ एल्स है तो सबसे पहले क्या लगा इफ एल्स इफ तो ये वाला इफ और उसका एल्स पोर्शन का भी एक और इफ और उसके सबसे लास्ट में लगा एल्स तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन रहा है इफ एल्सिफ और फिर एल्स बन रहा है यहाँ पर भी आप इफ लगाना चाहो तो एक और इफ भी लगा सकते हो बट मैं फिलहाल टू लेवल की बात करता हूँ और हम लोग यहां से बोल देंगे यू कैन नॉट वोट तो यहां से इधर लिख देते हैं यू कैन नॉट वोट You cannot vote हो जाएगा। तब यहां पर कैसे काम करेगा ये, ये वर्क करेगा कि एज कितनी है अगर है तो सीधा इधर चला जाएगा और बोलेगा ही नहीं बट अगर एज एटीन या एटीन से बड़ी नहीं होती तो एल्स वाली में आएगा। और एल्स वाली कंडीशन में फिर से एक चेक करेगा इफ क्या चेक करेगा किन तो नहीं है अगर एज सेवनटीन है तो बोल देगा प्लीज वेट वन मोर ईयर और अगर एज सेवनटीन भी नहीं है उससे भी कम है तो बोल देगा यू कैन नॉट वोट तो ब्राउजर पर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको तो मेरा जो प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट पे उसका नाम है फर्स्ट फर्स्ट और first में ये नाम की फाइल है तभी आप देखना कि हमारा आउटपुट क्या मिलता है तो आप देख सकते हो तो ये बोल रहा है प्लीज वेट वन मोर ईयर तो ये वाली कौन सी कंडीशन चल रही है एल्स के अंदर इफ वाली और आप यहाँ पर एक और लगा सकते हो एल्स इफ और यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर एज जो है वो

इस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है मैं आपको एक बार यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे के दिखाता हूं तो अब आपको ये ज्यादा इजीली समझ में आएगा ये इफ है और इफ इफ्स का ये इधर एक एल से अंदर और ये इसका अंदर एल से तो इस तरीके से आपको और ज्यादा इजीली ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा किसके अंदर बना हुआ तो ये आप समझ सकते हो अब इफ फिर उसका, फिर उसका एल्स फिर उसका एल्स फिर इसका एल्स सबसे लास्ट में ये वाला एल्स है तो ये जो एल्स है वो अपने जस्ट ऊपर वाले इफ का है और इधर हम लोग लिख देंगे यू कैन नॉट वोट या फिर इधर लिख देंगे प्लीज ट्राई लेटर प्लीज ट्राई लेटर ठीक है तो ये हो गया तो अब वापस इसको रन करके देखते हैं और अब मैं यहाँ से एज कितनी कर देता हूँ एज कर देता हूँ मैं नाइनटीन और देखते हैं क्या आउटपुट आता है तो नाइनटीन में यस यू कैन वोट अगर मैं सिक्सटीन कर देता हूँ तो सिक्सटीन में कौन सी कंडीशन चलेगी प्लीज वेट टू मोर ईयर्स और अगर मैं फिफ्टीन कर देता हूँ तो ये सबसे लास्ट वाली कंडीशन में चला जाएगा और सबसे लास्ट में बोलेगा प्लीज ट्राई अगेन लेटर मतलब यहाँ पर आ गया और अगर मैं यहां से 17 रखता हूं। तब ये कौन सी कंडीशन में जाएगा प्लीज वेट वन मोरियर तो ये सब में से किसी एक ही कंडीशन में एक बार जाएगा और आपको पता होता है और अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड एल्स की तो ये क्या बात हुई हमारी इफ एल्स इफ की अब बात करते हैं नेस्टेड एल्स की तो नेस्टेड और इफ एल्स में क्या होता है कि आप यहां पर से चेक करते हो कि अगर जो एज है जो एज है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एटीन है अगर एज क्या है अठारह से बड़ी है तो इसके अंदर हम लोग एक और बार चेक करते हैं चलो एज एटीन से तो बड़ी हो गई बट एज जो है वो सिक्सटी फाइव से भी छोटी होनी चाहिए जो वोट करना है उसके लिए क्या होनी चाहिए सिक्सटी फाइव से भी छोटी होनी चाहिए या सिक्सटी सिक्स से छोटी होनी चाहिए सिक्सटी सिक्स से छोटा क्या होता है सिक्सटी फाइव भी होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इफ के अंदर चेकिंग करवा रहे हैं क्या चेक कर रहे हैं हम लोग इफ में चेक कर रहे हैं कि अगर एज जो है वो एटीन से बड़ी है ठीक है तो अंदर चलो और चेक करो कि एज एटीन से तो बड़ी है लेकिन सिक्सटी सिक्स से छोटी है कि नहीं अगर छोटी होती है आप इधर इको इको कर दो यस यस यू यू कैन कैन वोट वोट तो वोट हो जाएगा और यस यू कैन वोट चलेगा और वरना हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री चेक करवाएंगे एल्स और अगर एज सिक्सटी सिक्स से बड़ी जा चुकी है तो एज सिक्सटी सिक्स से बड़ी जा चुकी है इसका मतलब क्या हो गया इधर लिख देंगे यहाँ से यू कैन नॉट वोट एनी मोर यू नॉट वोट एनी मोर ठीक है और अब इसको क्या बता दिया हमने बंदे को कि अब आप और वोट नहीं कर सकते तो ये क्या बात हो गई नेस्टेड इफेल्स की बात हो गई आपने देखा क्या के के एक और इफेल्स आ गया और यहाँ पर एक और लास्ट में लगा देते एल्स, जिसमें हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं कि अगर बंदा अठारह से भी बड़ा नहीं है तो आप उधर इसको इको करवा के बता दो यू कैन नॉट वोट तो ये यू केनोट वोट हो जाएगा तो गाइज में आपको वापस स्लो बता देता हूं सबसे पहले चेक होगा कि क्या एटीन से बड़ा है अगर एटीन से बड़ा होता है तो ये चेक होगा कि क्या सिक्सटी से छोटा है अगर सिक्सटी से छोटा है तो ठीक है ये यू कैन वोट अगर सिक्सटी से छोटा नहीं है लेकिन एटीन से बड़ा है तो यू कैन नॉट वोट एनी और अगर 18 से भी बड़ा नहीं है तो फिर बोल देंगे हम लोग क्या कि यू कैन नॉट वोट और इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं सारों को एक साथ तो यहां से ये यह कमेंटिंग हो गई और तो क्या रिफ्रेश करने पर आप देख सकते हो यू कैन नॉट वोट यू कैन नॉट वोट मतलब कौन सी कंडीशन चली ये सबसे लास्ट वाली अब मैं इस बंदे को यहाँ से क्या कर रहा हूँ एटीन ईयर्स का बना देता हूँ

बट एल्सिफ करके एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारे पास तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं बट अगर आप नहीं चाहते तो इसके अंदर भी आप और लगा सकते हो और यहाँ पर भी आप एल्स वाले पोर्सन में भी इफ एल्स लगा सकते हो ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर आपकी नीड पर कि कैसी आपको जरूरत है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएचपी के अंदर एरे क्या होता है कैसे वर्क करता है तो गाइज अगर आपको एरे का आइडिया नहीं है तो वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि एरेज क्या होते हैं तो गाइज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली कुछ भी इंप्लीमेंट करके नहीं बताऊंगा सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है एरे एरे को तो guys, कितने टाइप के हैं ये भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन टू एरे में हम लोग क्या क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे कि एरे क्या है एरे जो है वो एक इस तरीके का आपका स्पेशल वेरिएबल है जो एक से ज्यादा वैल्यूज एक टाइम पर होल्ड करके कर कर रख सकता है कितनी वैल्यूज होल्ड करके रख सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज एक से ज्यादा वैल्यूज का मतलब

जब भी आपको रिट्राइव करना होगा वो सारा डेटा आपको एक साथ रिट्राइव करके दे देगा तो गाइज मोस्टली एरे को कब यूज किया जाता है मोस्टली एरे को तब यूज किया जाता है जब आपको पता है कि सेम टाइप का डेटा जैसे मैं अगर बात करूं कि कहीं पर डेटा है स्टूडेंट्स का तो स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसमें क्या है स्टूडेंट्स के नाम है तो हम लोगों को अगर स्टूडेंट्स के नाम अगर वेरिएबल में स्टोर करके रखना है तो उस केस में हर स्टूडेंट के लिए एक नया वेरिएबल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बट एक एरे बनाना मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि एरे के अंदर क्या आ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो सारे स्टूडेंट मतलब एक ही टाइप के सारे स्टूडेंट्स के नाम एक पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं तो ये हमारा एरे है और एरे क्या करेगा एक साथ बहुत सारे डेटा को स्टोर करेगा ये आपको याद रखना है अच्छे से फिर पीएचपी के अंदर एरे बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको क्या करना है एरे फंक्शन का यूज करना है और एरे फंक्शन का यूज करके पीएचपी के अंदर एरे बनता है कैसे बनता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा और इसके साथ एक और तरीका है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे कि एरे को बनाने के दो तरीके कौन कौन से हैं? लेकिन जो मेजरली क्रिएट करके दे देता है अब बात करते हैं पीएचपी तो, के एरे आप देखते हो तो सबसे पहला होता है, तो इंडेक्स एरे जो होता है वो क्या करता है, है। यानी सपोज आपने पांच स्टूडेंट के नाम स्टोर किए तो ये क्या करेगा जीरो से स्टार्टिंग करेगा एरे की जो काउंटिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो फोर

मतलब अगर एरे के अंदर पांच वैल्यूज है तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक चलेगी जीरो से फोर तक चलेगी क्योंकि वन टू फाइव नेम्स है बट इंडेक्सिंग क्या है जीरो टू फाइव फिर बात करते हैं एसोसिएट एरे की तो एसोसिएट एरे में क्या होता है एसोसिएट एरे को भी आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है जिसमें उसका नाम होगा उसमें इसकी एज होगी उसमें उसका फोन नंबर होगा एड्रेस होगा उसके पापा का नाम होगा उसके पापा के नंबर होंगे ये कुछ मेरे को डिटेल स्टोर करनी है तो मैं क्या करूंगा एक एरे बनाऊंगा एरे के अंदर एसोसिएट बनाऊंगा की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा इसको हम क्या कहते हैं कीज और वैल्यू का पेयर एसोसिएट का मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएटेड किसी के साथ जुड़ा हुआ जिसको देख के पता चल जाए कि ये इसका है जैसे मैं क्या करूंगा एरे के अंदर एक नाम बनाऊंगा नेम और बंदे का नाम लिख दूंगा उसका नंबर बंदे का नंबर लिख दूंगा तो इस केस में आप क्या कर रहे हो इस केस में आप बना रहे हो एसोसिएटिव एसोसिएटिव मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेम उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी एज उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तो प्रैक्टिकली अच्छे से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और फिर बात करेंगे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे की तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है एरे के अंदर एक और एरे होना मतलब एरे है तो सपोज मैंने एरे बनाया मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट के एरे के अंदर स्टूडेंट के फोन नंबर जब स्टोर कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट के पास दो फोन नंबर है एक स्टूडेंट के पास दो फोन नंबर है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में मैं स्टूडेंट के फोन नंबर वाली की में एक और एरे बना सकता हूँ तो ये क्या हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया मतलब एरे के अंदर एक और एरे होना तो ये कहलाता है मल्टी डायमेंशनल एरे सबसे पहले जब आप एरे बनाते हो तो वो सिंगल डायमेंशनल बनता है अगर उसके अंदर आप और एक और एरे बना देते हो तो वो टू डायमेंशनल बनता है और एक और एरे बना पर वो थ्री डायमेंशनल बन जाता है तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरेज बनते हैं जिसके अंदर एरे के अंदर और एरे स्टोर किया जा सकता है तो गाइज ये तीन टाइप के एरेज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला इंडेक्स होगा फिर एसोसिएट होगा और फिर होगा मल्टी डायमेंशनल एरे और हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे बहुत ईजीली आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर एरे का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको एरे का एक इंट्रोडक्शन दिया था साथ ही साथ ये बताया था कि पी के अंदर कितने टाइप के एरे हैं किस तरह आप एरे बना सकते हो पी के अंदर तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पी के अंदर एरे बनाकर दिखाऊंगा और साथ में एक फंक्शन बनाऊंगा जिससे आप एरे को डिट्राइव कर सकते हो देख सकते हो कि क्या एरे हमारा स्टोर हुआ है तो मैं सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में भाई तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक ब्लॉक बना दूंगा ये कोड का ब्लॉक है हमारा तो इसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे यूज करेंगे पीएचपी के लिए तो अब मुझे क्या करना है मुझे बनाना है एरे तो सबसे पहले मैं कौन सा एरे बनाने वाला हूं सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंडेक्स एरे तो तीन टाइप के एरे हैं तीनों टाइप के एरे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में इंडेक्स एरे क्या करता है इंडेक्स एरे इंडेक्सिंग लेके चलता है यानी जीरो वन टू थ्री लेके चलता है तो चलो मैं एक एरे बनाता हूँ और ए आर आर वन नाम रखता हूँ इसको एरे वन और इसको हम लोग बनाएंगे ए आर आर वाई नाम से एरे नाम का एक फंक्शन है और इसके अंदर आपको क्या करना होता है इस फंक्शन के अंदर आपको mention करनी होती है वो डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हो जैसे इसके अंदर मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ कार्स का नाम तो कार वन फिर कार टू इस तरह मैं कुछ कार्स के नाम स्टोर करूंगा और ये क्या स्ट्रिंग है तो अभी हम लोग फिलहाल स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो कार वन कार टू कार थ्री तो तीन कार स्टोर हो गई मेरे पास और ये क्या बन गया एक एरे बन गया अब इस एरे को मुझे अगर देखना है तो एरे को देखने के लिए आप इको का यूज नहीं कर सकते मैं आपको एक बार इको करवा के दिखाता हूँ और ये इको और एरे अब मैं एक बार जैप ऑन कर लेता हूं तो यहाँ से आपको सर्वर सर्वर स्टार्ट स्टार्ट कर लेना है सर्वर मेरा है मेरा तो मैं क्या यहाँ जाऊंगा लोकल होस्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर मेरी फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो ये क्या बता रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ऐसा क्यों बताता है ऐसा बताता है क्योंकि आपका जो इको है वो यूज किया जाता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए बट ये तो एरे है तो फिर क्या हमारे पास सॉल्यूशन हो तो हमारे पास सॉल्यूशन है इसके बदले एक और फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट आर प्रिंट आर क्या करता है गाईस? प्रिंट द एरे प्रिंट आर यूज किया जाता है एरे को प्रिंट करने के लिए तो ये यहाँ पर से हम लोग एरे को प्रिंट करवा देते हैं और अब आप देखोगे कि एरे प्रिंट होगा तो किस तरीके का दिखेगा प्रिंट आर फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है एरे क्या वो वेरिएबल और ये आपके पास दिख रहा है यहाँ पर एरे और एरे के अंदर जीरो की पर ही आ गया वन की पर ही आ गया टू की पर ही आ गया इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है अभी मेरा एक एक्सटेंशन लगा हुआ है उसकी वजह से बहुत फॉर्मेटेड आपको एरे दिख रहा है इधर तो ये एक्सटेंशन मैं यहां से क्लोज कर देता हूं और रिफ्रेश करता हूं आप देख सकते हो तो इस तरीके का आपको प्रिंट आर फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाता है तो अगर आप उसी तरीके की फॉर्मेटिंग चाहते हो जिस तरीके की फॉर्मेटिंग अभी मैंने आपको दिखाई तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर लिखना होगा इको और एक हमारे पास प्री नाम का टैग होता है प्री नाम का टैग जो है वो क्या करता है वो आपको एरे को ब्यूटीफाई करके दिखाने के लिए यूज किया जाता है एरे को किस तरीके से दिखा सकते सकते हो हो ब्यूटीफाई करके दिखा तो अब मैंने क्या किया है प्री और प्री प्री और के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन चलाया फिर क्लोज तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं इससे हम लोग हमारे पीएचपी के थ्रू एच का टैग लगा रहे हैं अभी मैं आपको यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो यहां पर मेरा प्री टैग लग चुका होगा क्योंकि मैंने क्या किया है पी के थ्रू एच टैग लगाया और आप देख सकते हो तो ये प्री टैग और इसके अंदर ये एरे आ चुका है तो गाइस पीएचपी क्या करता है पीएचपी हमको कुछ इस तरीके से प्लेन टेक्सट देता है आप देख सकते हो तो ये टेक्स्ट आ गया और टेक्स्ट जैसे यहाँ पर आएगा मतलब ये जो टैग जैसे यहां पर आएगा तो ब्राउजर समझ लेगा तो ये तो एच डी एम एल का टैग है और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हो जाएगी और उसके अंदर आप देख सकते हो तो ये डेटा हमारे पास आएगा एरे और ये हमारा कौन सा एरे बना है इंडेक्स एरे अब इसको इंडेक्स एरे क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर इंडेक्सिंग है जीरो वन टू थ्री और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है जीरो से शुरू होती है तो आप देख सकते हो ये इंडेक्सिंग हो गई अब सपोज मुझे आ, ये मैं कमेंट कर देता हूं मुझे सपोज ये कार टू का नाम चाहिए तो मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा इको और इको के अंदर मुझे एक्सेस करने के लिए यहाँ लगाना होगा डॉलर और डॉलर ए आर आर वन यहाँ हो जाएगा ए आर आर वन और इसके अंदर ये लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और जीरो तो ये क्या करेंगे हम लोग जीरो की को ये एक्सेस करेंगे तो ये आपको प्रिंट करके देगा कार वन अभी आप यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो क्योंकि एरे में से आपने क्या निकाली स्ट्रिंग निकाली आप टू डालोगे तो क्या आएगा कार थ्री आएगा तो इंडेक्सिंग कैसे चलती है जीरो वन टू और थ्री कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग चलती है मैं आपको इसको अनकमेंट करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हो टू इंडेक्सिंग पर कौन था कार थ्री था तो ये आ गया हमारे पास तो भाई ये है हमारा इंडेक्स एरे जो इंडेक्स एरे हमारा क्या काम करता है इंडेक्सिंग बनाता है आप अगर कुछ नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्सिंग बन जाती है अब सपोज बाद में आपको कभी एरे की किसी वैल्यू को और ऐड करना पड़ा तो एरे की किसी वैल्यू को और ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लगाएंगे ए और ए के अंदर ये ब्रैकेट और फोर्थ की पर जैसे हमारी यहाँ से जीरो वन और टू तो इधर से मैं थर्ड की लगा देता हूँ थर्ड की पर मुझे कुछ स्टोर करना है तो ये हो जाएगा थ्री और थ्री पर क्या डालूंगा कार फोर डाल दूंगा तो ये कार फोर डाल दिया मैंने और अब आप देखोगे तो इसको मैं नीचे प्रिंट करवाता हूं इधर तो ये नीचे प्रिंट होगा तब आपको दिखाएगा कि हमारे पास इंडेक्सिंग में एक और वैल्यू जुड़ चुकी है इधर एआरआर वन कर देता हूँ और रिफ्रेश अब तो आप देख सकते हो इंडेक्सिंग में एक और वैल्यू जुड़ चुकी है पहले मैंने यहाँ पर ए आर आर वन नहीं किया था इसलिए वो वैल्यू नहीं दिखा रहा था तो ये आगे इंडेक्सिंग में एक और वैल्यू अब मैं यहाँ से की हटा देता हूँ और की हटा के रिफ्रेश करता हूँ तब भी आप देखोगे वैल्यू जुड़ी हुई है ये क्यों हो रहा है क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो वन टू थ्री ऐसे कंटिन्यूस चलती है तो जो भी नया डेटा आता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एड हो जाता है तो ये हमारा तरीका है इंडेक्स एरे बनाने का अब मैं यहाँ पर दूसरे एरे बनाता हूँ जो होगा हमारा एसोसिएट एरे तो ये हो गया एसोसिएट एरे और एसोसिएट एरे को भी मैं कुछ इसी तरीके से बनाऊंगा ए आर आर नाम से तो इसको डॉलर ए आर आर टू और ए आर आर टू नाम से मैं एक एरे बनाऊंगा इधर टू और एरे और इधर लिख देते हैं एरे हम लोग तो एरे हम लोग को क्या करता है एक एरे बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आप इसकी बॉडी में दो चीजें प्रोवाइड करोगे क्योंकि ये एसोसिएट एरे तो ये चलता है की और वैल्यू के पेड़ से तो इधर मैं की बना देता हूँ पहले तो ये क्या हो जाएगी मेरी की हो जाएगी और यहाँ पर मुझे कुछ की के अंदर जैसे नाम लिखना है तो मैंने मेरा नाम लिख दिया ठीक है और इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें लिखना चाहते हैं तो मैं इधर लिख देता हूँ कंपनी तो इधर कंपनी में मैं लिख देता हूँ टेक तो ये डब्ल्यू एस क्यूबेक आ गया तो गाइस इस तरीके से ये हमारा क्या बन रहा है एसोसिएट एरे बन रहा है मतलब एक की और वैल्यू का पेयर बन रहा है सपोज यहाँ पर मैं एज नाम का एरे बनाता और एज में मैं लिख देता हूँ एज तो ये क्या बन रहा है आपका की और वैल्यू का पेयर बन रहा है ये की है और ये वैल्यू है ये की है और ये वैल्यू है ये की है और ये वैल्यू है इसमें आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो इसमें आप चाहो तो आप इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हो इसमें आप बुलियन वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो जैसे देखो अगर मैं यहां लिखता हूं, status, status मैं लिखता स्टेटस स्टेटस और में इधर लिख देता हूं ट्रू तो ये बुलियन वैल्यूज को भी स्टोर कर लेगा तो ये एरे क्या करेगा बुलियन वैल्यूज को भी स्टोर करेगा अब ये क्या बना है पहले कैसा बनता था इंडेक्स एरे इंडेक्स एरे में क्या होता था जीरो वन टू थ्री फोर अपने आप आता था अब क्या बन रहा है एसोसिएट एरे एसोसिएट एरे में ये एसोसिएटिव बनेगा और ए आर आर टू को यहाँ प्रिंट आर करवा देता हूँ

और अब रिफ्रेश करने पर आप देखोगे टेस्ट के अंदर तो इस तरीके से तो तो मल्टी तो इधर से मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं हम लोग तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनता है सबसे पहले आप एक एरे बनाओगे तो एक एरे बना देता हूँ ए आर आर या मैं उसी पिछले वाले एरे में आपको समझा देता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे क्योंकि उसमें ज्यादा समझना आपके लिए आसान होगा तो क्या करेंगे अपन सपोज मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखूंगा तो ये हो गया कॉन्टेक्ट नंबर में मैंने देखा कि जो नेम है जिस बंदे का उसके पास दो कितना है कितने हैं दो है तो मैं क्या करूंगा इधर एक और एरे बनाऊंगा इस की के अंदर जो वैल्यू डलवा रहा हूँ वो एक और एरे होगा और उस एरे के अंदर क्या स्टोर कर दूंगा दोनों अलग अलग नंबर स्टोर कर दूंगा तो पहला नंबर क्या होगा जैसे ये मेरा वन टू थ्री फोर पहला नंबर हो गया ये मेरा दूसरा नंबर हो गया और दोनों नंबर क्या कह स्टोर कर दिए तो एरे के अंदर एक और एरे तो ये कैसा एरे बन गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाता है और आपको यहाँ पर इसको सेमिकॉलन नहीं लगाना आपको यहाँ से क्या करना है सिर्फ कॉमा से सेपरेट करना है तो ये जितनी भी कीज है आपकी सारी की सारी कॉमा सेपरेटेड बनेगी इसका भी आपको ध्यान रखना है कहीं भी आप सेमी कॉलन लगाओगे तो ये आपको एरर दे देगा सारी की सारी कीज कैसी होती है कॉमा सेपरेटेड होती है और अब आप देख रहे हो मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब नाम हो गया नाम के अंदर कंपनी फिर कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट के अंदर एक और एरे फिर एज फिर स्टेटस फिर टेस्टिंग इस कॉन्टेक्ट के अंदर भी आप और एरेज बना सकते हो मतलब के के एरे अंदर के और एरे सो so ये है मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे का मल्टी डायमेंशनल एरे में आप देख सकते हो सबसे पहला हमारा क्या है इंडेस एरे इंडेक्स एरे में क्या होता है जीरो वन टू थ्री कीज अपने आप चलती है फिर हमारा है एसोसिएट एरे और एसोसिएट एरे के अंदर ही मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझा दिया तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है एरे के अंदर एक और एरे इस तरीके से आप और भी एरेज बना सकते हो जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कितने भी एरे बना सकते हो अंदर ही अंदर और गाइज ये एक पहला तरीका है जिससे आप एरे बनाते हो दूसरा एक और तरीका मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ आप देख रहे हो यहाँ पर एरे फंक्शन का यूज करके हमने एरे बनाया बट इसके अलावा भी एक मेथड है इसके अलावा जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ ए आर आर थ्री नाम से और ए आर आर थ्री के अंदर आपको एरे बनाना है तो आप सिंपली क्या करो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और इसमें वैल्यू डाल दो आप अपनी जो भी वैल्यूज आप डालना चाहते हो वो डालो और बस ये आपका एरे बन जाएगा एक तो इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हो अब जब ए आर आर थ्री को मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखना वो जीरो वन टू थ्री जो नाइन तक है वो स्टोर हो चुके हैं और इसमें मैंने एरे फंक्शन का यूज ही नहीं किया बट एरे फंक्शन का बिना यूज किए भी आप इस तरीके से एक एरे बना सकते हो अब इस मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो इसमें भी मल्टी डायमेंशनल एरे बन सकता है किस तरीके से बन सकता है तो मैं यहाँ पर अगर इसको एक की को किसी सपोज यहाँ पर ये सारी कीज को मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि आपको फॉर्मेटिंग से अलग दिखे और अब हम क्या करेंगे एक सेवन जो है उसको एक की बनाएंगे और उस उसपे कुछ डेटा स्टोर करेंगे तो सेवन को मैं की वैल्यू बनाना चाहता हूँ तो सेवन को मैं यहां पर से बना देता हूँ की और वैल्यू का पेयर तो आपको क्या करना है इस तरीके से एरो ऑपरेटर लगाना है आप देख रहे हो ये एरो ऑपरेटर क्या बताता है की वैल्यू का पेयर तो ये हो जाएगी की इसके अंदर वैल्यू चाहिए आपको तो एक और एरे बनाना है तो एक और एरे बना दो और इसमें आप डाल दो एक और एरे तो जैसे सेवन वन हो जाएगा सेवन जीरो पहले डाल दिया फिर सेवन वन फिर सेवन टू तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकता हूं तो आप देखोगे तो इस एरे के अंदर एक और एरे बन गया अब आपने एरे फंक्शन नहीं लगाया था बट ये तो फॉर्मेटिंग है दिखाने के लिए आप एरे कैसे बना रहे हो आप तो एरे बना रहे हो सिंपली इस तरीके से अब देखो जैसे 71 है तो 71 में भी मैं एक और एरे बनाकर दिखा देता हूं आपको ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो 71 एक और एरे चाहिए 71 में एक और एरे तो यहां से 7 फिर वन ये कुछ इसी तरीके से मैं अपनी रेंडम कीज बना रहा हूं आपको जब जैसी नीड होगी आप उसके अकॉर्डिंग कीज बना सकते हो और ये हो गया सेवन तो ये क्या हो गया थ्री डायमेंशनल एरे आप देख रहे हो पहला क्या है एक एरे उसके अंदर एक और एरे उसके अंदर तीन और एरे तो उसके अंदर एक और एरे आ गया तो ये क्या बनता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे बनता है अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ये की वैल्यू का पेयर बनता है हमेशा आप एसोसिएट में की वैल्यू बनाते हो बट आप इंडेक्स में की वैल्यू नहीं बनाते हो बट वो अपने आप की वैल्यू लेता कैसे पिछले वाले को देखकर तो ये तो पहले जो है वो सेवनटी इसकी कोई की वैल्यू नहीं थी तो जीरो बना लेकिन इसको हमने क्या दिया की दे दिया सेवेंटी वन

तो एक भी काम आपको स्टेटमेंट जो आपको बार 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 यूज करना, करना है उनको आप क्या करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन बना देते हो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं मैं पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बात करता हूँ जैसे बात करते हो आपकी बर्थडे पार्टी का फंक्शन आप किसी को अगर बता रहे हो फंक्शन तो बर्थडे पार्टी के फंक्शन रियल लाइफ से हम लोग फिर प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो बर्थडे पार्टी के फंक्शन में क्या होता है कि केक uh, कटिंग होगा डांस होगा सेलिब्रेशन होगा गिफ्ट होंगे ये सारी चीजें क्या है फिक्स है ये सारी चीजें फिक्स है कि ये ये चीजें होनी है ये सारी की सारी चीजें एक फंक्शन कहलाती है बर्थडे पार्टी का एक फंक्शन है उसको फंक्शन कहने का रीजन ये है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं बतानी पड़ेगी कि केक कट कटिंग होगा गिफ्ट होंगे डांस होगा uh, डिनर होगा लंच होगा ये सारी चीजें मुझे नहीं बतानी मुझे सिंपली क्या करना होगा किसी को बोलना है

आपको बार 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 एग्जीक्यूट करवाना होगा उसको आप एक फंक्शन में मॉड्यूल कर देते हो उसको एक फंक्शन में मॉड्यूल करके क्या करते हो उस फंक्शन को कॉल करते हो यानी मैंने फिक्स कर लिया कि शादी होगी तब ये सारे रिचुअल्स होना है अब किसी को बताना है तो सिंपली शादी का फंक्शन बोला है बर्थडे होगा तो ये सारी चीजें होनी है ये इवेंट होना है तो किसी को बताना है तो बर्थडे का फंक्शन बोला है तो अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो क्या करता है किसी की वोटिंग के लिए एज चेक करता है फिर उसको वोटिंग के अलाउ करता है डिसअलाउ करता है अगर वो वोट करने के लिए कैपेबल है तो उसको हाँ बोलना है ना बोलना है या फिर कुछ टाइम और रुकना है इस तरीके का अगर कुछ भी यूजर को बताना है मुझे तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं सिंपली उसको आ, एक फंक्शन में मॉड्यूल कर सकता हूँ और जब भी मेरा यूजर आएगा मैं क्या करूंगा उस यूजर के लिए वो फंक्शन कॉल करवा दूंगा अब बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग की तो जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता जैसे बर्थडे का एक फंक्शन बोले तो उसका एग्जीक्यूशन होना इसका मतलब क्या हो रहा है अपने आप नहीं होगा पेज लोड होते ही नहीं होगा आपको उसको कॉल करवाना होगा कॉल करवाना होगा मतलब कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा उसको इम्प्लीमेंट के लिए आपको उसकी कॉलिंग करनी होगी थियरिकल कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे बट जैसे ही मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा आपको और इजिली समझ में आ जाएगा तो फंक्शन क्या करते हैं कॉल करने पर ही एग्जीक्यूट होते हैं अब आगे बात करते हैं फंक्शन एक पैरामीटर दो पैरामीटर या जीरो पैरामीटर हो सकते हैं अब पैरामीटर क्या होते हैं देखिए जब भी कोई बंदा आएगा वोटिंग एज चेक करवाने के लिए तो वो अपनी एज तो देगा वो एक पैरामीटर है वोटिंग एज चेक करवाने के लिए आएगा तो वो अपनी एज डालेगा तो वो एक पैरामीटर है मैं सपोज चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे फिफ्टी प्लेसेस ऐसी है पचास जगह ऐसे है पचास पेजेस ऐसे है जहां पर मुझे लिखना होगा वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब उस जगह पर मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दू और ग्रीट नाम के फंक्शन को बार बार कॉल करवा दू जहां भी वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब लिखना होगा वहां ग्रीट वाला फंक्शन कॉल करा दूंगा अब इसमें आर्ग्यूमेंट की तो कुछ जरूरत है ही नहीं इसमें कोई वैल्यू हम यूजर से तो लेना चाहते नहीं है हम यूजर को कुछ दिखा रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा फंक्शन था जो क्या करता है

तो रिटर्निंग में आप कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हो मतलब आप कोई फंक्शन से कुछ रिटर्न ले सकते हो जैसे मैंने एक एज चेक के लिए फंक्शन बनाया एज चेक के लिए फंक्शन के अंदर सारे लगा दिए और उसके बाद मैं उससे रिटर्निंग ले रहा हूँ रिटर्निंग तो में क्या ले रहा हूँ यस और नो आप एज चेक का फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा यस या नो रिटर्न करेगा जो हमको बताएगा कि आप वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो ये हमारी रिटर्न की वैल्यू यानी आप फंक्शन से कुछ रिटर्न भी ले सकते हो अब हम लोग कितने टाइप के फंक्शन यूज करते हैं तो पीएचपी के अंदर हम लोग दो टाइप के फंक्शन हैं एक तो होता है प्री डिफाइंड एक होते तो तो को दो चीजों में बांटा हुआ है हमने प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शंस जिनको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी तभी बना दिया गया था क्योंकि जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उनको लगा कि ये वाला टास्क जो है वो बहुत बार 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 किया जाएगा तो उस केस में उसने क्या किया जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसने क्या किया प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बना दिए ताकि यूजर को थोड़ा ईज ऑफ एक्सेस हो जाए यूजर को अगर सौ पेज सो लाइन का कोड है हंड्रेड लाइन का कोड है तो वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूजर क्या करेगा फंक्शन को कॉल कर देगा और उसका काम हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से होता है प्री डिफाइंड फंक्शन फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है तो प्रोग्रामिंग तो लैंग्वेज के यूजर्स कौन होते हैं उसके प्रोग्रामर्स तो यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी जो प्रोग्रामर होगा वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन बनाएगा जैसे जरूरी तो नहीं है कि जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई वो वोटिंग के लिए कोई फंक्शन बनाए क्योंकि उसको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता बट मुझे मेरे प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट लगता है कि वोटिंग के लिए एक फंक्शन होना चाहिए या एक चेक का एक फंक्शन होना चाहिए तो मैं अपना खुद का भी एक फंक्शन बना सकता हूँ वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड सबसे पहले मैं आपको प्री डिफाइंड का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपने देखा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एरे समझाया था और जब मैंने आपको एरे समझाया था तो मैंने आपको जब एरे प्रिंट करवा कर दिखाया था तो मैंने प्रिंट अंडर स्कोर आर नाम का एक फंक्शन यूज किया था ये क्या एक फंक्शन है फंक्शन कैसे पता चलता है फंक्शन पता चलता है इन करली ब्रैकेट से जब भी किसी पे भी करली ब्रैकेट लगता है यानी सपोज मैं अगर यहाँ पर बात करूं एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और ये करली ब्रैकेट तो ये क्या बताता है ये पेर बताते हैं कि इट इज अ फंक्शन ये क्या एक फंक्शन अब देखो फंक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है मतलब फंक्शन की घोषणा करनी होती है फंक्शन के बारे में बताना होता है फिर फंक्शन को डिफाइन भी करना होता है फिर फंक्शन को कॉल करना होता है बट प्री डिफाइन फंक्शन में जो पहले के दो स्टेप्स है मैं आपको फिर से समझाऊंगा यूजर डिफाइन फंक्शन के टाइम में पहले के दो स्टेप्स क्या क्या पहला स्टेप फंक्शन को डिक्लेयर करना दूसरा स्टेप फंक्शन को डिफाइन करना ये दोनों स्टेप प्री डिफाइंड फंक्शन में आपको नहीं करने पड़ते वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से हो रखे हैं आपको सिंपली फंक्शन को कॉल करना होता है जो यहाँ पर कर रखा है मैंने तो आप देख सकते हो तो ये फंक्शन की कॉलिंग और ये एक उसके अंदर पैरामीटर जो मैंने पैरामीटर की बात की थी जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो एक पैरामीटर होगा तो ये हो गया आपके पास एक पैरामीटर तो ये प्रिंट आर क्या करता है मैं एक बार आपके सामने दिखाता हूँ तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको हमारे जैम्प को स्टार्ट जैम सर्वर स्टार्ट हो चुका है और लोकल होस्ट और मेरा फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है तो उसको कॉल कर देंगे हम लोग लोकल होस्ट फर्स्ट और इसको कॉल किया तो जैसे ये रन होगा ये क्या करेगा इस फंक्शन को कॉल करेगा

ये प्रिंट आर ने क्या किया कुछ इस तरीके से मुझे एरे में से डेटा निकाल के दिया ये खुद मुझे अगर करना होता है तो मुझे बहुत ज्यादा लाइन का कोड लिखना पड़ता और मुझे बार बार अगर बहुत सारी जगहों पर प्रिंट आर प्रिंट आर चाहिए मुझे बहुत सारी जगहों पर एरे का डेटा निकालना है तो मैं क्या वो कोड हर बार लिखूंगा नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सिर्फ प्रिंट आर को कॉल करवाऊंगा एक बार और ये प्रिंट आर कॉल होते ही क्या करेंगे आपका तीन लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनते हैं तो यूजर फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है यूजर फंक्शन बनाने के लिए आपको यूज करना होता है जैसे आप वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर का यूज करते हो वैसे ही फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन की का यूज करना होता है फिर उसको एक नाम दे देना होता है तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं फंक्शन देन फंक्शन का नाम जो आप खुद दे सकते हो बट ये ध्यान रखना आपको कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका नाम रिपीट नहीं करना यानी प्रिंटर नाम से आप अपना फंक्शन नहीं बनाओगे या जो भी जितने भी फंक्शन हम लोग फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे जो प्री डिफाइन होंगे वो कभी भी आप नहीं बनाओगे खुद का कोई अलग यूनिक नाम होना चाहिए और फंक्शन का ये भी ध्यान रखना आपको यूनिक नाम होना चाहिए हर फंक्शन एक यूनिक नाम से बनना चाहिए जैसे हर वेरिएबल एक यूनिक नेम से बनता है फंक्शन फंक्शन देन का नाम दिस कर्ली ब्रैकेट्स और पहले ये आपके ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स आ जाएंगे राउंड और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स में आप क्या दोगे फंक्शन की बॉडी दोगे तो अभी बाद में हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम समझ जाएंगे कि किस तरह ये बनता है फिर बात आती है कि फंक्शन के साथ हो सकता है और बिना आर्ग्यूमेंट्स के हो सकता है पैरामीटर के साथ हो सकता है और बिना पैरामीटर के हो सकता है तो अगर पैरामीटर के साथ फंक्शन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूजर से लेने वाले हो उसका वेरिएबल बनाना होगा सिंपली आपको तो ए कॉमा बी दो पैरामीटर हम लोग यूज करने वाले हैं ए और बी नाम से ये मैं आपको फर्दर वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो और कैसे उसको यूज करते हो अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाकर दिखा देता हूँ जो किसी यूजर को ग्रीट करेगा तो यहां से मैं बाकी सब कुछ कमेंट कर देता हूँ और एक फंक्शन बनाएंगे अपना हम और ये यूजर डिफाइन फंक्शन क्या करेगा किसी यूजर को ग्रीट करेगा तो सबसे पहले आप लिखोगे फंक्शन देन उस फंक्शन का नाम जैसे ये फंक्शन क्या कर रहा है ग्रीट कर रहा है किसी यूजर को ग्रीट और फिर यहाँ पर क्या किया मैंने उसकी बॉडी बना दी तो ये फंक्शन की बॉडी हो जाएगी और फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा दो तो मैं इधर अगर लिख दूँ इको और इको में मैं लिख दूँ वेलकम और ये हो जाएगा वेलकम

ये वाली लाइन फंक्शन को डिफाइन कर रही है और ये वाली लाइन फंक्शन को कॉल कर रही है तो ये जो फंक्शन फंक्शन की की बॉडी है है वो की डेफिनेशन होती है। और अब आप देखोगे तो वेलकम टू टेक लिखा हुआ रहा है अब रिटर्न जो मैंने आपको कहा था कि रिटर्न क्या करता है तो तो अगर आपको रिटर्न समझना है तो आप यहां से इको हटा दो और इधर लगा दो रिटर्न तो ये हो गया रिटर्न रिटर्न क्या करेगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज रिटर्न करेगा मतलब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अब जब मैं ग्रेट कॉल करवाऊंगा तब आप देखना कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि ग्रीट ने इसको रिटर्न तो किया बट ग्रीट इको नहीं कर रहा पहले कर रहा था तो अब मैं यहाँ पर मिलेगी तो और अगर आप फंक्शन की बॉडी के अंदर ही तो फंक्शन की बॉडी में इको और फिर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर रिटर्न लगाऊंगा तो यहाँ पर आप ऐसे ही सिर्फ सिंपली कुछ भी रिटर्न की वैल्यू ना देते हुए भी रिटर्न लगा सकते हो तो इससे फंक्शन को क्या पता चल जाता है फंक्शन को क्या पता चल रहा है कि यहां से आगे मतलब इस रिटर्न से आगे कोई भी कोड नहीं है अब रिटर्न से आगे आपने सपोज कुछ कोड लिख भी दिया जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न से आगे कोड लिख देता हूं, तो अब वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला क्योंकि जहां पर रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ वहां से फंक्शन वापस चला जाता है इट बैक तो ये देखना आप क्या आ रहा है सिर्फ हेलो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक आ रहा है हेलो नहीं दिख रहा है अब मैं रिटर्न को हेलो के नीचे लगा देता हूँ और अब देखेंगे हम तो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूबे और हेलो दोनों दिख रहा है तो ये हमारा कंसेप्ट है किस तरीके से हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यू ले सकते हैं वैल्यू यूजर को दिखा सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरामीटराइज फंक्शन बनाकर बताऊंगा और एक लाइव एग्जांपल दूंगा मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि किस तरह हम लोग फंक्शंस को एक्चुअली यूज करते हैं और उसमें पैरामीटर कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरे फंक्शन के बारे में तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था फिर मैंने आपको ये बताया था कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड होते हैं और प्री डिफाइंड होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे के लिए उसकी बात करने वाले हैं ताकि आपको प्री डिफाइंड फंक्शन भी क्लियर हो जाए प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करना है ये भी क्लियर हो जाए और साथ साथ में एरे के कुछ अच्छे खासे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी समझ में आ जाए तो कई मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो ये कुछ फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कैसे तो आप देख सकते हो कि ये वाले फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आ, मैं एक एरे बनाता हूँ फिर हम इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल पोर्सन पे चलते हैं ये मेरा इंडेक्स डॉट एस टी एम एल नाम की एक फाइल है और यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ तो मेरा जो एरे है वो एरे है कार्स से रिलेटेड तो एक कार्स नाम का एरे बना देता हूँ और यहाँ पर ए आर आर वाई करके एक एरे और फिर हम क्या करेंगे इस एरे के अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे उन कार्स का नाम तो यहाँ पर कार्स का नाम मेंशन करना है मुझे तो की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा मैं यानी यहाँ पर क्या करूंगा की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा तो आ, मुझे अगर जीरो पर एक कार चाहिए कार वन तो इस तरीके से जीरो कार वन लिख दिया मैंने फिर वन पर क्या करना है कार टू ये हो जाएगा कार टू और इस तरीके से मैं दो चार और नाम लिख लेता हूँ तो ये देख सकते हो आप मैंने कार्स नाम का एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर मैंने कुछ कार्स रखी है जो मतलब इस इसकी तक मैंने छह कार के नाम लिखे हैं और सबसे पहले हमने जो यूज किया है वो है एरे फंक्शन तो ये एरे का सबसे पहला फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है तो एक फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया ये मैंने पिछले वीडियोज में भी एरे बनाते टाइम भी बताया दूसरे फंक्शन पे चलते हैं हम लोग तो दूसरा है हमारा प्रिंट आर फंक्शन प्रिंट आर क्या करता है एरे को प्रिंट करता है ये भी मैंने आपको एरे के साथ में समझाया था बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ को प्रिंट करेगा आप इको से एरे को प्रिंट नहीं कर सकते इसलिए आपको प्रिंट अंडर स्कोर आर की नीड होती है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट लोकल होस्ट में मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फर्स्ट और फर्स्ट में मेरा इंडेक्स डॉट एस टीम एल वाली फाइल है तो इंडेक्स डॉट एस टीम एल वाली फाइल कॉल होगी और आप देख सकते हो ये आ गया मेरे पास एरे तो एरे जीरो की पर और ये इस तरीके से वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है बट मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए मुझे थोड़ा फॉर्मेटेड एरे चाहिए तो फॉर्मेटेड एरे चाहिए तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर लगाना होगा इको और यहाँ लगाएंगे प्री तो इको हो गया प्री हो गया तो ये क्या करेगा यहाँ पर आपको एरे को फॉर्मेट कर देगा तो ये हो गया प्री और एरे को फॉर्मेट करके कुछ इस तरीके से दिखा देगा आप प्री क्लोज करना चाहो तो भी कर सकते हो और जो ब्राउजर्स हैं वो बहुत एडवांस ब्राउजर्स हैं तो वो अपने आप टैग को क्लोज भी कर देते हैं जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनको अपने आप क्लोज भी कर देते हैं तो ये मेरा एरे को प्रिंट करने का तरीका हो गया तो पहला फंक्शन क्या है एरे दूसरा फंक्शन क्या है प्रिंट अंडरस्कोर आर ये दोनों एरे के ही फंक्शंस हैं और तीसरे फंक्शन पे हम लोग चलते हैं तो मैं सबसे नीचे आपको लेके जाता हूं और कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं जो इजी है वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा तो इज एरे ये फंक्शन क्या चेक करता है ये चेक करता है कि क्या जो आपने दिया है वो एरे है कि नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा तो इसके लिए हमको क्या करना है इसके लिए और ये वेरिएबल इसमें डाल दिया अब वेर अंडर स्कोर डंप क्या करेगा वेयर अंडर डंप एरे के लिए यूज किया नहीं जाता आप किसी के लिए भी यूज कर सकते वेयर अंडर डंप वेरिएबल को डंप करता है और हमने यहाँ पर क्या डाला है इज एरे डॉलर कार तो ये ट्रू फॉल्स देगा हमको इज एरे क्या करता है ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करता है तो आप देख रहे हो बुलियन ट्रू यानी आपने जो ये डॉलर कार्स डाला है वो एक एरे है अगर हम इसको आ, कोई और वेरिएबल लेते हैं जैसे मैं डॉलर एक्स लेता हूं और ये क्या है सिंपली एक वेरिएबल है ये ना एरे है ना कुछ भी तो यहाँ पर एक वेरिएबल और या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं चलो फाइव तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर फाइव स्टोर है तो क्या ये एक एरे है तो ये कौन चेक करके देगा आपको इज एरे तो आप देख रहे हो बुलियन फॉल्स यानी इज एरे क्या चेक कर रहा है क्या ये एरे है कि नहीं तो आप इसको ट्रू और फॉल्स इस तरीके से काम कर सकते हो और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो आप यहाँ लगा सकते हो इफ और इफ में लगा लगा सकते हो इज एरे और ये ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करेगा तो लगा देंगे, तो एक्स देंगे हम यहां पर बोल सकते हैं इको और एक्स इज नॉट एन एरे तो एक्स इज नॉट एन एरे क्यों क्योंकि मुझे पता है कि एक्स पर एरे नहीं आने वाला है तो अगर एक्स एरे नहीं आने वाला है इफ एक्स इज एरे अगर एक्स एरे होता है तो इधर ट्रू दिखाएगा और नहीं होता है तो फॉल्स दिखाएगा तो ये हमको चेंज करना होगा और और फिर आएगा एल्स में तो 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 ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है तो एरे। तो अभी हमको पता है कि ये जो है है वो एरे नहीं है। तो अभी हमारे सामने क्या प्रिंट होने वाला है एक्स इज नॉट एन एरे अगर एक्स एरे होता तो एरे प्रिंट होता है जैसे मैं बात करूँ ये डॉलर कार्स की तो डॉलर कार्स तो क्या एरे है तो यहाँ पर मैं डॉलर कार्स लिख देता हूँ तो कार्स इज एन एरे डॉलर कार्स इज एन एरे तो अगर डॉलर कार्स एरे होता है तो ये एरे दिखाएगा अभी देख लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल तो जब भी आप डॉलर लगा देते हो तो ये क्या होता है इको के अंदर ये वेरिएबल यहाँ एज इट इज फैच होने के लिए ट्राई करता है तो आप यहाँ से डॉलर हटा दो तो ये फैच नहीं होगा और ये एरर चली जाएगी तो कार्स इज एन एरे क्योंकि कार से कह रहे हैं तो इस तरीके से इज एरे वर्क करता है तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर नेक्स्ट पर मुझे आ, अगले फंक्शन पर देखना है तो अगला जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा एरे अंडर सर्च लोग इस पर बात कर लेते हैं एरे अंडर स्कोर सर्च पर आप एरे में सर्चिंग करवा सकते हो एरे में सर्चिंग के बेसिस पे तो एरे में वैल्यू के बेसिस की प्रोवाइड करेगा आपको मैं तो पर लगाता हूं, इको, और इको में मैं क्या कर रहा हूं? इको में मैं यहां पर लिख रहा हूँ एरे सर्च एरे अंडर स्कोर सर्च और क्या सर्च करना है तो सर्च करना है मुझे यहाँ पर ये कि क्या कार के अंदर है कि नहीं कौन से एरे के अंदर कार्स वाले एरे के अंदर कार टू है कि नहीं तो वो मुझे कौन देगा ये देगा एरे अंडर स्कोर सर्च और ये प्रोवाइड क्या करता है देखते हैं तो इको वन तो ये क्या कर रहा है वन और जीरो इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा है जैसे कार टू है तो ये आपको वन दे रहा है यानी उस की को रिटर्न कर रहा है मैं एक बार आपको यहाँ से कार फोर करवा कर दिखाता हूं तो कार फोर कौन सी की पर है ये मुझे चाहिए तो कार फोर कौन से की पर है थर्ड की पर आप देख भी सकते हो कार फोर इज द थर्ड की तो ये जो आपका एरे सर्च है वो आपको क्या रिटर्न करता है वो आपको रिटर्न करता है कि ये जो की ये जो वैल्यू है वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं अभी मैं देता हूँ कार सेवन और मुझे दिख रहा है कि वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तभी मुझे क्या करेगा तब तो मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा है इट मीनस कि इसने ये सर्च ही नहीं कर पाया तो ना सर्च नहीं कर पाएगा तो ये उसकी की निकाल कर दे ही नहीं पाएगा तो कुछ इस तरीके से एरे सर्च वर्क करता है तो ये हमको यहाँ तक क्लियर हो गया नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं एरे स्लाइस की

क्या निकालना है आपको कितना ऑफसेट तो टू अब मैंने टू लगाया है तो आप देखोगे कि ये क्या कार वन और टू जा चुका है कहां से शुरू हुआ है सीधा थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसने क्या किया एरे को स्लाइस कर दिया मतलब एरे को कम कर दिया बट जो ओरिजिनल एरे था उसको स्लाइस नहीं किया इसने सिर्फ क्या किया है स्लाइस करके एक नया एरे बनाकर रिटर्न किया है बाकी ओरिजिनल एरे एज इट इज ए इंटैक्ट है आप देख सकते हो ये है ओरिजिनल एरे और ये वाला स्लाइस एरे तो स्लाइस क्या करता है एक नया एरे बनाकर दे देता है आपको तो प्रिंट आर में हम लोग क्या करें? एक नए एरे को यूज कर रहे हैं अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो तो न्यू कार्स करके एक एरे बन जाएगा और उसके अंदर ये डलवा दो तो हम क्या कर रहे हैं न्यू कार्स नाम का एक एरे बना रहे हैं और जिसके अंदर क्या कर रहे हैं एरे स्लाइस और कौन से एरे को डॉलर कार्स वाले एरे को दो ऑफ साइट यानी जीरो वन टू जीरो और वन को हटा दो और टू से शुरू कर दो तो अब आप इसके अंदर न्यू कार्स को फैच कराओगे तो न्यू कार्स भी आपका फैच हो जाएगा और सेम उसी तरीके से आउटपुट आएगा तो गाइस इस तरीके से वर्क करता है हमारा एरे स्लाइस एरे स्लाइस क्या कर रहा है स्लाइस करके दे रहा है किसको स्लाइस करके दे रहा है एरे के अगले दो हिस्सों को हटाकर नया एरे बनाकर दे रहा है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और फंक्शन की तो और हमारे पास है एरे चंक चंक का मतलब क्या होता है गाइस चंक का मतलब होता है कुछ हिस्से बनाना तो चंक में एरे क्या करता है uh, मतलब जो आपका एरे है उनका चंक बन जाता है जैसे आप दो दो का चंक बनाना चाहते हो तो दो दो का चंक बन जाएगा जैसे अभी मेरे पास कितना है छेटा डेटा है। मैं यहाँ पर करता हूँ और इको में मैं, मैं यहाँ लगा रहा हूँ मैंने और इस प्री को यहाँ पर क्लोज कर देता हूं इको तो प्री क्लोज हो गया और यहां पर मैं लगाता हूँ प्रिंट अंडर स्कोर आर तो एक नया एरे बनेगा चंक डेरे बनेगा तो उस चंक डेरे को मैं क्या करूंगा यहाँ पर ले लूंगा तो चंक एरे और

यानी इस एरे को एक और एरे में कन्वर्ट कर दिया जिसमें दो दो का चंक है देख सकते हो आप अगर थ्री लिखोगे यहाँ पर तो तीन तीन का चंक आ जाएगा तो थ्री थ्री वैल्यूज एक साथ चंक हो जाएगी सपोज आप फोर लिख रहे हो तो क्या होगा फोर वैल्यूज एक जगह पर चंक हो गई बाकी जितनी बची थी वो चंक हो गई क्योंकि दो ही थी तो दो चंक हो गई अगर फोर होती तो फोर चंक हो गया और आगे बढ़ जाता तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा एरे चंक इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार यहाँ से कमेंट कर देता हूँ तो कैसे आपको समझ में आ गया एरे चंक क्या करेगा चंक्स बना देगा फिर बात करते हैं एरे पॉप की तो एरे पॉप क्या करता है एरे में से पॉप करता है पॉप का मतलब होता है एरे में से डेटा निकालना तो मैं एरे में से डेटा निकाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एक और इको चलाएंगे हम लोग हम ओरिजिनल एरे को हमेशा रखेंगे ताकि हम देख सकें और एरे पॉप भी क्या करता है एक नया एरे बनाकर दिखा देता है तो अब आपको नया एरे समझ में आ गया तो मैं इधर भी लिखा देता हूं यहाँ पर डॉलर पॉप्ड एरे फिर पॉप्ड और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग एरे अंडर स्कोर पॉप एरे एंडरस्कोर पॉप और कौन सा एरे पॉप करना है तो कार्स वाले एरे में से पॉप करना है अब पॉप का मतलब क्या होगा किसी एक को पॉप कर देना तो वो जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट था जो लास्ट वाला था उसको पॉप कर देगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पॉप डायरेक्ट कैसे दिखेगा चलते हैं इधर और आप देख रहे हो लास्ट वाले को पॉप कर दिया यानी लास्ट वाले को निकाल कर रिटर्न कर दिया तो हमारे पास कितने हैं ये सारे हैं उसमें से किसको रिटर्न कर रहा है ये लास्ट वाले को रिटर्न कर रहा है तो एक नया वैल्यू दे दे रहा है तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप सीधा इको से भी कर सकते हो इको भी एक फंक्शन है इसको एज फंक्शन भी आप ट्रीट कर सकते हो तब आपको प्री की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको तो इस तरीके से भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हो कार कारसिक्स जो सबसे लास्ट था उसको पॉप कर दिया तो हम लोग एरे पॉप किस लिए यूज करते हैं लास्ट एलिमेंट को पॉप करने के लिए अब बात करते हैं आगे और फंक्शन की तो एरे पॉप के साथ हम लोग एरे पुस समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो एरे पुस कैसे वर्क करता है

तो आप क्या करो यहाँ पर सिंपली दे दो कार और फिर कार सेवन कार सेवन क्या होगा उसमें नया ऐड हो जाएगा किसमें नया ऐड हो जाएगा ये वाले एरे के अंदर तो कार तक तो कार तक था ही फिर फिर ऐड हो जाएगा और फिर से हम लोग इसको इको कर एक बार चेक कर लेंगे तो बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस आपको दिखेगा बिफोर मतलब मैंने क्या रखा है पहले जो ओरिजिनल एरा था उसको रखा है फिर मैंने कार सेवन उसमें पुश करवाया और फिर उसको मैंने वापस प्रिंट करवाया तो देखते हैं कैसा दिख रहा है ये तो आप देख सकते हो ये पांच वैल्यूज थी यहां पर

चेक करेगा कि एरे में कोई पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है तो मैं पहले आपको एरे कीज बताता हूँ फिर एरे की आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो एरे कीज का भी एक अलग से एरे बनता है तो मैं यहाँ पर करूंगा इको और इको में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्री और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्री क्लोज कर देंगे और इधर प्री क्लोज करने के बाद मैं लगाऊंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर और यहाँ पर एरे और फिर एरे अंडरस्कोर कीज तो ये क्या करेगा एरे की कीज बनाकर दे देगा जितनी भी एरे की कीज है कीज मतलब कौन सी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये एरे की कीज है तो उसको आपको प्रोवाइड करेगा बट अगर आपने इसको एरे को ये बताया नहीं कि किसकी कीज निकालनी है तो वो कैसे निकालेगा तो एर दे देगा तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा डॉलर कार्स वाले एरे की कीज चाहिए मुझे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर तो एरे हमको कीज यहां पर लखना है और ये हो गया

तो आप इस तरीके से एरे की कीज निकाल सकते हो अब इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं एरे की एग्जिस्ट कैसे वर्क करता है तो यहाँ पर मैं करूंगा वेयर अंडर स्कोर डॉप और इधर लगाऊंगा एरे अंडर स्कोर की और क्या एरे की की एग्जिस्ट करती है तो एरे के अंदर अगर की एग्जिस्ट करती है तो कौन सी की एग्जिस्ट करती है तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या एरे के अंदर ए एग्जिस्ट करता, करता है कौन से वाले एरे के अंदर कार्स वाले एरे के अंदर क्या ए एग्जिस्ट करता है तो हम लोग देख लेते हैं ये ट्रू देता है कि फॉल्स रिफ्रेश और आप देख रहे हो बुलियन ट्रू यानी ये बोल रहा है कि यस इट एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट करता है अगर नहीं करता तो ये फॉल्स दे देगा जैसे मुझे पता है कि यहां पर मेरे पास क्या है जी तक है एच तो है नहीं तो मैं एच दे रहा हूं यहां पर तो एच एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये बता देगा आपको फॉल्स तो आप देख सकते हो इधर फॉल्स दे रहा है तो इट मीन एच जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एरे की एग्जिस्ट कैसे वर्क करता है चेक करता है कि एरे के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है तो ये हो गया मेरा एरे की एग्जिस्ट और एरे कीज वाला पूरा का पूरा लॉजिक क्लियर अब हमारे पास और भी फंक्शन है जैसे काउंट अब काउंट क्या करता है काउंट एरे को काउंट करता है और देखता है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी है तो एरे काउंट भी दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर लगाते हैं इको इको और इको में हम लोगों को क्या करना है क्योंकि एरे काउंट एक नंबर देता है तो यहां पर लगा हुआ काउंट और काउंट में हम क्या करेंगे उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसमें एरे है तो कार्स वाले के अंदर एरे है तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा कितनी वैल्यूज है देखो आप सिक्स वैल्यूज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

और ये क्या करने वाला है सिर्फ एरे की वैल्यूज को काउंट करने वाला है उनका काउंट निकालता है सिमिलर डेटा काउंट निकालना है एक बार आपको प्री करके दिखाता हूँ इसको आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मेट कर रहे हैं प्री से तो देख सकते हो आप कार वन जो कार वन है वो वन है कार टू जो है वो वन है कार थ्री जो है वो वन है अगर मैं इसके अंदर दो वैल्यू सेम डाल देता हूँ दो वैल्यू सेम डालने का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पर कार वन जो है वो दो बार डाल देता हूँ या तीन बार डाल देता हूँ तो उस केस में मुझे ये क्या करेगा कार वन कितनी बार है तीन बार है तो ये वो सो तो गाइज हम लोग एक और बार एक वैल्यू अ, सेम करके देखते हैं तो यहां से मैं क्या करने वाला वा हूँ कार फोर को दो बार लिखने वाला हूँ तो कार फोर दो बार होगा तो ये हो गया कार फोर टू टाइम्स अब देखते हैं कार फोर में ये क्या कर रहा है टू लेके आ रहा है

ये हो गया कार्स वाला एरे दूसरा एक और एरे में बना देता हूँ बन बन तो दो एरे हो जाएंगे कार और कार और नाम से अब इसके अंदर क्या मैं इसके अंदर अंदर क्या करूंगा मैं यहाँ पर ये जैसे मैंने कीज रखी हुई है वो हटा देता हूँ सारी तो कीज हमको नहीं रखनी यहाँ पर ताकि जब मर्ज हो तब कीज कोई भी सेम ना हो करने तो वाला हूं अब मैं ये जो सारी कीज है उनको हटा दूंगा तो इन कीज को हटाने का रीजन ये है कि हम लोग जब कीज यहां से हटा देंगे तो कीज अपने आप बनेगी अपने आप बनेगी यानी जीरो वन टू थ्री फोर अपने आप बनेगा फिर यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर अपने आप बनेगा और अब मुझे इसको अच्छे से समझना है इसलिए मेरे को सारा डेटा फॉर्मेटेड रखना होगा तो फाइव सिक्स और फिर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग सेवन एट और नाइन फिर यहाँ टेन फिर इलेवन और फिर ट्वेल्व तो ये कार के नाम है ये जो अंदर मैं लिख रहा हूँ वो कार के नाम है और ये वेरिएबल्स हैं तो अगर आप इन वेरिएबल्स को थोड़ा और अच्छा रखना चाहते हो तो एक्स रख दो वाई रख दो ताकि आपको अंदर और बाहर में बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना हो तो एक्स और वाई दो वेरियबल्स होगा अब मैं क्या करना चाहता हूँ जेड नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिनके अंदर ये दोनों एरे मिल जाए मुझे मतलब मैं पहले आपको यहाँ पर प्रिंट अंडर स्कोर आर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको एक मिल रहा है फिर हम दोनों को समझेंगे तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिर प्रिंट अंडर स्कोर आर और यहाँ पर लगा देते हैं कि एक्स कैसे मिल रहा है तो इधर ले लेता ले ले हूँ एक्स फिर इधर ले लेता ले हूँ वाई तो प्रिंट अंडर स्कोर आर से वाई कैसे मिल रहा है ये भी पता चल जाएगा तो एक्स और वाई दोनों एरे हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम लोग जेड के लिए मर्ज करेंगे तो एक बार मैं दिखाता हूँ कि दोनों एरे कैसे दिख रहे हैं तो आप देख सकते हो ये बाद जो आगे आप देख सकते हो ये मेरे पास पहला एरे है जिसके अंदर कार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है और अगले एरे के अंदर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तक है अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा सिंपली यहाँ पर चलूंगा और एक Z नाम का वेरिएबल बनाऊंगा तो यहाँ पर Z नाम का वेरिएबल होगा तो डॉलर जेड और इजीकॉस टू इसमें हम लोग करेंगे एरे अंडर स्कोर मर्ज एरे अंडर स्कोर मर्ज क्या करता है दो एरे को मर्ज करता है अब पहला एरे और दूसरा एरे ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पर तो पहला एरे एरे वन कौन सा है तो एरे वन जो होगा वो होगा मेरा यहाँ पर एक्स और दूसरा एरे कौन सा होगा एरे वाई तो ये दो एरे को मर्ज कर देगा तो दोनों एरे को मर्ज कर देगा यानी और वाई दोनों को मर्ज कर देगा तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं अभी हमारे पास विजिबल नहीं होगा तो आउटपुट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंट अंडर स्कोर आर लगाकर हमको यहाँ पर वाई की जगह जेड लिखना होगा तो अब मर्ज जो एरे हो गया है वो दिखेगा आपको तो अब आप देख सकते हो ये है एक्स वाला एरे आपका ये वाई वाला एरे और ये एक्स और वाई दोनों को मर्ज करने के बाद तो इन फ्यूचर कभी ऐसा केस आ जाए जब आपको दो एरे मर्ज करके एक बनाने हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एरे मर्ज को इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे यूज करें गाइज मैंने आपको जब फंक्शन के बारे में बताया था और फंक्शन में मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं तब भी मैंने आपको एक बार यूजर डिफाइंड फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाया था बट हम लोग इस वीडियो में डेडिकेटेड अच्छे से यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होते हैं कैसे बनते हैं आ, क्या उनका यूज होता है यानी आप रियल जब प्रोजेक्ट पर काम करोगे तब उनका मोस्टली क्या यूज होता है ये चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं अगर आपको ना पता तो मैं आपको वापस एक बार बता दू यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर यानी प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूजर यानी उसका प्रोग्रामर तब बनाता है जब उसको नीड हो तो हम लोग कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले आ, तो काफी में मैंने आप लोगों को आ, एरे समझाया और एरे के अंदर मैंने प्रिंट आर फंक्शन का काफी बार यूज किया है और प्रिंट आर के साथ में मैंने क्या किया है? ये प्री भी लगाया है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसे आता है कुछ इस तरीके का आता है और प्री हम लोग क्यों लगाते हैं प्री हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि प्री जो है वो क्या करता है आ, हमारे एरे को फॉर्मेटेड दिखाता है अब आप देख रहे हो अनफॉर्मेटेड एरे दिख रहा है तो प्री क्या करेगा एरे को फॉर्मेटेड दिखाएगा बट मुझे अगर ऐसा बीस बार पचास बार एक पेज पर चाहिए या मेरी वेबसाइट में काफी जगहों पर चाहिए आ, कि मुझे आ, ये जो प्रिंट आ है उसके आगे पीछे इको लगाकर उसको ब्यूटीफाई करके देखना होगा बार बार देखना होगा एरे को तो क्या मैं बार 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 ये कोड लिखता रहूंगा नहीं तो उस केस में यूज करेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को तो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप यूज करते हो फंक्शन फर्ड का देन आप फंक्शन का नाम देते हो तो फंक्शन का नाम क्योंकि ये प्रिंट आर्क कर रहा है तो मैं उसका नाम दे देता हूँ पी और उस फंक्शन की एक बॉडी बना देते हैं हम लोग तो ये फंक्शन की बॉडी हो जाएगी ये पी नाम हो गया उसका फंक्शन की बॉडी और ये जो कोड आप देख रहे थे अब तक ये कोड में ले जाकर इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये कोड मैंने क्या किया इसके अंदर डाल दिया है तो ये कोड आ चुका है यहाँ पर अब ये क्या करेगा ये जब भी पी को हम लोग कॉल करेंगे जब भी हम लोग किसको कॉल करेंगे पी को कॉल करेंगे ये फंक्शन चलेगा क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है मैंने बनाया है ये फंक्शन चलेगा और ये वाला पूरा का पूरा कोड चलेगा और इसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आना चाहिए वो आ जाएगा जैसे इको लग जाएगा प्रिंटर लग जाएगा और इको uh, क्लोज हो जाएगा अब मुझे क्या करना होगा मुझे कुछ पैरामीटर्स देने होंगे मतलब ये जो uh, आप देख रहे हो एक्स इस एक्स को मुझे यहाँ पर पहुंचाना है तो मुझे क्या करना होगा कुछ पैरामीटर्स देने होंगे तो मैं पैरामीटर्स के लिए यहाँ पर पहला पैरामीटर बना देता हूँ डॉलर डेटा और इस डॉलर डेटा को आप कहाँ से भेजोगे आप भेजोगे इस फंक्शन को कॉल करते टाइम तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पी ये क्या हो रही है फंक्शन की कॉलिंग हो रही है और मैं यहाँ पर डॉलर एक्स भेज रहा हूँ अब आप लोगों को थोड़ा ये भी कंफ्यूजन होगा कि आपने यहाँ से तो डॉलर डेटा लगाया था और यहाँ से आप डॉलर भेज रहे हो एक्स तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है ये जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स आपने डिफाइनिंग के टाइम रखा है ये क्या है पैरामीटर डिफाइनिंग के टाइम और ये आपको पूरे फंक्शन के अंदर यूज करना है ये क्या है ये ये जो वेरिएबल आपका बना है वो कैसा है लोकल वेरिएबल है वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है तो इस फंक्शन के अंदर जहां भी आपको चाहिए वहां पर डॉलर डेटा यूज करना होगा बट आप यहां से से भेज किसी भी नाम से सकते हो ये क्या होगा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स के जैसे वर्क करता है तो ये ये जो जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं यहां से यह जो क्या है एक्चुअल पैरामीटर है और यहां से आप एक फॉर्मल पैरामीटर भेज रहे हो तो ये वैल्यू क्या होगी इधर आएगी और यहां से इस फंक्शन में जाएगी उस फंक्शन में जब जाएगा तो डॉलर एक्स क्या करेगा अपनी वैल्यू देता है और फंक्शन कॉलिंग के टाइम डॉलर डेटा के पास दे देता है सारी की सारी चीजें मतलब ये पूरा के पूरा एरे कहाँ दे देगा डॉलर डेटा को दे, दे देगा आगे जो है वो डॉलर डेटा अपने आप हैंडल कर लेगा तो ये फंक्शन बन गया एक बार अब ये जो मेरा एरे है उसके मुझे प्रिंटिंग चाहिए तो मैंने पी को कॉल करवा दिया और आप देख रहे हो सिंपली ये उसी तरीके की, की प्रिंटिंग आ रही है अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट आर ऊपर एक बार एरे बना दिया था यानी एक बार मैंने फंक्शन बना दिया अब ये फंक्शन क्या हो रहा है बार बार कॉल हो रहा है मैं आपको एक और एरे बनाकर दिखाता हूँ उस एरे के लिए फंक्शन को अलग से फिर से कॉल करता हूँ तो फंक्शन जिसके लिए कॉल होगा उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा जैसे मैं यहाँ पर कार सिक्स तक है तो सेवन फिर एट फिर नाइन और कुछ इसी तरीके से और भी नाम लिख देता हूँ मैं और आप देख रहे हो ये मैंने एक और एरे बना दिया इस एरे का नाम मैं वाई रख देता हूँ अब मैंने पहले पी को कॉल किया था इसके लिए प्रिंटिंग के लिए क्या करने के लिए ये पूरा प्रिंट करने के लिए अब मैं फिर से पी को कॉल कर सकता हूँ पूरा प्रिंट करने के लिए तो यहाँ से आप फिर से एक पैरामीटर भेज रहे हो वाई और ये आपने भेज दिया अब क्या होगा इस एक्स के लिए आपने कॉलिंग करवाई थी इस वाई के लिए आपने यहाँ ये। तो ये आप आप जो, आप जो डॉलर वाई जा रहा है वो डॉलर डेटा को यहाँ पर अपना डेटा दे दे रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है मतलब फंक्शन वही सेम ही कॉल हो रहा है बट दोनों के लिए कॉल हो रहा है दोनों के लिए अकॉर्डिंगली कॉल हो रहा है अगर मैं एक और उनकी बात करूँ तो मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल को मैं टेस्ट डॉट पी एच पी नाम दे देता हूँ और ये टेस्ट डॉट पी एच पी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जैम्प एच फर्स्ट नाम के फोल्डर के अंदर टेस्ट डॉट पी एच पी बनाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे यूजर से उसकी एज लेनी है सपोज मुझे यूजर से उसकी एज लेनी है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है कि यूजर जो है वो कैपेबल है कि नहीं वोटिंग के लिए तो एक फंक्शन बनाता हूँ मैं इधर और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ वोट ठीक है तो ये फंक्शन वोट हो गया और डॉलर एज नाम से मैं एक तो एज लूंगा और मेरा जो भी लॉजिक है वो पूरा इसके अंदर रखूंगा यहां पर सिंपली क्या करूंगा यहां पर सिंपली तो यहां मैं सिंपली क्या करने वाला हूं यहां पर मैं इको करूंगा और इको वोट नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा और यहां पर मैं एज पास कर दूंगा ट्वेंटी फोर तो ये मैंने क्या किया एज पास कर दिया अब मैं क्या चाहता हूं कि जो वोट है जो भी चीजें रिटर्न करता है वोट जो भी मुझे दे रहा है वो यहां पर इको हो जाए तो वोट कैसे देगा तो यहाँ पर कुछ लॉजिक चलेंगे सबसे पहले इफ तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे एंड ऑपरेटर लगाकर हम चेक करेंगे छोटा या सिक्सटी फाइव के इक्वल होना चाहिए और एल्स की कंडीशन रखेंगे तो ये क्या कर रहा है एज चेक कर रहा है और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग रिटर्न और रिटर्न में एक स्ट्रिंग यस यू कैन वोट यू कैन वोट ये हो गया यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं यहां पर कुछ भी प्रिंटिंग नहीं करवा रहा हूं अब मैं सीधा यहां से रिटर्न कर रहा हूँ अब फंक्शन के अंदर जैसे ही रिटर्न मिलता है वो आगे के स्टेटमेंट को पढ़ता ही नहीं सीधा क्या करता है यहां से बैक चला जाता है तो ये है 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 आपके रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट का फायदा से क्या होने होने वाला है? आपका वाला आपका टाइम कम कंज्यूम जब पहली कंडीशन रीड होती है तब अब नो यू कैन नॉट वोट नो यू कैन नॉट वोट आ गया इधर से नो यू कैन नॉट वोट चल जाएगा तब आप देख रहे हो कि पहले क्या होगा कंडीशन चेक होगी यस यू कैन वोट चलेगा दूसरी बार पे कैन नॉट वोट चलेगा तो ये अकॉर्डिंगली चलने वाला है और जितनी बार आप वोट को कॉल करोगे उतनी बार ये चल जाएगा तो पहली बार मैंने वोट को कॉल किया अब मैं इको वोट ट्वेंटी फोर क्यों लिख रहा हूँ ट्वेंटी फोर तो हो गई वो एज जो यहाँ जाने वाली है इको वोट क्यों किया वोट तो मैंने फंक्शन को कॉल किया और इको क्या कर रहा हूँ जो भी वोट रिटर्न करेगा उसको इको करवाने के लिए तो अब इसको कैसे चलाएंगे हम लोग तो इधर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेस्ट डॉट पीएचपी नाम की फाइल ओपन करनी है डेस्ट डॉट पीएचपी यस यू कैन वोट सपोज मेरे पास तीन जने तीनों ने अपने अपनी एज डाली तो यहाँ पर ये पहला बंदा हो गया यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन के साथ ब्रेक भी लगा देता हूँ तो कितनी है जिसकी एज एज है 24 वाली तो इज टू हम लोग जो फंक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं तो आप देख रहे हो एज ट्वेंटी फोर और यहाँ कॉलन लगाकर देखते हैं क्या आएगा एज ट्वेंटी फोर यस यू कैन बोथ कोई और एज डालता है जैसे मैं यहाँ पर एक और लगाता हूँ एज कौन सी होगी मेरी

ये वाला फंक्शन अपने आप ही कॉल हो जाएगा आपको उसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये कोड वापस लिखना पड़ेगा तो ये फायदा होता है फंक्शन का और इस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फर्दर कैसे कैसे यूज करना चाहते हो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लूप के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी के अंदर हमारे पास कितने टाइप के लूप्स हैं। तो गाइस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है लूप का यूज क्या है लूप की वर्किंग क्या है फिर मैं पीएचपी के अंदर कितने टाइप के लूप है ये बताऊंगा इस वीडियो में आपको थियोटिकल कंसेप्ट समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक लूप एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फिर उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग साथ ही साथ देख लेंगे तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कि लूप क्या होता है तो लूप एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपको बार 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 रिपीट करना हो जो आपको बार 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 रिपीट करना हो उससे आप क्या कर सकते हो लूप में डाल सकते हो जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे काउंटिंग करनी है सपोज हमको काउंटिंग करनी है और काउंटिंग कहां से करनी है जीरो जीरो से 10 तक अब काउंटिंग का ह्यूमन ह्यूमन लॉजिक लॉजिक क्या कहता है? कहता है है कि होगा सबसे पहले फिर जीरो में आप प्लस वन करोगे तो कितना बनेगा वन बनेगा तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई आपकी फिर प्लस वन करोगे तो टू बनेगा तो काउंटिंग आपकी जीरो वन टू पर आ चुकी है फिर प्लस वन करोगे तो थ्री बनेगा फिर प्लस वन करोगे तो फोर बनेगा इसमें आप क्या कर रहे हो प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार करोगे जितनी बार आप टेंथ तक जब तक आप टेन्थ तक ना पहुंच जाओ तब तक, तक आप प्लस वन करोगे तो ये एक टास्क है जो आपको बार 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 करना पड़ रहा है क्या करना पड़ रहा है बार बार करना पड़ रहा है और अगर मुझे ये प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना हो तो मुझे बार 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 प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करके ऐसा दस बार लिखना पड़ेगा जीरो से टेंथ तक के लिए बट अगर मैं उसी काम को लूप के थ्रू करवाऊं तो मुझे एक ही बार करना बा पड़ेगा लूप अपने आप चलेगा कब तक चलेगा जब तक उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई ना कर ले जब तक वो टेन पर ना पहुंच जाए तब तक वो लूप बार 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 चलता रहेगा तो लूप किस लिए यूज किया जाता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना है कब तक जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए अब सिमिलर टास्क जैसे सिमिलर टास्क मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐड करना ये क्या एक सिमिलर टास्क है वन को ऐड करना हर बार पिछले नंबर के अंदर एक ऐड करना ये एक सिमिलर टास्क है और बार 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 उसको करना है तो मुझे लूप हेल्प कर सकता है लूप क्या करता है लूप आपका टाइम और कोड रिलिटी एक तो आपका टाइम सेव सेव करता है और कोड रिबिलिटी को बढ़ावा देता है कोड रूजिबिलिटी को बढ़ावा देना इसका मतलब क्या हो गया कोड रीयूज क्या हो रहा है आपने एक दो लाइन का कोड जो लिखा था वो रियूज हो रहा है मतलब आपने एक काम करवाना है जो आपको 20 बार करना होगा बट उसके लिए कोड आपने सिर्फ एक बार लिखा तो ये क्या हो रहा है कोड रियूज हो रहा है एक तरीके से अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो वर्किंग होती है लूप की आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे तो लूप की वर्किंग कुछ इस तरह वर्क करती है कि आपका लूप पहले स्टार्ट होगा इनिशियलाइज होगा फिर वो जाएगा एक कंडीशन को चेक करेगा और उस कंडीशन के बेसिस पर वो डिसीजन लेता है अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो क्या करता है आगे बढ़ता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और या कंडीशन uh, ट्रू हो तो वो क्या करेगा एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाएगा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आपका लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग करवाएगा सो so गाइस ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब तक चलेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों एक साथ नहीं कह रहा हूं या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन जो चेक हो रही है यहाँ पर कंडीशन चेकिंग जो हो रही है जब तक वो फॉल्स ना हो जाए तब तक चलेगा जैसे ही फॉल्स हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा लूप के बाहर आ जाएगा यानी आप जैसे काउंटिंग करते हो तो आप काउंटिंग में क्या करते हो प्लस वन किया प्लस वन किया प्लस वन किया, प्लस वन किया कब तक करोगे जब तक टेन पर पहुंचोगे तब तक करोगे ये टेन क्या है आपके लिए कंडीशन है और ये जो प्लस वन है वो इंक्रीमेंट है वो आपको कब रोकना है जब आप टेन पर पहुंच गए तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ये एंड कर जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के लूप्स हैं जो हम लोग पीएचपी के अंदर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे पास होगा एक वाइल्ड लूप वाइल लूप क्या करता है वाइल्ड लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप ये क्या करेगा जैसे आप लूप के अंदर जाओगे ये एंट्री पर ही चेकिंग करेगा आपकी और चेक करने के बाद आपको आगे जाने देगा सेम एज इट इज हमारा लूप लूप है loop के बारे में मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डू वाइल के बारे में डू वाइल क्या करता है डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप जब आप लूप से बाहर निकलते हो तब चेक करता है देखो वाइल्ड लूप और डू वाइल्ड लूप में डिफरेंस समझो वाइल्ड लूप क्या करेगा आप जैसे किसी रूम में जा रहे हो तो उस टाइम आपके अंदर जाते चेकिंग हुई। तो हुए चेकिंग तो ये हुआ एंट्री कंट्रोल लूप से बस कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में है फोर ईच लूप जो हमने पिछले वीडियोस में एरे देखे हैं उस एरे को फिल्टर करने के लिए उस एरे में से डेटा ड्राइव करने के लिए फोर ईच लूप चलता है ये फोर के जैसे चलता है लेकिन ईच ईच का मतलब क्या होगा जितने बार एरे में डेटा मिलेगा उतनी बार चलेगा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा इन सब के बारे में प्लस मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा फर्दर वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइल्ड लूप के बारे में तो क्या इस वाइल्ड लुप पीएचपी के अंदर कैसे वर्क करता है वाइल्ड लूप क्या होता है और वाइल्ड लूप का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको लूप्स का कंसेप्ट समझाया था और साथ ही साथ ये बताया था कि हमारे पास पी में कितने टाइप के लूप्स है तो अगर आपको लूप्स का बिल्कुल भी ना पता हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो में हम लोग डेडिकेटेड वाइल्ड लूप को डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे सब पहले समझ लेते हैं कि वाइल्ड लूप क्या होता है तो वाइल्ड लूप एक ऐसा लूप है जो तब तक एग्जीक्यूशन करता है जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है जो कंडीशन हम उसको देते हैं लूप को वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक वो एग्जीक्यूट करता है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप ब्रेक हो जाता है लूप टर्मिनेट हो जाता है और लूप के बाहर आकर जो अगले स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे टर्मिनेशन होता है कौन सा स्टेटमेंट होता है जो लूप के बाहर है तो एग्जीक्यूट होता है टर्मिनेशन के बाद और ऑरगाइज जो आपका वाइल्ड लूप है उसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है अगर फर्दर आपको कभी इंटरव्यूज में पूछा जाए तो वाइल्ड लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एंट्री कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब लूप के अंदर आप एंटर हो रहे हो तभी वो कंडीशन चेक हो जाती है कि क्या आप लूप के अंदर एंटर होने लायक हो या नहीं हो आप इन द सेंस उस वेरिएबल की बात है अब मैं आपको समझाता हूं कि लूप का जो वर्किंग है वो किस तरीके से होता है तो वाइल्ड लूप में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वाइल्ड लूप की वर्किंग होती है आ, पहले वाइल्ड मतलब आप लूप के अंदर एंटर हो रहे हो एक कंडीशन होगी उसके बेसिस पर आ, ये क्या करता है कंडीशन के बेसिस पर ट्रू और फॉल्स नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट यहाँ और कुछ चीजें नहीं करेगा While का सिर्फ एक एक ही फंडा है कि वाइल्ड अंदर ट्रू कंडीशन के के या बाहर जाएगा। तो अगर होती है, तो के स्टेटमेंट के, तो के अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वापस पीछे चला जाएगा फिर कंडीशन चेक करेगा फिर अंदर आएगा और ऐसा कब तक करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती कंडीशन फॉल्स होते ही लूप के बाहर आ जाता है तो ये तरीका है वाइल्ड लूप के काम करने का

और कंडीशन में क्या देता हूं कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो टेन से छोटी है तब तक क्या प्रिंट हो जाता चाहिए क्या इको होना चाहिए हेलो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूबेक अब आई की वैल्यू तो हमेशा छोटी होगी क्यों क्योंकि जीरो जो है वो हमेशा छोटा ही रहेगा टेन से तो तो उस कंडीशन में मैंने एक और चीज लगाई है वो क्या करती है आई प्लस प्लस यानी हर बार आई की पिछली वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा देना जैसे आई की वैल्यू जीरो आई थी तो प्लस वन करना है तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा आई की वैल्यू वन हुई थी तो प्लस वन करना है टू हो जाएगा तो ऐसे करते करते आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो रही है अब इंक्रीमेंट हो रही है तो एक कंडीशन तो ऐसी आई जाएगी जब नाइन के बाद टेन होगा मतलब प्लस प्लस बनेगा तो वो बन जाएगा और के टाइम में क्या होने वाला है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कौन सी आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस कंडीशन में जैसे ही वो फॉल्स होती है जो आपका लूप है वो बाहर चला जाएगा तो अभी इसको हमको एग्जीक्यूट करके देखना है तो ये मेरी इंडेक्स डॉट एच डी एम एल वाली फाइल है इसमें मैं बनाऊंगा तो यहाँ पी एच पी का ब्लॉक बना देता हूँ पहले तो ये पीएचपी का ब्लॉक ऑफ कोड हो गया और हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं तो डॉलर आई नाम से एक वेरिएबल बना दिया आप किसी भी नाम से बना सकते हो इसको स्टार्ट कर दिया जीरो से यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है मेरा पर्पस है कि मैं यहाँ पर टेन टाइम्स या ट्वेल्व टाइम्स टेन टाइम्स जितने भी टाइम्स आप चाहो टेन टाइम्स मैं हेलो लिखूँ तो टेन टाइम्स मैं क्या लिखना चाहता हूँ हेलो लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं टेन टाइम्स हेलो लिखने के एक तो मैं क्या करूँ यहाँ लिखू इको हेलो और इसको दस बार कॉपी कर दू तो ये दस बार कॉपी हो जाएगा ऐसे और ऐसे टेन टाइम्स कॉपी होने के से भी हम लोग टेन टाइम्स हेलो लिखवा सकते हैं बट इससे क्या हो रहा है आपको एक ही टाइप का कोड बार बार लिखना पड़ रहा है तो उसी में आपको हेल्प करते हैं तो आपने क्या किया वाइल और वाइल करली ली ब्रैकेट देन दे बॉडी ऑफ द लूप ये लूप की बॉडी है अब इसके अंदर जो भी चीजें होगी वो लूप में एग्जीक्यूट होगी लूप में एग्जीक्यूट होने का मतलब बार बार एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी आई लेस देन टेन अब को एक और चीज ध्यान रखना है जो लूप है वो तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है तो यहां पर आप एक एक्सप्रेशन देते हो जो ट्रू या फॉल्स देता है आपको जो रिटर्न में क्या करता है है तो है ट्रू या फॉल्स देता तो ये एक एक्सप्रेशन i इज लेस देन टेन ये क्या देता है ट्रू या फॉल्स देता है हर बार चेकिंग होगी लेस देन टेन होगा तो ट्रू देगा और जैसे ही ग्रेटर देन टेन हो जाएगा तो फॉल्स दे देगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ इको और इको में मैं कर दूंगा हेलो और

इसी तरीके से अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी एग्जाम्पल को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा और यहां पर मैं यूज करूंगा एज ए काउंटर इसको तो इको डॉलर आई और लूप लूपैंड एज इट इज रखूंगा इको डॉलर आई क्या करेगा ये जो आपने आई नाम का वेरिएबल बनाया है इसको इसके अंदर इको करेगा तो आप देखोगे अभी काउंटिंग चलेगी आपकी जीरो से लेकर नाइन तक मैं एक बार यहां पर कॉन्कैटिनेट करवा के ब्रेक लगा देता हूँ तो डॉट से हमने कॉन्कैटिनेट करवा दिया आप देख सकते हो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक चल रहा है और जैसे टेन आता है ये क्या करता है इस लूप से बाहर आ जाता है अगर आप वन से चलाना चाहते हो वन से चलाने के लिए आप क्या करो वन से शुरू करो और टेन तक चलाना है आपको तो लेस लेस देन देन इक्वल्स टू भी रख सकते हो 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 आप कब तक 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 चलना है जब तक आई की वैल्यू लेस देन हो, आ, टेन से या इक्वल जैसे ही टेन से बड़ी हो जाएगी आ, लूप लूप को जो है टर्मिनेट कर देना है तो अब देख लेते हैं एक बार यहां पर तो ये इस तरफ को मिस्टेक दिखा रहा है क्योंकि हमने यहां आई नहीं रखा था तो आई रख देते हैं और अब ये वापस सही हो गया तो वन से लेकर टेन तक हमारा लूप चल रहा है अगर लूप को आपको रिवर्सानाउंटिंग आई माइनस माइनस तो माइनस तो माइनस क्या, क्या, तो क्या होगा टेन माइनस वन नाइन नाइन फिर एट फिर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन वन तक तो लूप चलेगा और बाद में नहीं चल पाएगा क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है कि आई की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो इस तरीके से आपका ये रिवर्स लुक भी चल जाएगा रिवर्स काउंटिंग भी चल सकती है अगर आप इसी के अंदर टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो रिवर्स टेबल प्रिंट करवा सकते हो तो टेबल प्रिंट करवाना हमको अगर आई की मदद से तो मैं क्या करूंगा सिंपली अगर टू की टेबल प्रिंट करनी है मुझे तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक नंबर ले लेता हूँ सपोज नम ले लिया मैंने और उसको दे दिया टू तो मैं टू की टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने नम को टू दिया और यहाँ मैं मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ डॉलर नम तो इस तरीके से क्या होने वाला है हमारे पास टेबल प्रिंट होगी लेकिन अभी जो टेबल प्रिंट होगी वो इनवर्स होगी रिवर्स टेबल होगी दिखाता हूं मैं आपको तो ये टू की टेबल टेबल आप देख रहे हो रिवर्स टेबल है अगर इसको मुझे सही करना है सीधा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली यहाँ पर इसको काउंटिंग को वन से शुरू करवाऊ और चलाऊंगा कहां तक जब तक लेस देन इक्व टू टेन है तब तक और यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस करवा दूंगा तो बस ये छोटे से चेंजेस और आप देख रहे हो टू की टेबल आपके सामने आ गई टू वन जार फोर और इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल आ चुकी है अब टेबल को थोड़ा और फॉर्मेटेड लगाना है तो थोड़ा सा टेबल को और फॉर्मेटेड बनाया तो आप क्या डॉलर आई ये हो गया ये क्या बनेगा? वन बनेगा जैसे आपका नंबर लेता ले तो लिखवाना तो फिर यहाँ पर बीच में एक्स और फिर यहाँ पर ये यह हो गया फिर से डॉट और यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग टू और फिर यहाँ डॉट तो इस तरीके से हमने पूरा एक एक्सप्रेशन बनाया सबसे पहले यहाँ नंबर आएगा यानी टू आएगा फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल और फिर जो काउंटर में अभी करंट चल रहा है जैसे टू इंटू वन तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू कुछ इस तरीके से दिखाएगा आप देख सकते हो टू इंटू वन इजिक्वल टू टू फोर फाइव सिक्स और पूरी लूप पूरा लूप चलता है और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कौन सा लूप एंड्स वाला तो इस तरीके से आपका ये लूप काम करता है जो वाइल्ड लूप है वो इस तरीके से वर्क करता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर लूप इन पीएचपी फोर लूप कैसे वर्क करता है पीएचपी के अंदर फोर लूप क्या होता है किस तरीके से उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो ये मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर तो गाइस जो लूप है है वो एज इट इज वर्क करता है, जैसे हमारा वाइल्ड लूप वर्क करता है पिछले वीडियो में मैंने आपको वाइल्ड लूप भी समझा रखा है तो अगर आपने वाइल्ड लूप के बारे में नहीं समझाया तो आप पिछला वीडियो समझ सकते हो आ, जो वाइल्ड लूप है और फोर लूप है उनके अंदर सिमिलैरिटी है मतलब वो दोनों काम सेम तरीके से करते हैं दोनों का एग्जीक्यूशन सेम टाइप से होता है बस डिफरेंस क्या होता है दोनों के तो बताऊंगा जब तक कोई एक कंडीशन है वो एक, जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाए मतलब जो कंडीशन आपने दे रखी है वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक एक सेम टाइप का, का काम करता रहेगा अब इससे क्या होता है इससे आपका कोड रियूज होता है एट द सेम टाइम आपका टाइम भी सेम हो, सेव होता है जो सारे के सारे लूप्स करते हैं अब जो फोर लूप है उसके अंदर क्या डिफरेंस है वाइल्ड लूप से ये मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है वाइल्ड लूप जैसे एंट्री कंट्रोल लूप होता है एंट्री यानी जब आप एंटर हो रहे हो तब पहले चेक करेगा कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अगर कर रही है तो ही एंटर करने देगा वरना नहीं एंटर करने देगा अब जो वर्किंग है वो समझ लेते हैं फोर लूप की तो फोर लूप की वर्किंग में और वाइल्ड लूप की वर्किंग अगर आपको याद हो तो फोर लूप की जो वर्किंग है

जब तक आई की वैल्यू टेन से छोटी है और देन इंक्रीमेंट हमको क्या इंक्रीमेंट करते हुए चलना है मैं अभी आपको तो मैं यहाँ पर ही सबसे पहले क्या करूंगा मुझे तो मैं एक बार वाइल्ड लूप का आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ फिर मैं फोर लूप चलाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वाइल्ड लूप का हम लोग सिंटेक्स देखते हैं ये मेरा वाइल्ड लूप का सिंटेक्स है आप देख सकते हो तो इसमें मैंने क्या किया था इनिशियलाइजेशन किया था देन यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी लगाना था वो लगाया था बट यहाँ पर मुझे इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है आपने फोर लिखा देन यहाँ पर सबसे पहले आप करोगे इनिशियलाइजेशन तो आपने इनिशियलाइज किया जीरो से देन आप टेस्ट कंडीशन दे रहे हो कि कब तक चलना है लेस देन तक चलना है देन आपने दिया है आई प्लस प्लस तो ये आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां पर जो मैं करना था इंक्रीमेंट वो आपने यहाँ मेन्शन कर दिया और ये आपका स्टेटमेंट बन गया और अब आप यहां पर लिख रहे हो इको और इको क्या आई के साथ ब्रेक इको करवा देना है तो डॉलर आई और उसके साथ ब्रेक को इको करवा दूंगा तो ये हो जाएगा ब्रेक इको इधर से और ये हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के के साथ Initialization के साथ इनिशियलाइजेशन और टेस्ट कंडीशन के साथ एक ही लाइन में एज अगर आप वाइल को देखो तो वाइल के अंदर आपके पास सिर्फ टेस्ट कंडीशन होती है इनिशियलाइजेशन आपको अलग से करना है और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो भी आपको अलग से करवाना होता है बट यहां पर हमने क्या किया इंक्रीमेंट लगा रखा है इनिशियलाइजेशन लगा रखा है मतलब सब कुछ फोर के सिंटेक्स में हो गया और अब मैं अगर इसको रन करूं तो आपको आउटपुट दिखेगा बड़ा है तब तक काउंटिंग चलाऊंगा और अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक इन्फिनाइट लूप में चला गया आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर ये लोड होता जा रहा है और आप जितना नीचे स्क्रॉल करोगे ये इनफेनाइट लूप में चला गया अब ऐसा क्यों हुआ ये होने का रीजन क्या है कि यहां पर आपने क्या किया है प्लस प्लस ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि कब ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका लूप इन्फेनाइट में जाएगा आपने शुरू किया कैसे टेन से, से शुरू किया था और आप क्या कर रहे हो प्लस प्लस तो टेन से 11, 11 से ट्वेल्व से देन कैरी ऑन चलता जाएगा और हमेशा जो कंडीशन है वो ट्रू ही होगी क्योंकि आई की वैल्यू जो हमेशा टेन जीरो uh, से बड़ी होगी अब टेन तो बड़ी है इलेवन भी बड़ी होगी ट्वेल्व भी बड़ी होगी थर्टीन भी बड़ी होगी तो इस कंडीशन में ये इन्फेनाइट चलेगा तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना इट वॉज अ लॉजिकल एरर ये लॉजिकल एरर कभी भी error के जिस आपको दिखाएगी नहीं कि क्या एरर है ये आपको खुद को समझना होगा तो हमको अभी क्या करना टू कर वन तो तक चलेगा और वन क्या हो गया वन के बाद जैसे जीरो आएगा डिक्रीमेंट होके okay, तो वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाहर निकल जाएगा और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग कंडीशन फॉल्स होने पर यह लिखवा देते हैं और यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ जैसे कंडीशन फॉल्स होगी इको और लूप एंड तो यहाँ पर लूप खत्म हो रहा है अब देखते हैं रिफ्रेश किया फिर से और एक बार मुझे ये रिफ्रेश हो गया टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और लूप एंड हो गया अब ये आपने समझ लिया कि यहां पर जो बॉडी के अंदर चीजें लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती जाती है जैसे अगर मैं यहाँ पर साथ में ऊपर डब्ल्यू एस क्यूब टैक भी एग्जीक्यूट कर तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक और इसको भी मैं साथ साथ में एग्जीक्यूट करवाऊ तो आप देखो गेड्लू एस क्यूबैक टेन डब्लू फोर थ्री टू वन तक चल गया तो ये भी बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर आपको एक एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो स्लैश स्लैश टी टी आप यूज कर सकते हो क्या करता है टैब का स्पेस दे देता है आपको तो देखते हैं आप देख सकते हो एक छोटा सा टैब का स्पेस आया और अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज नहीं करना है तो उसकी जगह मैं यहाँ पर स्लैश एन भी दे सकता हूँ इट मीनस टू क्रिएट अ न्यू लाइन तो ये क्या करेगा एक न्यू लाइन को क्रिएट कर देगा यहाँ पर सिंटेक्सो है क्योंकि हमने यहाँ नहीं लगाया था तो यहाँ पर तो गैस ये मेरा आउटपुट आ गया और इस तरीके से हमारा फोर लूप जो है वो वर्क करता है अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना करना है है मतलब क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या कर सकते हो जैसे डब्ल्यू एस टैक् मुझे नहीं लिखवाना सिर्फ काउंटिंग चलानी है तो आप ये करली ब्रैकेट्स को इग्नोर भी कर सकते हो करली ब्रैकेट्स को इग्नोर भी कर सकते हो मतलब जब आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है तो फोर का लूप लिखा और वो एक स्टेटमेंट लिख दिया बस आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा बट ये कब होगा जब आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो ये क्या है एक स्टेटमेंट जैसे सेमी कॉलन लगता है एक नया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाता है इस तरीके से आप इसको एक लाइन में भी लिख दोगे तो भी ये लूप वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मली चलता है बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल स्टेटमेंट करना है तो नहीं चलेगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट आपको कहां करने पड़ते हैं? में करने पड़ते पड़ते हैं हैं तो में में तो आप कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते बट फोर में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएचपी के अंदर आप डू वाइल्ड लूप को कैसे यूज करते हो तो गैस पिछले दो तो वीडियो में मैंने आपको वाइल्ड लूप और फोर लूप समझाया था तो कुछ इसी तरीके से हमारा डू वाइल लूप भी काम करता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लूप का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो कि लूप किस तरह काम करता है लूप क्यों यूज करते हैं हम लोग तो अब चलते हैं हम लोग डू वाइल पर तो गाइज डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें हम लोगों को बार बार इरिटेशन तो करवाना है मतलब हम लोग कोई काम को कोई टास्क को बार बार रिपीट तो करवा सकते हैं बट ये जो टास्क रिपीट करता है ये एग्जिट कंट्रोल रिपीट करता है एग्जिट कंट्रोल कंडीशन पर रिपीट करता है मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ

एक बार एग्जीक्यूशन जरूर करेगा तो मैं आपको वाइल और डू वाइल दोनों चलाकर दिखाऊंगा पहले मैं आपको डू का वगैरह दिखा देता हूँ फिर हम लोग समझेंगे तो तो so और फिर यहां पर लगाना होता है आपको वाइल तो कुछ इस तरीके से आपका डू वाइल का सिंटेक्स होता है और यहां पर आपकी होती है कंडीशन ये आप कंडीशन यहां पर लगा दोगे अब डू वाइल के अंदर आप देख सकते हो कि पहले अंदर आते टाइम कोई कंडीशन नहीं है एज मैं अगर आपको इसको ही कंपेयर करके दिखाऊं वाइल लूप के साथ जो लूप है वो कैसे वर्क करता है अगर वो कंपेरिजन हम लोग देखें तो वाइल ऐसे वर्क करता है ये का हो गया देन ब्रैकेट और यहां पर आपकी कंडीशन आ जाती है तो गाइज अब आप यहां से देख सकते हो एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है एग्जिट कंट्रोल बाहर जाते हुए कंट्रोल करता है ये है एंट्री कंट्रोल अंदर आते हुए कंट्रोल करता है और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप एग्जिट कंट्रोल लूप यूज करते हो तब लूप एक बार पहले चल जाता है फिर कंडीशन चेक करता है तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है डू लूप विल एग्जीक्यूट वंस हमेशा एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा हो ही होगा उसके बाद हो सकता है कि ना एग्जीक्यूट हो लेकिन एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा डिपेंड करता है उसके बाद एग्जीक्यूट होने के लिए कि, कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले हम लोग एक बार वाइल का एक एक्साम्पल लेते हैं तो वाइल मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है

और जैसे ही आई की वैल्यू टेन से बड़ी हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा और लूप बंद हो जाएगा और यहाँ पर मैं करवा देता हूँ इको डॉलर आई तो डॉलर आई को हम यहाँ इको कर देते हैं और कॉन्टिनेट करके ब्रेक करवा देता हूँ ताकि आपको दिखे कि ये ब्रेक स्टेटमेंट के साथ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है अब आप देख रहे हो कि ये क्या करेगा एग्जीक्यूशन चलेगा इसका और एग्जीक्यूशन चलते चलते ये यहाँ प्रिंटिंग करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम लोग जैप सर्वर मैंने स्टार्ट कर रखा है लोकल होस्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है आप तो देख सकते यह तो हो ये तो पर एक और चीज लगानी पड़ेगी डॉलर आई प्लस प्लस ताकि जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट तो हो वरना हमेशा आई की वैल्यू छोटी रहेगी और छोटी रहेगी तो लूप हमारा कहा चला जाएगा इन्फिनाइट चला जाएगा तो अब लूप इन्फिनाइट ना जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे हमने आई प्लस प्लस लगा दिया अब मैं करता हूँ यहाँ से लोकल होस्ट और हमारे प्रोजेक्ट का नाम और आप देख सकते हो ये मेरे पास काउंटिंग आ चुकी तो है।, है।, तो तो है तो मैं एक और दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ जे इज इक्व टू वन और डू वाइल कैसे चलता है ये समझना आपको तो डू देन करली ब्रैकेट्स और लास्ट में वाइल तो डू वाइल और आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब तक आई की वैल्यू टेन से छोटी है तब तक और इसके अंदर सेम यही चीज एग्जीक्यूट करवा देते हैं हम लोग तो सेम यही के यह मैं पूरा एग्जीक्यूट करवा दूंगा और आप देखोगे की आउटपुट में दोनों के कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा मैं यहाँ पर आपको इको चलाकर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर इको में हम लोग को एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम दोनों का डिफरेंस समझ सके ऊपर वाला जो होगा वाइल होगा नीचे वाला डू होगा डू वाइल होगा यहाँ रिफ्रेश और आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कर रहा है टेन आ गया सीधा तो हम लोगों ने यहाँ पर आई लिख रखा इसलिए टेन आ रहा है इसको भी चेंज कर लेता हूं एक बार तो ये जे होगा तो जे से ये प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर जे कंसिडर कर रहे हैं तो ये जे हो गया और आप देख सकते हो ये आपका वन टू थ्री फोर इस तरीके से चल रहा है मैं यहाँ भी एक ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए और ये देख रहे हो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये नाइन पूरा नाइन तक चल रहा है दोनों लूप्स नाइन तक चल रहा है अब समझना है कि डिफरेंस क्या है तो क्या अभी आपने देखा कि कब तक चल रहा है जब तक आई की वैल्यू किससे छोटी हो टेन uh, से छोटी हो ठीक है तो मैंने आई की वैल्यू टेन से छोटी छोटी हटाकर से कर दी अब की वैल्यू वन है और हम लोग बाद में इसको इंक्रीमेंट ही करवाने वाले हैं तो आई की वैल्यू वन से छोटी जब तक हो तब तक चलना है तो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप नहीं चल पाएगा देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है ये आप देख रहे हो लूप नहीं चल पाया कुछ भी नहीं आया ऊपर लूप बिल्कुल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और ये वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ अब अगर मैं डू में भी सेम ऐसे तरीके की कंडीशन दे दू जैसे मैंने जे दिया और मैं बोलू की जे जब तक वन से छोटा हो तब तक चलना है और जे की वैल्यू प्रिंट करके प्लस प्लस करना है तब तो आपने देखा यहां तो क्या कर रहा था एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था बट यहां पर क्या करेगा एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा बाहर निकलते हुए कंडीशन फॉल्स हो गई फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं किया बट एग्जीक्यूट तो एक बार करेगा ही करेगा ये डू वाइल लूप में आपको अच्छे से समझना होता है While loop क्या करता है? है। मतलब निकलते निकलते उसने चेक किया, अब निकल चेक किया किया अब तो तो पता चला कि तो सी, बट एक बार हो चुका था और उसकी वजह से ये one आपको दिखाई दे रहा इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोरच लूप के बारे में तो गाइस इस फोरिच लूप पीएचपी में कैसे यूज किया जाता है किस रीजन की वजह से यूज किया जाता है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको

बट वहां पर आपको जो लॉजिक लगाना था वो लॉजिक फोर इच में अपने आप अप लगा हुआ रहता है और फोर इच मोस्टली यूज किया जाता है एरे से डेटा रिट्राइव करने के लिए एरे आपको पता है एरे क्या करता है मल्टीपल डेटा स्टोर करता है उसमें से एक एक डेटा मुझे करना है है एक एक रो करनी तो हम लोग फोर इच की मदद से कर सकते हैं तो मैंने एक फाइल बना रखी है इस फाइल में मैं यहाँ पीएचपी का ब्लॉक बना देता हूँ और ये पीएचपी का ब्लॉक हो गया यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगा सबसे पहले क्योंकि मैंने कहा कि एरे होगा तो यहाँ पर एक ए नाम से एरे बना दिया अब इस एरे में मैं क्या करने वाला इस एरे में मैं की और वैल्यू का पेयर देने वाला हूँ तो की और वैल्यू का पेयर जैसे मैं सपोज बात करता हूँ यहाँ एच की तो एच मैं यहाँ क्या करूंगा कोर्स और एक रैंडम फीस लिख देता हूँ तो एच और सपोज मैंने लिख दिया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी और सी एस एस की एक रैंडम फीस लिख देता हूं मैं एच टी एम एल सी एस एस हो गया रैंडम फीस लिख रहा हूँ मैं जस्ट और हमारे पास जैसे जे है तो मैं जे की एक फीस लिख देता हूँ तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ एक कोर्स और उसकी फीस के बारे में लिख रहा हूँ फिर यहाँ पर सपोज मैंने थ्री थाउजेंड लिख दिया और हम लोग यहाँ पर एक आधे कोर्स की और बात कर लेते हैं तो पीएचपी हो गया पीएचपी की हम बात कर रहे हैं तो पीएचपी के अंदर हमने सपोज फोर थाउजेंड लगाया यहाँ पर अब ये क्या हो गया की वैल्यू का पेयर हो गया और अगर मुझे इसको देखना है तो मैं किस तरह देख सकता हूँ यहाँ पर मैं लगाऊंगा इको इको के अंदर प्री और प्री से हम लोग इसको देख सकते हैं तो इको प्री और फिर प्रिंट आर

और अब आप देख सकते हो कि ये जो एरे मैंने बनाया था वो मेरे पास आ चुका है अब इस तरीके से से है। अब मुझे क्या करना है मेरे यूजर को कुछ इस तरीके से दिखाना है इस तरीके के स्टेटमेंट लिखना है और डेटा कहा से निकालना है इधर से एरे से निकालना है अब ये क्योंकि एक लूप है और लूप का, का काम क्या होता है सिमिलर टास्क को बार बार करवाना डेटा चेंज करते हुए तो हम लोग क्या करेंगे इस लूप का यूज करेंगे और यहां से डेटा निकाल के जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो लेके आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा देता हूँ तो फोर इच का सिंटेक्स कैसा होता है थोड़ा सा फोर का आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड uh, लग सकता है बट अगर आप अच्छे से इस चीज पर ध्यान दोगे तब आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा फोर इच में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है फोर इच क्या करता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है उस एरे का नाम जहां से डेटा निकालना है क्लियर फिर आप लिखते हो एस ए एस एक फिर आप लिखते हो की डॉलर की ये जो डॉलर की है वो जरूरी नहीं है कि आप डॉलर की लिखो डॉलर के लिख दो लेकिन ये जो पोजीशन है उस पोजीशन के इंपॉर्टेंस है इस पोजीशन पे आप जो भी वेरिएबल रखोगे वो इनको लेके आएगा इसको लेके आएगा इन कीज को लेके आएगा और फिर आप यहां पर एरो ऑपरेटर लगाकर डॉलर वैल्यू रखोगे वो क्या करेगा इन वैल्यूज को लेके आएगा तो आप देख रहे हो इससे आपको रिलेट करना है इससे आपको रिलेट करना हमने क्या किया एरे एज एरे एरे इस में से डेटा निकालना है एज एज दिस इस पेयर के अकॉर्डिंग डेटा निकालना है और फिर आप यहां पर लूप चला दोगे और इसके अंदर आपके जो भी एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है आप कर सकते हो अब फोर फोरिज का लूप क्या करता है ईच आप इसको समझो ईच मतलब जितने हैं उतनी बार तो जितने हैं उतनी बार फोर फोरिज का लूप चलता है आपको कोई कंडीशन नहीं देनी होती कि यहां तक चलना है वहां तक चलना है डेटा अपने आप ये काउंट कर लेता है और अपने आप लूप चल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज करके तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन फोर इच और फोर इच के अंदर सबसे पहले वो वाला वेरिएबल तो वेरिएबल का नाम क्या मेरा ARR। तो ये वाला एरे हो गया देन की तो कौन सी की ये वाली की तो की जगह पर मेरी कीज जो है वो क्या है है कोर्स का नाम है। तो मैं यहां पर लिख देता हूँ की को हटाकर कोर्स जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कुछ भी लिख सकते हो ये क्या एक वेरिएबल है इस पोजिशन पे इस वेरिएबल को ये वाला डेटा दे, दे देगा जस्ट और वैल्यू की जगह आप फीस लिख सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा फीस ये हो गया क्लियर आपको अब हमको क्या करना है हमको वो स्ट्रिंग डिजायर्ड स्ट्रिंग जो थी वो लगानी तो इको इको में आप क्या करना चाहते हो द दीज ऑफ पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखा देन आप क्या करोगे यहां पर कॉन्कैटिनेशन की नीड है जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ कॉन्कैटिनेट करवा के कोर्स लिख सकते हो बट क्योंकि हम लोग डबल कोट में यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो डबल कोट में पीएचपी के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो अब आप देखोगे द फीस ऑफ डॉलर कोर्स इज ये स्ट्रिंग नहीं जाएगी इज फीस तो ये क्या किया मैंने द फीस ऑफ डॉलर कोर्स तो अभी जो कोर्स चल रहा होगा एच टी एम एल उसकी फीस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्रिंट हो जाएगी देन सी एस एस उसकी फीस प्रिंट हो जाएगी देन एच उसकी फीस प्रिंट हो जाएगी और इस तरीके से फीस प्रिंट होती जाएगी और मैं यहाँ पर न्यू लाइन पर इसको ले आऊंगा एक बार दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग ये एरर दे रहा है वेरिएबल की क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग वेरिएबल रखा हुआ था अब चेंज कर देते हैं आप देख सकते हो इस तरीके से दे हटा देता हूँ और, और, तो तो और आप देखोगे फीस ऑफ एच टी एम एल इज ट्वेंटी इस तरीके से ये डेटा आ गया अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी अगर मुझे कभी डॉलर कोर्स लिखना पड़ गया स्ट्रिंग में तब कैसे लिखूं तब आपको सिंगल कोट्स की मदद लेनी है सिंगल कोट्स में Variable as it is execute नहीं होते, वो पूरा के पूरा के जाता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर आप, रुपीज में लिखना हो, तो आप रुपीज में लिख दो तो डॉलर तो ट्वेंटी इस तरीके से और आप रुपीज लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आर एस लगा दो तो ये हमारे पास आ गया फीस ऑफ एस टी एम एल इज ट्वेंटीड तो ये कैसे वर्क रहा है हमने डेटा कैसे स्टोर किया था एरे के फॉर्मेट में और हमने डेटा निकाला किसके तरीके से एज ए स्ट्रिंग तो हमारे यूजर को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे डेटा निकाल सकते हैं अब मुझे कुछ और ऐड करना है सपोज मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देता हूँ लारा वेल तो यहाँ से और इसकी फीस मैं लगा देता हूँ पर तो ये मैंने फीस लगा दी यहाँ पर और अब हम लोग देखेंगे तो ये लारावेल जो है यहाँ भी जुड़ गया प्लस यहाँ भी जुड़ गया तो इस तरीके से ये वर्क करता है इस तरीके से हमारा काम करता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में तो क्या इस पी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कैसे वर्क करता है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात कर ले तो ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नाम से आपको पता चलेगा जैसे आप नाम इसका देखोगे तो आपको नाम से ही पता चलेगा ब्रेक इट मीन्स टू ब्रेक समथिंग तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है जब भी आप इसको लिखते हो जहां भी ये एग्जीक्यूट होता है जैसे ही एग्जीक्यूट होता है उस करंट साइकिल को ब्रेक कर देता है को या फिर आप कहो तो, तो लूप तो को ब्रेक कर देता है ब्रेक करना मतलब उसी जगह से तोड़ देता है लूप से सीधा बाहर निकल जाता है तो ये किस लिए यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है जब भी आप प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना चाहते हो रन टाइम पर आपने रन टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन लगाई है कि कोई ऐसी और कोई कंडीशन ऐसी हो जो ट्रू हो जाए तो वो लूप ब्रेक होकर सीधा बाहर चाहिए तोड़ देता है अब इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा ब्रेक लिखा सेमी कॉलर लगाया दैट इट और ये साथ ही साथ एक कीवर्ड भी है तो कीवर्ड वर्ड इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनाना है फिर तो डॉलर ब्रेक नाम से आप वेरिएबल नहीं बनाओगे तो ये हमारी बात हो गई यहां तक ब्रेक के बारे में अब ब्रेक का थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से वर्क करता है तो आप देख सकते हो ये यह यहाँ पर लूप चल रहा था वाइल का और जैसे ब्रेक एनकाउंटर हुआ सीधा के सीधा कहाँ बाहर आ जाएगा वाइल uh, से बाहर आ जाएगा फोर के अंदर चलेगा तो फोर से बाहर आ जाएगा और अगर डू uh, वाइल में चलेगा तो डू वाइल से बाहर आ जाएगा तो एग्जीक्यूट कब होता है ऐसे नॉर्मली हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं करते उसकी uh, किसकी ब्रेक uh, की हम लोग कब एग्जीक्यूट करते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ देख रहे हो कंडीशन टू ब्रेक कौन सी कंडीशन ऐसी हो जब इसको ब्रेक करना है वो हमको बताना पड़ता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हो ये मेरा एक वाइल का लूप चल रहा है इस वाइल के लूप का हम लोग आउटपुट देखते हैं तो ये आउटपुट है वाइल के लूप का अब मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूँ वन टू थ्री फोर तक चले लूप जैसे ही फाइव आए आगे कुछ भी ना चले मतलब लूप को मैंने डिजाइन uh, इसीलिए किया है लूप की मैंने प्रोग्रामिंग इसी अकॉर्डिंग की है कि टेन तक चलना है बट मैंने इसको एक कंडीशन दे दी कि जैसे ही फाइव आ जाए फाइव को प्रिंट ही नहीं करना है सीधा बाहर चले जाना है लूप से सीधा बाहर चले जाना है मतलब देखिए मैं आपको यहां पर एक बार, इक बार इको करवा कर दिखाता हूं तो इको और इधर मैं लिख देता हूं लूप एंड्स, तो ये लूप एंड्स. तो अभी आप देखोगे तो लूप कहा एंड हो रहा है आ, नाइन के बाद नाइन होता है उसके बाद लूप पूरा चलता है फिर एंड होता है बट मैंने इधर सिचुएशन दे दी इफ इफ मैं मैंने बोला कि अगर आई की वैल्यू जो है डॉलर आई जो है वो टू टू इक्व हो जाता है यानी जब तक लूप चल रहा है ठीक है वन से शुरू हुआ टू थ्री फोर फोर तक चला अब जैसे ही लूप की वैल्यू फाइव बनेगी यानी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है इधर तो जैसे ही फाइव बनेगी इनकाउंटर किसको करना है ब्रेक को तो ब्रेक यहां पर आएगा और जैसे ही ब्रेक आएगा ये क्या करेगा फ्लो को इधर से सीधा बाहर लाके लूप एंड करवा देगा तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा अभी आप देखना ये क्या है हमारे पास यहाँ पर फाइव आ रहा है सिक्स भी आ रहा है सेवन भी आ रहा है नाइन तक आ रहा है और अब जैसे रिफरेंस किया फोर पर आकर लूप जो है वो हट चुका है लूप हटने का रीजन क्या है क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला था कि जैसे ही फाइव आए हमको क्या करना है लूप को ब्रेक कर देना है बाहर आ जाना ये तो हो गई एक सिचुएशन और कोई सिचुएशन रखते हैं हम लोग जैसे और क्या सिचुएशन रखना है कि वन से टेंथ तक आ, मैं सपोज लूप चला रहा हूँ इसमें मैं एडिशन भी करवाऊंगा साथ साथ में अभी मैं आपको एडिशन भी करवा कर दिखाऊंगा कर तो मैं क्या करूंगा एक और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे हम लोग आ, तो मैं सपोज यहाँ पर चाहता हूँ कि आ, जब भी मेरा ये जो आई की वैल्यू है उनको ऐड करते जाओ करते जाओ और ऐड करते करते आई की वैल्यू अगर टेन से बड़ी हो जाती है तो आई की वैल्यू ऐड करना मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से वो ऐड होने वाली वैल्यू लुप एनकाउंटर तो मतलब लूप जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए बाहर आ जाना चाहिए तो मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ तो इसका नाम रख दिया इनिशियलाइज कर दिया जीरो से ये हो गया समीरो अब मैं क्या करूंगा यहां पर लूप चल रहा है और लूप चलने के दौरान मैं इधर क्या करने वाला हूं सम के अंदर स्टोर कराऊंगा तो मैं शॉर्ट एंड प्रोपर्टी यूज करूंगा डॉलर सम प्लस इक्वल्स टू डॉलर आई तो ये कैसे वर्क करेगा समझा दे तो आपको डॉलर सम यानी सम की जो पुरानी वैल्यू है उसमें जैसे सम की वैल्यू इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से एवेल्यूट किया जाता है ये तो अगर सम की वैल्यू जीरो है तो जीरो इधर से ऐसे चलेगा सम इज इक्वल्स टू जीरो फिर प्लस आई की वैल्यू क्या, तो क्या, तो 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 क्या, तो क्या है तो ये क्या बन जाएगा तो इस तरीके से हमारा सम जो है वो खुद ही में प्लस होता जाएगा तो प्लस इक्वल टू तो आई कुछ इस तरीके से शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी वर्क करती है और फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे दूंगा कि जब भी सम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन टेन हो जाए ग्रेटर देन टेन हो जाए तो आपको क्या करना है लूप को ब्रेक कर देना है ग्रेटर देन होते ही लूप को क्या करना है ब्रेक कर देना और ब्रेक करने के बाद लास्ट में यहाँ पर इको सम सम देता हूं। तो की क्या वैल्यू बनी थी वो भी मुझे पता चल जाए तो देखते हैं कैसे वर्क करेगा ये रिफ्रेश और आप देख सकते हो तो सम की वैल्यू कितनी हो गई थी फिफ्टीन हो गई थी इसलिए उसको ब्रेक करवाना पड़ा सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी फिफ्टीन हो चुकी थी जो फिफ्टीन क्या होता है टेन से बड़ा होता है तो इसीलिए उसको ब्रेक करवाना पड़ा तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर मतलब जब चार तक चलेगा तब तक टेन से छोटा रहेगा और चार से बढ़ते ही वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो और दो लाइन कर देता हूँ और यहाँ पर भी ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये जो सम है वो क्या है और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है तो सम में लिख देता हूँ इधर और क्योंकि हम लोगों ने सिंगल कोट नहीं यूज किया तो हम लोग इसके अंदर हमारा वेरिएबल भी लिख सकते हैं तो ये हो गया सम तब आप देखोगे सम कितना हो गया फिफ्टीन कब होता है सम फिफ्टी अगर फाइव आता तो सम फिफ्टीन हो गया था फाइव आने के प्लेस पर जब फाइव आया था तो सम कितना हो गया था 15. तो इस वजह से हमको लूप ब्रेक करना पड़ा और फिर हम प्रिंट नहीं कर पाए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये लॉजिक काम करता है कि जैसे ही टेन से ऊपर चला गया हमने क्या कर दिया इसको ब्रेक कर दिया आप इसको फोर इंच लूप में भी यूज कर सकते हो फोर इंच लूप के अंदर भी आप एक कंडीशन देकर ब्रेक करवा सकते हो और वाइल लूप में जैसे मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग भी आप वर्क कर सकते हो

तो मैं आपको कंटिन्यू के बारे में बता देता हूँ कंटिन्यू क्या करता है जब भी आपका कोई इरिट्रेशन चल रहा है इरिट्रेशन यानी कोई लूप चल रहा है आपका उस लूप के दौरान ऐसी कोई कंडीशन आई जब आप चाहते हो कि यह कंडीशन आए तो लूप स्किप कर दे मतलब लूप क्या करे आगे का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट uh, ना करे वापस पीछे चला जाए तो उस केस में आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो तो गाइस ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को मैं आपको साथ में समझा देता हूं एक बार तो ब्रेक क्या करता है ब्रेक मींस टू ब्रेक इट तोड़ देता है उस चीज को और कंटिन्यू मींस कि उस जगह पर uh, से आगे का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक कर फिर पीछे जाके कंटिन्यू करना तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है और कंटिन्यू लिखने का तरीका यही है कंटिन्यू एंड कॉलन और ये भी एक तरह से कीवर्ड है तो आपको कीवर्ड इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसको वेरिएबल नहीं बनाना एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करना है देन uh, हम लोग समझ लेते हैं कि वर्किंग क्या है हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट की तो अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप देख सकते हो यहां पर एक टेस्ट कंडीशन है उस टेस्ट कंडीशन पर जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ है ये वापस पीछे लूप में चला गया आगे का जो कोड था उसको रीड नहीं किया सेम एज इट इज पर भी हो रहा है है ये क्या करता है? नीचे लूप में आ जाता है फोर लूप में अगर बात करें तो फोर लूप में भी पीछे की तरफ लूप में चला जाए यानी लूप को वापस से पीछे से शुरू कर देता है क्या शुरू कर देता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वेयर इज ब्रेक ब्रेक क्या करता था तोड़कर सीधा बाहर लेके आ जाता था तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे हम लोग अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे एक फोर का लूप चल रहा है तो जो जीरो से nine तक की काउंटिंग करता है और दिखाता हूं आपको किस तरीके से उसको काउंट नहीं करवाना चाहता तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ यहाँ पर जब काउंटिंग प्रिंट हो रही है उससे जस्ट ऊपर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ और जब भी डॉलर आई इक्वल टू इक्व टू फाइव हो जाए काउंटिंग होते होते डॉलर आई इक्व टू फाइव वा हो जाए अगर

Uh, suppose मैं चाहता हूँ कि जीरो से टेन के बीच में जितने भी हैं, जितने नंबर क्या है हैं, वही प्रिंट हो। तो का क्या कहता है तो इक्वस टू इक्व टू जो आएगा वो क्या होगा हमारे हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ ऑड नंबर तो हम इवन नंबर्स को स्किप करेंगे ऑड नंबर प्रिंट करना है और स्किप किसको करना है इवन नंबर को तो जैसे ही आई की वैल्यू टू से डिवाइड होगी आई की वैल्यू टू से डिवाइड होना है, आया, तो से हो तो क्या है? Two है इस तरीके से हम लोग ऑड नंबर्स लाने के लिए को करते जा रहे हैं और इस तरीके से हमारा इवन सारे के सारे स्किप हो जाएंगे और सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये कहां तक है वन से टेन के बीच में आप इससे भी ज्यादा अगर चाहते हो तो हंड्रेड तक भी प्रिंट करवा सकते हो तो यहाँ से ये वन से हंड्रेड तक के सारे के सारे ऑड नंबर आ चुके हैं हम थोड़ा सा छोटे रख लेते हैं ताकि मुझे स्क्रीन पर पूरा पूरा एक साथ विजिबल हो जाए तो आप देख सकते हो फिफ्टी तक के जितने भी ऑड नंबर है, है अब आपको इवन चाहिए तो इवन चाहिए तो सिंपली क्या करो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लगा दो तो जब आई को मॉड किया जाए टू से तब अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो उसको है स्किप कर देना मतलब तो फाइव को जब टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू टू या फोर वन विल बी द रिमाइंडर और जैसे ही वन रिमाइंडर आ रहा है इट मीन इट इज नॉट टू इक्वीरो और नॉट इक्व टू जीरो के सारे इवन आ गए आपके यहाँ तक पूरे के पूरे आपके इवन नंबर आ चुके हैं मैं थोड़े से यहाँ पर छोटे लिख देता हूँ तो ये मेरे पास इवन नंबर है ट्वेंटी से ट्वेंटी तक के हम लोग इवन नंबर ले लेते हैं अब मैं आपको इसके अंदर एक और लॉजिक बताता हूँ कि मुझे सपोज ये इवन नंबर काउंट करना है सारे के सारे इवन नंबर्स काउंट करना है तो ये काउंट आप किस तरह कर सकते हो तो ये जो आपका आई था ये यहां पर काउंटिंग चल रही थी और यहां पर क्या हो रहा था एस्केप हो रहा था आप एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाओ इधर तो ये हो जाएगा काउंट और इसको पहले से क्या रखो जीरो रखो काउंट इज इक्वल्स टू जीरो अब जब आपका ये लूप आगे चलता है तभी आप काउंट को प्लस प्लस करवा दो काउंट को क्या करो प्लस प्लस करवा दो यानी काउंट एक बढ़ जाएगा अब यहाँ जीरो से शुरुआत होगी पहले और इधर पहली बार चला लूप अगर नंबर जो है वो अभी हम इवन की बात करें तो अगर इवन नंबर था तो काउंट क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा अगर नहीं था तो ये पीछे चला जाएगा तो आई के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि आई तो काउंटर चल ही रहा है बट ये आपने अपना काउंटर बनाया ये काउंट क्या करेगा ये नंबर ऑफ इवन डिजिट काउंट करेगा जीरो से ट्वेंटी के बीच में इवन डिजिट कितनी है उनको काउंट करेगा और लास्ट में मैं यहाँ पर ईको करवाकर इसको यूज कर लूंगा तो इको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर इसको यूज करना है तो ब्रेक टैग और ब्रेक टैग के बाद इधर लगा देता हूँ मैं इको और फिर काउंट जो है हमारा वो कितना होगा तो काउंट वेरिएबल को यहां पर काउंट करवा देंगे अब ये यह वेरिएबल यहाँ काउंट हो जाएगा और यहाँ पर फैच हो जाएगा अब आप देख रहे हो काउंट कब का एग्जीक्यूट हो रहा है ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा कि ये आपका काउंट जो है वो ऑड नंबर को भी काउंट कर ले ऐसा कभी नहीं होगा ये हमेशा क्या करेगा इवन नंबर्स को ही काउंट करेगा अब आप देख रहे हो जीरो से ट्वेंटी के बीच में वैसे तो कितने नंबर्स होंगे ट्वेंटी होंगे बट इसने काउंट कितना किया इलेवन तो इलेवन क्या है ये सारे के सारे इलेवन हमारे ईवन नंबर है अगर ऑड नंबर को काउंट करना है तो ऑर्ड नंबर भी वेरिएबल सेम रहेगा कंडीशन जस्ट चेंज कर देनी है तो ये ऑर्ड नंबर टेन आपके इवन नंबर्स है 11 और 10, 21 आपको क्लियर हो गया कि 0 से 20 के बीच में 21 नंबर्स थे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस पीएचपी के अंदर कैसे वर्क करता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विच केस क्या होता है देन स्विच केस का हम लोग सिंटेक्स देखेंगे देन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि स्विच केस क्या है और कैसे यूज किया जाता है तो भाई सबसे पहले बात करें कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या है तो स्विच केस का जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि स्विच स्विच का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों के अंदर स्विच uh, करवाता जाना जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल स्विच है वो क्या करता है दो चीजों के अंदर स्विच करता है ऑन और ऑफ ऑन और ऑफ इस तरीके से ये क्या है इलेक्ट्रिकल स्विच है वो स्विच कर रहा है तो स्विच केस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है स्विच केस में आप अलग अलग केसेस से स्विच करवा सकते हो सपोज आप यूजर से कोई नंबर ले रहे हो और आप यूजर से वो नंबर लेके चेक करते हो कि वो वन टू थ्री फोर फाइव में से क्या है तो वो स्विच केस से वर्क कर सकता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह ये वर्क करता है और कहीं स्विच केस जो होता है वो क्या करता है नेस्टेड इफेल्सिव के जैसे काम करता है तो आपने अगर नेस्टेड इफेल्सिव से कभी कोई टास्क परफॉर्म किया हो या yeah, सपोज हम लोगों ने कोई कैलकुलेटर बनाना तो कैलकुलेटर में हम लोग जो लगाते हैं ने अगर प्लस आया तो क्या करना है? से चल रहा है अगर ये नहीं तो ये ये नहीं तो ये तो स्विच केस में भी तो कुछ ऐसा ही होता है सबसे पहले हम लोग अगर इलेक्ट्रिक स्विच की वापस बात करें तो स्विच इलेक्ट्रिक स्विच में क्या होता है अगर ऑन नहीं तो ऑफ और ऑफ नहीं तो ऑन तो इलेक्ट्रिक स्विच के जैसे भी स्विच केस में आप क्या कर सकते हो अगर प्लस नहीं तो माइनस आया होगा माइनस नहीं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड आया होगा इस तरीके से हमारा स्विच केस वर्क करता है तो यहाँ पर आप पर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हो अच्छे से तो सबसे पहले स्विच केस चलेगा केस अगर ट्रू हो जाता है तो ये क्या करेगा ब्रेक करके सीधा बाहर आ जाएगा मतलब बाकी आगे के जो केसेस हैं उनको इग्नोर कर देगा अगर केस टू ट्रू होता है तो ये ब्रेक कर देता है उधर ही और सीधा बाहर आ जाता है इस तरीके से जो केस ट्रू होता है वहीं पर चीज ब्रेक हो जाती है वहीं पर स्विच जो है वो ब्रेक हो जाता है और बाहर आ जाता है सबसे लास्ट वाला अगर ट्रू होता है तो सबसे लास्ट वाले पे बाहर आता है और अगर कोई भी ट्रू नहीं होता है, तो इसमें डिफॉल्ट का भी एक आपके पास फीचर है कि डिफॉल्ट में आप कुछ रख सकते हो अगर कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में कुछ ट्रू हो सकता है तो उसके लिए भी आप इसको हैंडल कर सकते हो तो मैं दिखाता हूं आपको ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एक वैल्यू ले रहे हैं यूजर से और उसको स्विच कर रहे हैं अब स्विच में क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले यूजर से वैल्यू लेकर देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो जीरो है क्या तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक वैल्यू ली यूजर से और स्विच केस इज केस जीरो सिर्फ लिखोगे तो ये कंपेयर कैसे करेगा उस वैल्यू को टू टू से कंपेयर करता है मतलब आपको टू टू लगाने की नीड नहीं है वो अपने आप टू टू से कंपेयर कर लेता है अगर एक्स की वैल्यू इक्व टू वैल्यू टू हो तो ये क्या करेगा आई को वन से कंपेयर कर देगा आई को टू से कंपेयर कर देगा और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो बीच में ब्रेक का मतलब क्या होता है जहां पर एग्जीक्यूशन चल रहा है उधर से उसको ब्रेक कर देना और अगले स्टेटमेंट पे चला जाना तो स्विच पूरा एक स्टेटमेंट है जैसे ही ब्रेक वहां पर एग्जीक्यूट होगा स्विच के बाद जो भी चीजें लिखी होगी वहां चला जाएगा और अगर कुछ भी ना हो इनमें से तो आप ब्रेक को भी यूज कर सकते हो तो इस तरीके से हमारा स्विच वर्क करता है अभी आपको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ और इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर एक पीएचपी की फाइल हम लोग बना रहे हैं ये पीएचपी का ब्लॉक हो गया अब मैं क्या कर रहा हूँ यूजर से सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया आई और यूजर ने उसका नंबर डाला फाइव अब मैं स्विच करवाना चाहता हूँ सबसे पहले मैं दो ही स्विचेस करवाऊंगा फिर मैं आपको और स्विच दिखाऊंगा तो सबसे पहले ये स्विच का हम लोग के पास हो गया स्विच देन यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में में वो आ, पर में वो पर वेरिएबल जिसको स्विच करना है तो आई को स्विच करना मतलब तो की चेकिंग करवानी है सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ इधर फाइव लगा रहा हूँ कि आई की वैल्यू जो है वो फाइव है कि नहीं अगर फाइव होती है तो यहाँ पर मैं करवा सकता हूँ जो भी कोड लिखवाना है जितना भी लिखना है आप लिख सकते हो तो इको और अपन लिख देते हैं यहाँ पर आई इज फाइव या वेरिएबल आई इज फाइव

वेरिएबल इज नॉट फाइव आप ये भी लिख सकते हो वेरिएबल आई इज नॉट फाइव तो अभी मैंने दो ही केसेस चेक किए हैं अब हम लोग और भी केसेस चेक करेंगे तो यहां पर मैं वेरिएबल को नहीं रखता हूं। तो आप देख सकते हो वेरिएबल आई इज नॉट फाइव तो ये दो केसेस चेक हुआ है। पहला केस दूसरा केस अब मैं और मल्टीपल केसेस लगाना चाहता हूं तो मैं एक और केस लगाता हूं सपोज आई फाइव ना हो तो केस सिक्स uh, लगा देता हूँ तो अगर आई फाइव ना हो तो सिक्स हो क्या पता तो इको e और यहाँ लगा देते हैं वेरिएबल वेरिएबल ओके अगर होगा तो ये चल जाएगा और फिर आपको याद से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक जरूर लगाना है ताकि स्विच को पता चले कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई है ये वाला केस ट्रू हुआ यहां से ब्रेक करके बाहर चला जाना है तो ये कंडीशन के जैसे काम कर रहा है अगर इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताऊं तो ये कैसे वर्क करेगा तो इफ पहले चेक होगा यहाँ पर क्या करेगा पहले चेक करेगा इफ जो आई है डॉलर आई है वो इकोर्ष टु इकोर्ष टु सबसे पहले केस की बात करूं तो तो उसके अकॉर्डिंग केस चलेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो क्या होगा। तो आप देख रहे जो इफ काम करता है ना वो इफ की जगह यहाँ पर कौन काम कर रहा है ये वाला ब्लॉक काम कर रहा है और ये आपने यहाँ पर स्टेटमेंट चला देना ओके ये हो गया मेरे पास एक और अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू करवा देता हूँ सिक्स ये वैल्यू सिक्स

ज्यादा रिलेटेबल लगे इसलिए हम लोग डॉलर आई को एज बना दें। तो डॉलर एज हो गया ठीक है अब मुझे क्या चाहिए जो भी बंदा हो उसकी एज कितनी हो 18 से बड़ी हो ठीक है तो 18 से बड़ी हो तो यहाँ पर मैं करवा दूंगा एक पैरेन्थेसिस और इसके अंदर लगाएंगे हम लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो डॉलर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स तो टू 18 तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स तो टू 18 है तो और क्या होनी चाहिए

तो यहां भी ट्रू फॉल्स का लॉजिक चलता है अब यहां पर अगर ट्रू आएगा तो इस केस के आगे अगर देखो ये जब एग्जीक्यूट होगा जब होगा तो, क्या? ट्रू देगा? तो, अगर ट्रू आएगा, तो केस और यहां पर ट्रू और यहां ट्रू होते यह अंदर का चल जाएगा, वरना चल जाएगा, नो यू नॉट वोट तो इधर लगा देते हैं नो यू नॉट वोट तो हो जाएगा वोटिंग के लिए हमारा नो यू नॉट वोट और अब इसको रिफ्रेश करता हूं यू कैन वोट बिकॉज 18 से 18 की एज हो गई ठीक है तो हम लोग इसको एज को सिक्सटी सेवन कर देते हैं बड़ी एज हो जाएगी नो यू कैन नॉट वोट बता रहे अगर हम लोग और छोटी बड़े होने से ये दूसरे वाले को डिफॉल्ट वाले को चला रहा है ओके यहाँ तक क्लियर हो गया अब सपोज मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक और केस हो जिसमें हम लोग यूजर को क्या बोले अगर वो बंदा सत्रह साल का है वो बंदा सत्रह साल का यानी

और केस की यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाली वैलिडिटी देन कॉलन कॉलन के बाद यहाँ पर इको और बोल देंगे यूजर को प्लीज वेट वन मोर ईयर तो प्लीज वेट वन मोर ईयर तो ये यूजर को बता दिया कि एक साल आपको और रुकना है और देन यहाँ से ब्रेक करवा दिया अब ब्रेक करवाया तभी ये यह यहाँ से बाहर जाएगा अगर ब्रेक नहीं करवाओगे तो बाहर नहीं जा पाएगा देखते हैं तो ये बोल रहा है प्लीज वेट वन मोर ईयर तो ये एक और केस एग्जीक्यूट हो गया अब ब्रेक हटा देता हूं मैं और रिफ्रेश तो आप देख रहे हो प्लीज वेट वन मोर ईयर भी चल रहा है नो यू कैन नॉट वोट भी चल रहा है

डिफॉल्ट है वो खुद में खुद नहीं रुकेगा उसके लिए आपको ब्रेक करवाना ही पड़ेगा तो ये हो तब हम लोगों को उनको कुछ बोलना है तो एज इज ग्रेटर अगर एज 65 से बड़ी हो जाती है तो अपन क्या बोल सकते हैं यू आर टू ओल्ड टू वोट तो यू आर टू ओल्ड टू वोट यहाँ पर लगा दिया मैंने तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ अगर 65 से बड़ा हो गया बंदा तो उसको बोलना है कि आप बहुत आ, मतलब अब आप वोट नहीं कर सकते अब आप वोट नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सिक्सटी की एज रिफ्रेस टू ओल्ड टू वोट तो अब आपको समझ में आया होगा ये क्या कर रहा है एक वेरिएबल को अलग अलग स्विचिंग कर रहा है अलग अलग केसेस पर स्विच करके देख रहा है और जब कुछ भी उसको नहीं मिलता तो लास्ट में डिफॉल्ट जरूर चला देता है

फंक्शन को कॉल करना है अब सबसे पहले फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा जब आप उसको कॉल करोगे वो पेज लोड पर तो एग्जीक्यूट होता नहीं तो ये सबसे पहली बार आपने फंक्शन कॉल कर दिया ओके okay. अब फंक्शन को कॉल कर दिया आपने तो ये कितनी बार कॉल हुआ एक बार अब इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ये कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा ओके okay. तो वहां जाकर एग्जीक्यूट होगा इसके पास जाकर एग्जीक्यूट होगा यहां जाकर अब इसके अंदर आपने कहीं एक बार और कॉल करवा दिया क्या किया आपने कहीं एक बार और करवा दिया कॉल तो पहले क्या होने वाला था पहले ये जो ग्रीट है वो एक बार एग्जीक्यूट होना था पहले कितनी बार एक बार एग्जीक्यूट होता फिर वापस आ जाता फंक्शन से बाहर ओके अब आपने क्या किया जैसे ही हेलो चला आपने फंक्शन फिर से कॉल कर दिया ये फिर पीछे जाएगा एग्जीक्यूट होगा हेलो प्रिंट होगा फिर हेलो फिर इसने कॉल कर दिया फिर जाएगा फिर हेलो प्रिंट हुआ फिर से कॉल हो गया तो ये क्या हो रहा है बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है अब बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाएगा तो ये तो इन्फिनिट लूप में चला गया मतलब ऐसी तो कोई कंडीशन आई नहीं ना कि फंक्शन ने अपने आप को कॉल नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि इको हेलो चला और देन फिर से ग्रिड चल गया ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और इस केस में क्या हो रहा है इस केस में हो रहा है रिकर्जन रिकर्जन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग अपने आप कोई फंक्शन कॉल करता जा रहा है देख रहे हो आप फंक्शन चला और खुद को वापस कॉल कर दिया फंक्शन चला खुद को वापस कॉल कर दिया तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ आपको आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये तो हमारा जस्ट एक एग्जांपल था इस एग्जांपल को ही हम लोग इस इंटेक्सुअल एग्जांपल को ही हम लोग अब प्रैक्टिकल बना देते हैं तो हम लोग यहाँ से ग्रीट नाम का फंक्शन बना देते हैं ओके तो greet नाम का फंक्शन हो गया इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे और इस ग्रीट नाम के फंक्शन को मुझे क्या करना है पहली बार कॉल करना है मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा और पहली बार मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पर ऊपर इसको कॉल करवा देता हूँ ये मैंने पहली बार कॉल किया और इधर लिख देता हूँ इको हेलो और ये हो गया पहली बार कॉलिंग अब देखते हैं ये कैसा आउटपुट देता है हमको तो लोकल होस्ट और मेरा फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है

यहाँ पर ब्रेक टैग देता हूँ और ब्रेक टैग से मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेक टैग में कैसे वर्क करता है तो इधर से रिफ्रेश और आप देखोगे कि आप देखो नीचे हेलो, हेलो 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 प्रिंट होता जा रहा है ये क्या एक लूप जैसे काम कर रहा है ना तो recursion के जगह पर आप लूप लूप की जगह पर भी आप रिकर्सन यूज कर सकते हो तो आप देख रहे हो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो कुछ तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये रुके वरना रिकर्सन बनाई क्यों वरना रिकर्सन का नीड क्या थी तो कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप हेलो को रुकवा देते हो

अब मैं वापस इसको कॉल करवा देता हूँ किसको अकाउंट नंबर को कॉल करवा देता हूँ कर तो क्या होगा देखना दे हो कॉल कर तो करते टाइम हम लोग क्या करेंगे ये जो स्टार्ट अभी जो नया बना है उसको वापस भिजवाएंगे तो ये स्टार्ट आपने इधर वापस भिजवा दिया तो ये जो स्टार्ट आप वापस भिजवा रहे हो ये क्या है देखो पिछली बार आपने नंबर भेजा था बट इस बार आपने स्टार्ट भेज दिया है तो प्लस प्लस होने के बाद जो स्टार्ट की वैल्यू है वो वन से टू बन जाएगी आपने यहाँ टू भेजा तो ये टू लेके आएगा इधर प्रिंट कर देगा ठीक है फिर यहाँ पर आएगा 3 बन जाएगा तो काउंट नंबर क्या कर रहा है अपने आप को वापस कॉल कर रहा है और इस तरीके से आपकी काउंटिंग चलती जाएगी तो दिखाता हूं आपको देखो काउंटिंग चलती जा रही है बट काउंटिंग कब तक चलनी चाहिए ये भी तो लिमिट लगानी है अभी तो इन्फिनाइट काउंटिंग चल रही है तो काउंटिंग का लिमिट लगाना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर एक लिमिट लगाओगे क्या लगाओगे कि अगर ये जो वैल्यू है वो टेन से बड़ी हो जाती है अगर वैल्यू टेन से बड़ी हो जाती है तब कुछ हैंडल करना है हमको क्या हैंडल करना है 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 कि अगर स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 10 से से छोटी छोटी ओके या या के के इक्वल इक्वल क्योंकि तो हम लोगों को तक प्रिंट तभी ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए तभी ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए ये आपको कंडीशन इधर देनी है तो अब जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तब कितनी बार कॉल करेगा जब तक टेन पर ना पहुंच जाए तब तक इसमें चलेगा अंदर आएगा कॉल करेगा लेकिन जैसे ही टेन में पहुंच जाएगा आप क्या करोगे यहाँ से रिटर्न करवा दोगे इसको तो आप लगाओगे खत्म एल्स एल्स कर दिया मतलब इस तरीके से हमारा लॉजिक काम करेगा तब आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ वन यहाँ पर आया इधर आ गया वन ओके चेक हुआ कि अभी भी स्टार्ट छोटा है ठीक है स्टार्ट को बढ़ा दिया वापस फंक्शन में भेज दिया वापस फंक्शन में भेजा टू प्रिंट हुआ टू अभी भी छोटा है से 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 ओके बढ़ाया बना बना प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ा दिया थ्री बना, पापस से दिया वापस भेज इस तरीके कितनी बार भेजा जब तक टेन से छोटा था तब तक भेजता गया जैसे ही देखा कि से बड़ा हो हो गया इलेवन हो गया तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो फंक्शन ने अपने आप को कॉल ही नहीं किया और एल्स में हमने रिटर्न करवा दिया सीधा तो अब रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देखोगे कि ये जो प्रिंटिंग है आपके पास वो कहां तक आएगी वन से लेकर आपके टेंथ तक ही आएगी क्योंकि हमने टेन्थ तक का लॉजिक लगा रखा है तो वन से लेकर

उसके बाद फिर एक लॉजिकल एरर आ गया 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 क्या हो कि लूप में चला गया। तो आपको ये से भी बचना है और ध्यान रखना है कि आप जब लॉजिक लगा रहे हो अपना तो कुछ इस तरीके का लॉजिक लगे कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वही आए इस तरीके के अनडिजायर्ड आउटपुट ना आ जाए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंप्लोड और एक्सप्लोड मेथड कैसे वर्क करते हैं पीएचपी के अंदर

और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है आपको देना होता है एक सेपरेटर सेपरेटर फिर एरे क्यों ताकि आप जो एरे है उसका स्ट्रिंग बना रहे हो स्पेस देना चाहते हो कैसा चाहते हो वो आपको बताना पड़ता है सेपरेटर में तो मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो ये मेरी पी की फाइल है सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ तो एआरआर इज इक्व टू और जैसे मैंने आपको बोला कि वन टू थ्री हमें चाहिए तो मैं वन टू थ्री नाम से ही एक एरे बना देता हूँ जिसके अंदर इस टाइप की काउंटिंग होगी फिर हम लोग और एक

ये एरे के अंदर जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको चिपकाने के लिए कौन सा ग्लू यूज करना है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है आप अगर इंप्लोड लिखोगे और ऑटोमेटिकली ये जब यहाँ पर आ जाता है तो आपको देख तुरंत पता चल जाएगा कि क्या कहाँ पर रखना है तो इनप्लोड में तो ग्लू ग्लू क्या होना चाहिए तो मेरे पास ग्लू सपोज में रख देता हूँ कॉमा जो वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ऐसे लिखा हुआ चाहिए और पीसेस कौन सा है तो पीसेस है डॉलर ए आर आर इसके अंदर मेरे पास पीसेस पड़े हैं तो ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी अब इस स्ट्रिंग को हमको देखना है तो यहाँ से हो रहा है। अगर एरे होता तो, तो रिप्रेजेंट ही नहीं होता ये तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि जो एरे होता है वो हम लोग इको से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसका मतलब ये पक्का है कि ये स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है कॉमा सेपरेटेड आए अगर आप चाहते हो कि वन स्पेस टू स्पेस थ्री इस तरीके से आए तो चलो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देते हैं हम लोग और अब देखेंगे तो आप देख रहे हो वन स्पेस टू स्पेस थ्री स्पेस फोर ऐसे आ रहा है थोड़ा और इसको अच्छे से समझने के लिए इस एरे को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और इस एरे को कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर हेलो ये पहली की हो गई पहली की या वैल्यू कह सकते हो आप हेलो फिर एवरी वन तो इस तरीके से हेलो एवरी वन हो गया ओके तो ये यह मैंने यहाँ पर लगा दिया हेलो एवरी वन हाउ आर यू तो इसको मुझे क्या करना है इस एरे को जोड़ना है तो पहले मैं आपको एक बार एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ तो इको इक प्री लगाकर तो यहाँ पर प्रिंट आर लगा देता हूँ तो आपको एरे दिखे और फिर उस एरे में से कैसे डेटा आ रहा है ये भी आप देख सकते हो तो ये मैंने प्री लगाया तो भाई ये जो एरर है ये इसकी वजह से है कि हमने यहाँ कॉमा मिस कर दिया है तो आप देखते हैं तो आप देख सकते हो ये क्या बता रहा है आपको हेलो एवरी वन हाउ आर यू ये करके क्या है एक एरे बना हुआ है और उस एरे को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया बाद में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया

तो ये सारी चीजें किससे जुड़ रही है इससे जुड़ है तो सिंटेक्स में पहले ही लिखा हुआ था कि यहाँ पर क्या आएगा ग्लू आएगा तो ग्लू क्या काम क्या होता है जोड़ना तो ये जोड़ रहा है इनको तो ये हो गया हमारे पास जोड़ दिया हमने तो ये बात हो गई हमारी किसकी एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन की और एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं इम्प्लोर अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सप्लोर पर तो जो आपका इम्प्लोर ने जो काम किया उसको वापस रिवर्स का काम कौन करता है एक्सप्लोर करता है तो कैसे वर्क करता है एक्सप्लोर क्या करता है आपसे एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग को आ, एरे में कन्वर्ट करता है बट आपको बताना पड़ता है कि उसके अंदर सेपरेटर कौन है जैसे यहाँ पर जो ग्लू था ना वो एक्सप्लोर के अंदर काम करेगा सेपरेटर का जो ग्लू के जैसे काम करता है इम्प्लोर्ड में वो एक्सप्लोर में काम करता है सेपरेटर का ओके okay? फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप देते हो वो स्ट्रिंग जिसको आपको एरे बनाना है और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो कि ऑप्शनल होता है आप दोगे तो भी चलेगा नहीं दोगे तो भी चलेगा इट इज अ लिमिट लिमिट मतलब कि आपको पहले वाले एरे के अंदर पहले वाली की के अंदर कितना डेटा रखना है इस टाइप की एक लिमिट आप बनाते हो या आपको कितनी कीज बनानी है इस टाइप की एक लिमिट होती है तो मैं अभी आपको पहले बिना लिमिट के समझाऊंगा फिर हम लोग लिमिट भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो ये जो मैंने पहले कोड किया हुआ था इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ओके तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देता हूँ पहले मैं कॉमा सेपरेटर स्ट्रिंग बनाऊंगा तो एस और यहाँ पर मैं सपोज एक स्ट्रिंग बनाता हूँ ए कॉमा बी कॉमा डी और इस तरीके से e, F, ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रिंग बना दी जिसमें आप देख रहे हो ए बी सी डी जो है, है अब मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है तो एरे में कन्वर्ट करना है तो ए आर आर नाम का एक वेरिएबल और हम क्या करेंगे डीलिमिटर डीलिमिटर यानी ऐसा कुछ जो इनको सेपरेट करेगा क्या करेगा सेपरेट करेगा तो सेपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर कॉमा होना चाहिए मैंने कहा कि कॉमा से सेपरेट करो इसको तो आपको यहाँ एज ए स्ट्रिंग कॉमा पास करना होगा तो ये मैंने पास कर दिया कॉमा तो कैसे सप्लोट करो जहां पर कॉमा दिखे वहां से एक नया एरे शुरू कर दो जहां कॉमा दिखे वहां से एक नया एरे नहीं नई की शुरू कर दो एक ही एरे के अंदर ये पहली की फिर दूसरा फिर तीसरा फिर इस तरीके से ये क्या है की पर एक एलिमेंट चला जाएगा तो पहला एलिमेंट क्या एलिमेंट बनेगा ए फिर दूसरा एलिमेंट बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ और यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है जो स्ट्रिंग वाला है और फिर हम लोग इसको प्रिंट आर से चलाएंगे क्योंकि हमारे पास ये एरे बन रहा है मैं आपको प्रिंट आर लगा के दिखाता हूँ प्रिंट आर और डॉलर ए आर आर तो मैंने प्रिंट आर डॉलर ए आर आर चला दिया और अब देखते हैं हम कैसा क्या हो जाएगा थोड़ा सा फॉर्मेटेड दिखेगा तो इको प्री और अब देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा पहले क्या थी स्ट्रिंग थी मैं एक बार आपको स्ट्रिंग भी इको करवा के दिखा देता हूँ ऊपर तो इधर इको कर देता हूँ डॉलर एस टी आर तो स्ट्रिंग थी पहले

तो इसको स्ट्रिंग को वापस यहाँ ले जाता हूँ तो मैं इधर लिख देता हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई हेलो यू अब मैं क्या चाहता हूं? ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो आप देख रहे हो यहां पर सेपरेटर कौन बनना चाहता है सेपरेटर सेपरेटर बनेगा बनेगा का स्पेस स्पेस तो ये सपोज चलो मैंने कुछ सेपरेटर नहीं दिया ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया अभी मैंने कुछ सेपरेटर या जो डिलिमेटर है वो दिया ही नहीं ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये क्या बोल रहा है एक्सप्लोर को एक सेपरेटर की जरूरत होती है ठीक है चलो एक्सप्लोर को एक सेपरेटर की जरूरत होती है तो मैंने क्या किया डैश लगा दिया अब आप देखोगे कि डैश तो पूरी स्ट्रिंग में कहीं है ही नहीं तो ये कैसे वर्क करता है तो देखना ये क्या करेगा एक ही एरे के अंदर ये पूरा बना देगा एक ही की के अंदर ये पूरा के पूरा डाल देगा क्यों ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सप्लोर है उसका नेचर क्या है उसका नेचर है कि जहां पर इसको सेपरेटर मिलता है वहां से एक नया एलिमेंट या नई की शुरू करता है तो इसको ये सेपरेटर तो कहीं मिला ही नहीं तो नई की कहां से शुरू करे तो कहीं से नहीं शुरू कर पाएगा इसलिए पहले वाले को ही की में डाल देगा ओके अब मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो ये स्पेस तो इसको मिल जाएगा स्पेस इज ए नल कैरेक्टर यहाँ पर एक स्पेस मिलेगा एम टी कैरेक्टर मिल जाएगा और जैसे ही वाइड स्पेस मिला और ये क्या करेगा आप देख रहे हो इस तरीके से इसने कन्वर्ट कर दिया तो ये स्पेस मिलते ही कन्वर्ट कर देता है सपोज ये वाले जो है वो इस तरीके से डिलिमिटेड होते ये वाला जो आप देख रहे हो इस ऑपरेटर से डिलिमिटेड होते या इस सिंबल से डिलिमिटेड होते तो इसको मैं अगर यहाँ पास करता तो आप देखोगे जहां पर वो मिलेगा उससे आगे का एक हिस्सा और दूसरा पीछे का एक हिस्सा इसको खुद को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो क्या है है इसको इंक्लूड नहीं करना है ये एक सेपरेटर है। इंक्लूड इनको करना तो आप देख रहे हो हेलो एवरीवन हाउ आर यू इस तरीके से अब बात करते हैं हम लोग तीसरे आर्ग्यूमेंट की जो अब तक ऑप्शनल था इसको मैं रखता हूँ जीरो और जीरो रखने के बाद आप देखोगे आउटपुट तो ये क्या करेगा ये पूरा के पूरा डेटा यहाँ पर लाके डाल देगा ये पूरा के पूरा जो डेटा है आपका वो कहा लाके डाल देगा इसके अंदर डाल देगा क्योंकि आपने क्या बोला इसको जीरो तो लिमिट कितनी है जीरो तो एक ही यहाँ पर की बन सकती है ओके तो एक बार हम लोग इसको सही कर देते हैं ताकि मेरे पास डेटा थोड़ा सा सही बने हेलो यू बनेंगा तो तो बन टू तो लिमिट में अगर आप टू पास करते हो तो ये क्या करेगा दो ही कीज बनाएगा तो पहले वाला तो पहले आ सकता है लेकिन बाद में देखा उसने ये कैसे असाइन कर रहा है इसने हेलो को असाइन कर दिया फिर देखा कि अभी तो एक ही की बची तो फिर क्या करेगा इन सबको असाइन करना पड़ेगा सेकंड की अब यहाँ पर मैं थ्री डाल के दिखाता हूँ आपको तो थ्री में क्या कर रहा है तीन असाइन कर रहा है फाइव डालोगे सिक्स डालोगे या ज्यादा बड़ा नंबर भी डाल दिया तो फाइव तक असाइन कर सकता था जो है एम टी छूट जाएगा यानी ये क्या करता है जब आप ऑटोमेटिकली देते हो तब ये जितना है यहाँ पर जितनी है उनको खुद ही ले लेता है यानी डिफॉल्ट में ले लेता है और अगर आप खुद कुछ प्रोवाइड करते हो सपोज आपने थ्री प्रोवाइड किया तो तीन की बनाकर दे देगा और वरना क्या करेगा डिफॉल्ट में जितने बार सेपरेटर मिलेगा जितनी बार डिलीमिटर मिलेगा उतनी बार एक की बनाकर आपको प्रोवाइड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के तो केस चेंजिंग मेथड कौन कौन होता है आप ये लिस्ट में हमारे पास जो केस चेंजिंग मेथड है वो हम लोग तो लो डिस्कस करने वाले हैं, तो हैं।, हैं, हैं। सबसे पहले फंक्शन है, है मेथड भी कह सकते हो आप जो क्या करता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है तो एक एक हम लोग समझेंगे साथ साथ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करूंगा मैं तो यहां पर चलते हैं और एक स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर एस टी आर नाम की एक स्ट्रिंग बना देता हूँ आप किसी भी नाम से बना सकते हो मैंने एस टी आर नाम से बनाई है और यहाँ पर लिख देता हूं मैं डब्ल्यू एस क्यू टेक अभी आप देख रहे हो कि ये स्ट्रिंग में कहीं पर लोअर केस भी है कहीं पर अपर केस भी है तो मैं यहाँ करता हूँ इको और इको में मैं चलाऊंगा एस टी आर एस टी आर स्ट्रिंग का फंक्शन है टू और लोअर ये फंक्शन चलाया और इसके अंदर मैं डॉलर एस टी आर को पास कर देता हूँ यानी मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल को पास कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो आप देख रहे हो डब्ल्यू एस क्यूब टैग जो है वो पूरा लोअर केस में लिखा हुआ है और यहाँ पर कैसे था कहीं अपर केस था कहीं लोअर केस था लेकिन अब जो हमारा आउटपुट आया एस टी आर टू लोअर ने जो रिटर्न किया है वो क्या है पूरा के पूरा लोअर केस अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एस टी आर टू अपर की तो गाइस एस टी आर टू अपर क्या करता है एस टी आर टू अपर ये क्या करेगा स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा लोअर केस के जस्ट अपोजिट ये वर्क करता है तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक टैग लगाकर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इसको लाइन में ले देते हैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन और यहाँ इको और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अपर अपर का तो अपर क्या तो क्या करेगा आपसे एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेगा ये दे दी मैंने इसको और मैंने इसको बोला है कि इसको क्या करना है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना आप नाम से ही समझ सकते हो स्ट्रिंग टू अपर केस तो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना तो आप देखोगे ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है एक बार ओरिजिनल भी हम लोग साथ में प्रिंट करते थे इधर तो इको और ओरिजिनल स्ट्रिंग भी यहाँ प्रिंट हो जाएगी तो आप डिफरेंस भी समझ पाओगे तो यहाँ पर ये ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गई अब देखो हम इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश और ये है मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग ये लोअर केस और ये अपर केस यानी कंप्लीट अपर केस सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस हो जाते हैं अब बात करते हैं अगले फंक्शन एलसी फर्स्ट की एलसी फर्स्ट क्या करता है कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू लोअर स्ट्रिंग पहले कैरेक्टर को लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके जस्ट अपोजिट होता है यूसी फर्स्ट वो पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है तो सिर्फ पहले कैरेक्टर की बात है सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ पहले कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर ये यह जो डब्लू एस क्यू लिखा है इसका पहला कैरेक्टर मैंने कर दिया लोअर केस और अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं करूंगा टू अपर को हटा देते हैं यहाँ से और एलसी फर्स्ट लगा देता हूँ एलसी फर्स्ट यानी लोअर केस करना है किसको फर्स्ट कैरेक्टर को तो श्रिंक को यहाँ पर पास कर दिया आप देख रहे हो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है अभी फर्स्ट कैरेक्टर है अभी यहाँ पर लोअर केस और हमने यहाँ पर लोअर केस लगा रखा है तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर को पहले अपर केस कर देता हूँ फिर हम लोग और यहाँ से इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख रहे हो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था अपर तो okay, तो था तो ले अभी मेरा जो नाम है वो सपोज मैंने इसमें लिखा है स्मॉल में यह हो गया स्मॉल लेटर में आपने सपोज यूजर से उसका नाम लिया, बट ने क्या किया पहला कैरेक्टर स्मॉल डाल दिया बट आपको ये चीज अच्छे से पता है कि पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल नहीं हो सकता पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए अपर केस होना चाहिए तो उस केस में आप यूजर के दिए हुए जो भी आउट इनपुट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे और लगाओगे यू सी फर्स्ट यानी अपर केस करना है किसको फर्स्ट कैरेक्टर को तो जो बी छोटा है यहाँ पर बी जो लोअर केस में है उसको कन्वर्ट करके ये किस में दिखा देगा आपको अपर केस में तो यूजर चाहे आपको लोअर केस दे बट आपको क्या करना है अपर केस में उसको कन्वर्ट करना है क्यों क्योंकि नाम तो हमेशा पहला कैरेक्टर अपर केस ही होता है ओके okay, तो लास्ट हम लोग का जो फंक्शन है लास्ट जो मेथड है वो है यूसी वर्ड्स ये क्या करेगा हर एक वर्ड को अपर केस कर देगा हर एक वर्ड के फर्स्ट को अपर केस कर देगा तो दिखाता हूं मैं आपको कैसे वर्क करता है ये तो यहां पर मैंने मेरा पूरा नाम लिख देता हूँ और आप देख रहे हो कि नाम अपना जब पूरा होता है तो उसके अंदर भी आप कहीं पर भी नाम डालो या फिर कहीं पर भी नाम लिखो आपको अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम सारी की सारी चीजों का इनिशियल हमेशा अपर केस रखना होता है बट यहाँ पर मैंने इनिशियल अपर केस नहीं रखा

बट जो हमारी मॉडिफाइड स्ट्रिंग है उसमें अपर केस है अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल ही पास पास करो आप एज इट इज भी पास कर सकते हूं। कोई इसू नहीं हो होगा तो हो तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है यानी सारे के सारे कैरेक्टर्स बड़े हो रहे हैं कौन से जो वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स हैं वो तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है अब आप जितने भी फंक्शन जितने भी मेथड्स है सबके अंदर इसको यूज कर सकते हो यानी आप स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं लो और सीधा स्ट्रिंग पास कर दो तो भी सेम रिजल्ट ही आपको मिलेगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन के बारे में तो क्या स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन क्या है कैसे वर्क करता है और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में तो सबसे पहले स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन क्या है तो स्ट्रिंग रिप्लेस जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या करता है किसी स्ट्रिंग को ढूंढता है और फिर उसको रिप्लेस करता है अब जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग को ढूंढो आप किसी कैरेक्टर को ढूंढ के रिप्लेस करवा सकते हो कोई वर्ड ढूंढ के रिप्लेस करवा सकते हो या कोई सब स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के अंदर जो कोई स्ट्रिंग हो छोटी सी उसको भी ढूंढ कर रिप्लेस करवा सकते हो अब ढूंढने का जो काम है रिप्लेस करवाने का जो काम है वो आपको नहीं करना है ये फंक्शन अपने आप करता है इसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से है आपको सिंपली क्या करना होता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं तो सबसे पहला जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है फाइंड तो फाइंड क्या करना है किसको फाइंड करना है फिर रिप्लेस उस जिसको फाइंड किया उसको किससे रिप्लेस करना है और कौन सी स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है तो ये तीनों चीजें आपको बतानी पड़ती है और एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस नाम से ये फंक्शन होता है एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग और अंडर स्कोर रिप्लेस तो पी एचपी के अंदर हम लोग इस फंक्शन को इस नाम से जानते हैं अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे हम लोग तो एक फाइल बना देता हूं इधर और इस फाइल के अंदर मैं पी एच पी का ब्लॉक बना देता हूं सबसे पहले तो ये पी एचपी का ब्लॉक हो गया यहाँ पर पी एच पी लिख दूंगा और अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाने से तो मैंने एक, बनाई तो मैंने एक नाम लिया अंदर मैं क्या करना है सपोज इसके अंदर जहां पर भी ये मेरे पास मिले आई जहां पर मिल रहा है उसमें मुझे रिप्लेस करके ई लगाना है सपोज एक बार मुझे क्या करना है जहां आई मिले वहां ई लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सिंपली एस टी आर तो आप देख सकते हो तो ये यहां पर आपको सिंटेक्स भी दिखा रहा है कि किसको सर्च करना है किससे रिप्लेस करना है देन कौन सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा सर्च करना है किसको आई को स्मॉल आई को सर्च करना है रिप्लेस रिप्लेस किससे करना करना है replace करना है उसको e से और सर्च किस में करना है तो सर्च करना है डॉलर नेम वाले वेरिएबल के अंदर तो डॉलर नेम वाले वेरिएबल में सर्च करना है और यहाँ पर सिंपली लगा देता हूँ ईको e तो ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा आपको वो रिटर्न करेगा रिप्लेस होने के बाद वाली स्ट्रिंग कैसी बनी हुई है वो रिटर्न करेगा आपको और हम लोग क्या करेंगे इसको इको कर देंगे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो मैंने कैसे लिखी हुई थी मैंने लिखा हुआ था ये और जो हमारे पास रिप्लेस मिल रहा है उसमें आई की जगह क्या आ रहा है ई आ रहा है ठीक है ये तो एक कैरेक्टर की बात हो गई अब मैं बात करता हूँ कि वर्ड की तो वर्ड को रिप्लेस करवाना है तो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जहां पर इसको जी आई आर आई ये वर्ड मिले वहां पर मुझे कुछ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करके मुझे क्या करना है उसको सिंपली हटा देना है नल रखना अगर मुझे सिंपली हटा ही देना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से नल भी रख सकता हूँ और अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ नाम दिख रहा है उसकी जगह कुछ और लगाना है जैसे मुझे रिप्लेस करके सर यहाँ पर लास्ट नेम की जगह डब्ल्यू एस क्यूब लिखना है तो मैं डब्लू एस क्यूब भी लिख सकता हूँ तो ये आप देख रहे हो यहाँ से ये हट जाएगा और डब्ल्यू एस क्यूब आ जाएगा तो रिफ्रेश और आप देख सकते हो ये मेरा नाम और साथ में डब्ल्यू एस क्यूब आ गया अब जो ओरिजिनल था उसमें यहां पर गिरी लिखा हुआ था बट यहां पर क्या आ रहा है? की है तो ये कैसे वर्क कर रहा है स्ट्रिंग रिप्लेस से वर्क कर रहा है और ओरिजिनल स्ट्रिंग को इसके बाद में आपको अगर यहां पर प्रिंट करवा कर, कर दिखाऊं तो यहां पर करता है इको ओरिजिनल स्ट्रिंग को वापस प्रिंट करते हैं और यहाँ इसकी कॉन्कैटिनेशन के साथ ब्रेक भी कॉन्कैटिनेट करवा देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन हमको मिल जाए और रिफ्रेश तो आप देख रहे हो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं है मैंने रिप्लेस करवाने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है फिर भी आप देख सकते हो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये क्या करता है ये आपके लिए एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है जो ओरिजिनल है उसमें कुछ भी नहीं करेगा तो कर ओनली लिख तो लिख लिखा हुआ है ना इसको मैं हटाकर कुछ और लिखवाना चाहता हूँ तो टेस्टिंग ओनली मैं पहले सर्च करवाऊंगा और दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली हटाकर मैं सपोज लिख देता हूँ एक्स वाई जेड दिस इज फॉर एक्स वाई जेड और इस तरीके से क्या होगा ये रिप्लेस कर देगा पूरे के पूरे वर्ड्स uh, को तो ये एक सब स्ट्रिंग हो गई तो तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे सबसे पहले एक करेक्टर कैसे चेंज करता है देन वर्ड को कैसे चेंज करता है देन सब स्ट्रिंग को यानी एक छोटी सी स्ट्रिंग को चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं तो छोटी सी छोटी स्ट्रिंग चेंज की और आप देख सकते हो दिस इज फॉर एक्स वाई जेड और दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली ओरिजिनल स्ट्रिंग थी तो इस तरीके से ये तीनों चीजों पर वर्क कर सकता है तो हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा किसी को ढूंढेगा किसी स्ट्रिंग को ढूंढेगा और रिप्लेस करवाकर हमको दे देगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन के बारे में तो क्या पी के अंदर स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है क्या उसके इनपुट है कैसा उसका आउटपुट आता है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन जो है एस टी आर आरबी ये वर्क कैसे करता है तो ये क्या करेगा आप जो भी स्ट्रिंग इसको दोगे जो भी आपने स्ट्रिंग दी सपोज आपने दिया ये उसको रिवर्स करके देगा और सीबी ए आपके लिए कर देगा जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है और उसको इसने रिवर्स किया यानी जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर था वो लास्ट में चला जाएगा और ऐसे चलता जाएगा पूरा की पूरा ऑर्डर फर्स्ट वाला लास्ट लास्ट वाला फर्स्ट और इस तरह ये अरेंज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है एस टी आर आर इस फंक्शन के अंदर आपको स्ट्रिंग पास करनी होती है स्ट्रिंग का वेरिएबल पास करना होता है तो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ बहुत ईजी सा कंसेप्ट है और हम क्या करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देंगे तो मैंने एक सपोज एस टी आर नाम से स्ट्रिंग ले ली और डब्ल्यू एस कि लिख देता हूँ हो गया डब्ल्यू एस और अब मैं क्या करूंगा डब्ल्यू एस्यूबैक को रिवर्स करवाऊंगा तो डब्ल्यू स्कूटे को रिवर्स करना है तो यहां पर लगा देते हैं इको और फीको एस टी आर आर वी तो ये एस टी आर आर वी को यूज करेंगे और यहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर देंगे HR. आप वेरिएबल किसी भी नाम से रख सकते हो एस टी आर रखना चाहो किसी भी नाम से ए बी सी कुछ भी रख सकते हो रिफ्रेश और आप देख सकते हो इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं जैसे मैं एक कैरेक्टर को रिवर्स करवाना चाहता हूँ अब एक कैरेक्टर को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है वो आपको देखना है तो ये उस कैरेक्टर को एज इट इज रिवर्स करेगा तो रिवर्स का कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक कैरेक्टर को बताया कि रिवर्स मीन रिवर्स ऐसा नहीं कि उसको मिरर बना रहा है मिरर नहीं बना रहा है रिवर्स कर रहा है मतलब जो फर्स्ट था उसको लास्ट ला रहा है लास्ट को फर्स्ट लेके आ रहा है ऐसे घुमाकर रिवर्स नहीं कर रहा है तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग रिवर्स वर्क करता है अब ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास किया था सपोज हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल ना पास करें और सीधा यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दे तो मैं मेरा नाम पास कर देता हूँ एक बार तो ये क्या हो गई सीधी एक स्ट्रिंग आ गई इधर तो इसको भी ये रिवर्स करके दे सकता है और आप देखोगे कि केस चेंजेस वगैरह ये कुछ भी हैंडल नहीं करेगा वो अपने आप आपको इस तरीके से जैसा आपने इनपुट दिया था उसको रिवर्स करके आउटपुट प्रोवाइड कर देगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में तो क्या सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या है पीएचपी के अंदर कैसे वर्क करता है और क्या इसका स्ट्रक्चर है क्या इनपुट लेता है कैसे आउटपुट देता है ये हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले सबस्ट्रिंग जो है सब एस यू बी एस टी आर ये फंक्शन कैसे वर्क करता है तो ये क्या करता है आपको किसी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट निकाल कर देता है तो सपोज आपके पास कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सब स्ट्रिंग हेल्प कर सकते हेल्प ले सकते हो आ, इसका एक रियल लाइफ एक्साम्पल में अगर आपको बताऊं तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर जाते हो तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर क्या होता है कि आप देखते हो वहाँ पर आ, कुछ छोटा सा पार्ट लिखा होता है जैसे सपोज सौ या डेढ़ सौ कैरेक्टर वन फिफ्टी टू हंड्रेड कैरेक्टर्स तक वहां लिखे हुए होते हैं और फिर जब आप क्लिक करते हो रीड मोर पर तो ब्लॉग का एक पेज खुलता है और वहां पर पूरा के पूरा कंटेंट लिखा होता है तो ये जो आप देख रहे हो कि पूरा के पूरे कंटेंट में से 200 हंड्रेड कैरेक्टर्स तक का या चार पांच लाइंस तक का जो कैरेक्टर जो आपके पास कंटेंट बाहर पेज पर लिखा था वो सबस्टिंग ने लिख दिया है सबस्टिंग ने क्या किया वो हिस्सा थोड़ा सा कट करके वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया बाकी पूरा हिस्सा जो था वो रिप्रेजेंट नहीं किया बाकी कंटेंट आप क्लिक करोगे तो ही आपको रीडेबल होगा तो ये हमारा काम सबस्टिंग करता है तो सबस्टिंग क्या क्या चीजें लेगा आपसे एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या क्या लेगा सबसे पहले लेगा वो स्ट्रिंग जिसका सब स्ट्रिंग निकालना है फिर कहा से स्टार्ट करना है तो जहां से स्टार्ट करना है कट करना वहां से आपको प्रोवाइड करना होता है कि इस जगह से स्टार्ट करो और फिर लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए ये चीजें आपसे ए एज आर्ग्यूमेंट लेता है तो इनमें से दो हमारी रिक्वायर्ड है और तीसरी जो है वो ऑप्शनल है तो so गाइज अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है इस फाइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सपोज एक डेमो नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड तो ये हो गया हेलो फिर वर्ल्ड

तो जीरो किसको कंसिडर करता है एच को जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर होता, होता है जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर six. इस तरीके से वर्क करता है तो सबसे पहले को क्या कंसिडर करता है जीरो कंसिडर करता है तो मैंने लगा दिया यहाँ पर क्या जीरो और अब देखते हैं इसको ब्राउजर पे कैसा आउटपुट दे रहा है तो आप देख रहे हो पूरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है अब मैं जीरो से हटाकर वन लगाता हूँ तब तो आपको दिखेगा कि ये वन से स्टार्ट करेगा तो जीरो हट जाएगा जीरो मतलब जो है ये कट हो जाएगा तो कट होने का मतलब क्या एच हट चुका है इस तरीके से अगर आप टू लगाओगे यहां पर तो मैं यहां पर लगा देता हूं टू तो ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं टू मतलब क्या आगे से ये दो कैरेक्टर्स आपके पास से हट जाएंगे ये, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सेकंड पोजीशन वाला है यानी फर्स्ट जीरो पोजीशन फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन सेकंड पोजीशन पे कौन है ये एल तो यहां से आपको स्टार्ट करनी है स्ट्रिंग अब अगर मैं इसको माइनस टू देता हूँ

फिर टू हो गया फिर थ्री हो गया फिर, फोर, फिर, 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 फिर और, दे और माइनस टू देता हूँ तब भी एल डी ही दिखाएगा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस पोजिशन को दो तरीके से जाना जाता है पीछे से मतलब नेगेटिव आगे से मतलब पॉजिटिव तो ये बात हो गई हमारी स्टार्ट की अब बात करते हैं हम लोग स्टार्ट के बाद लेंथ की तो मैं वापस से जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ और अब लेंथ मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए सपोज तो मुझे चार कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर फोर लिख देता हूँ तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा सिर्फ एच ई एल एल ओ फोर कैरेक्टर्स की बात हो रही है और ये बात हो रही थी पोजिशन की तो इसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है तो फोर कैरेक्टर्स मतलब क्या सिर्फ एच ई डबल एल तो ये जो एच ई एल डबल एल है तो वो फोर कैरेक्टर्स का है यहाँ पर मैं लगाता हूँ फाइव और आप देखोगे फाइव कैरेक्टर्स का ये आ चुका है तो ये आपको समझ में आ गया तो हमारे पास ये हेलो आ रहा है अब मुझे क्या करना है मुझे एक बड़ा कंटेंट रखना है यहाँ पर जिसमें से मैं हमारा टेक्स्ट बना सकूं मतलब जैसा मैं आपको बोल रहा था कि एक बड़ा सा कंटेंट होता है और उसमें से हम लोग क्या करते हैं छोटा सा कुछ हिस्सा दिखाते हैं तो मैं यहाँ पर लॉरियम का कंटेंट लिख देता हूँ और लॉरिय मिथ्थम के कंटेंट में से हम लोग एक छोटा सा टेक्स्ट बनाएंगे ये मेरा लॉरि मिप्सियम का कंटेंट है इसको मैं पूरा की पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ तो ये मेरा कॉपी हो गया और ये वाला जो डोमो वाला वेरिएबल है उस डेमो वाले वेरिएबल में ही पेस्ट कर देता हूँ आप देख सकते हो ये मेरे पास डेटा आ चुका है पूरा

एस्टिमेट लेके चलता हूँ कि यहाँ तक तो जब तक आएगा तब तक सपोज वन फिफ्टी कैरेक्टर्स हो चुके होंगे अभी आप देखोगे तो नीचे इस जगह पर कितने कैरेक्टर सिलेक्टेड है वो भी दिखा रहा है वन तो 169 से हम लोग थोड़ा सा एक आगे बढ़ जाते हैं 170 सेवेंटी कैरेक्टर्स मुझे दिखाना है शुरू कहाँ से करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा तो शुरू तो हम लोग जीरो से करवा ही रहे हैं और दिखाना कितना है 170 सेवनटी कैरेक्टर्स तक को तो रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि पूरे के पूरे जो स्ट्रीम का डेटा है हमारे पास वो नहीं आया है कहाँ तक आया सिर्फ वन सेवनटी कैरेक्टर्स तक का ही डेटा आया है तो ये आप देख रहे हो वन सेवेंटी कैरेक्टर्स कहाँ हुए थे इस जगह पर वन सेवेंटी कैरेक्टर्स हो गए थे फाइनल आउटपुट आता है और इस तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं सब की हम लोग एक अलग स्ट्रिंग बना सकते हैं और अभी आप देखोगे तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इंटैक्ट है मतलब उसमें कुछ भी नहीं हुआ मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग दिखाता हूँ यहाँ पर डेमो लगाकर और इसमें आप देखोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया मैं आगे यहाँ पर ब्रेक कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए तो ये क्या करेगा किसी चीज में मॉडिफिकेशन नहीं करेगा किसी चीज के अंदर मॉडिफिकेशन का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हट गई या फिर उसके अंदर डेटा कुछ चेंज हो गया नहीं ये आप देख रहे हो ये सबस्ट्रिंग है और ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है तो ये पूरा के पूरा डेटा है और उसमें से हमको इतना सा रिप्रेजेंट करना है फिर यूजर क्लिक करेगा तो ये बाकी का भी हम लोग लोड कर देंगे तो इस तरीके का जहां भी लॉजिक लगा होता है वो लगा होता है सब स्ट्रिंग की मदद से इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस बताने वाला हूं

ये अपने आप रिपीट करवा देगा अब गई इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंटेशन अगर आपको समझाऊं तो एस टी आर वर्ड और एस टी आर वर्ड काउंट और एस टी आर लेंथ का तो आप रियल लाइफ से देख सकते हो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं पर अपना कोई डेटा एंटर करते हो या कोई ऐसी वेबसाइट्स पर जाते हो जैसे कोई कॉम्पिटेटिव वेबसाइट्स है वहां पर आपको अपना कोई ऐसे राइटिंग करना है कोई कंटेंट राइट करना है आपको तो वहां पर कुछ वर्ड्स की लिमिट होती है इतने वर्ड्स होने चाहिए या फिर स्ट्रिंग जो है वो आपका पूरा डेटा इतनी लेंथ का होना चाहिए इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए तो इस तरीके से हम लोग इसको दोनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं तो ये मेरी पी की एक फाइल है और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक स्ट्रिंग बनाऊंगा एस टी आर नाम से और उसके अंदर मैं सिंपली मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ तो मैंने मेरा नाम लिख दिया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसके साथ मैं डब्ल्यू एस भी जोड़ देता हूँ ताकि हम लोग इसको रिलेटिवली काउंट कर पाए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए तो ये कितनी बड़ी स्ट्रिंग है आप देख सकते हो और इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले मुझे इसका काउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा इको और मैं स्ट्रिंग वाला फंक्शन चलाऊंगा तो काउंट ये क्या करेगा आपके लिए वर्ड्स काउंट करेगा किसके वर्ड्स काउंट करेगा जिसकी स्ट्रिंग आप बताओगे इसको उसके वर्ड्स ये आपको काउंट करके देगा तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ एस टी आर वाली जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया मैंने तो भागीरथ गिरी डब्ल्यू एस क्यू टेक ये कितने हैं फोर वर्ड्स हैं आपके लिए देखो ये एक वर्ड हो गया पूरा ये एक वर्ड होता है ये एक वर्ड होता है और ये एक वर्ड होता है तो, हैं। तो अभी हमारा तो हम कैलकुलेट कर, तो कर दिया अब ये गई पहली चीज दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स है तो मैं यहाँ पर इको करूंगा और कैरेक्टर्स देखने मुझे तो एस टी आर एलियन करके जो हमारा फंक्शन है वो और डॉलर एस टी आर यहाँ पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा आपको बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे ये जज करता है पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ तो पर लिख देता हूँ तो देख सकते हो ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ से ये काउंट करना शुरू करता है अब किस किस चीजों को ये काउंट करता है तो ये जो आपका एक स्पेस है ना वो भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है ये जो आपका एक स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है

सीधी पास भी कर सकते हो देन मल्टीप्लायर कितने टाइम्स रिपीट करना है तो मैं यहाँ पर एक बार जीरो लगाता हूँ और देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है ओके तो हमारे पास जीरो का मतलब क्या होगा हेलो को जीरो टाइम्स लिखना, अब मैं अगर यहाँ पर टेन लिख देता हूँ तो ये कितनी बार लिखेगा आपके लिए हेलो टेन टाइम्स लिखेगा आप देख सकते हो ये टेन टाइम्स आ गया मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ तो ब्रेक टैग के साथ ये दिखाएगा हमको नीचे तो ब्रेक टैग और अब आप देखोगे तो हेलो टेन टाइम्स इस तरीके से आ रहा है ये नीचे नीचे पूरा हेलो बनता जा रहा है अब यही काम जो आप लूप से करते थे अगर आपको स्ट्रिंग के लिए करना है तो आपको लूप यूज करने की जरूरत नहीं है आप सिंपली क्या करो ये स्ट्रिंग रिपीट यूज करो और ये आपके लिए रिपीट करके दे देगा अब देखते हैं हम लोग अगर मैं माइनस टेन लगाऊ तो ये कैसे वर्क करता है तो माइनस टेन हम जब लगाएंगे तो ये क्या बोलेगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो जीरो से बड़ा ये जीरो के इक्वल होना चाहिए उससे छोटा नहीं होना चाहिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी आपको इन फ्यूचर कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो क्या होगा तो इस चीज का भी आपको रखना है। Guys, मैं और इस वीडियो में आपको बताने वाला PHP का मैथ फंक्शन जो कि है रेंट ये क्या करता है आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है अब रैंडम वैल्यू इसका कहां कहाँ यूज होता है मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसके सेंटेक्स पे चलेंगे फिर इसको एक बार यूज करके देखेंगे फिर हम समझेंगे कि रैंडम फंक्शन हम कहा यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक फाइल के अंदर यहाँ पर कोड लिखना शुरू करूंगा तो मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ सिंटेक्स में आपको सिंपली आर ए एन डी लिखना है देन आपको पास करना है दो चीजें सबसे पहली चीज की रेंज आपको देनी है एक्चुअली यहाँ पर दो चीजें जो है वो रेंज है तो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको तो मैंने बोला वन से फाइव के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच नंबर है इनके बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा कभी वन कर देगा कभी फोर कर देगा कभी थ्री कर देगा कभी टू कर देगा कभी फाइव खुद ही कर देगा अगर मैं यहाँ फाइव लिख देता हूँ तो वन से फाइव के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करके देगा तो कभी वन आएगा कभी टू आएगा कभी three, इस तरीके से क्या करेगा आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करके देता जाएगा और मैं अगर यहाँ हंड्रेड से फाइव हंड्रेड तो ये 100 से 500 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा तो मैं एक बार इसको यहाँ पर इको करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये हमको प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है एक नंबर आपको रिटर्न करता है तो जो चीज ये रिटर्न करा है, उसको दिखाने के लिए आपको इको का यूज करना पड़ता है तो यहाँ पर रिफ्रेश और आप देख सकते हो थ्री डिजिट का मेरे पास एक नंबर आया अब जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा उतनी बार आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व करना एक नया नंबर आता जा रहा है हर बार क्या हो रहा है एक नया नंबर आता जा रहा है क्योंकि 100 से 500 के बीच में बहुत बड़ी रेंज है कोई भी नंबर इसके अंदर से बार 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 आ सकता है अब बात हो गई ये हमारी कि 100 से 500 के बीच में ये रैंडम नंबर्स दे रहा है सपोज मैं अगर 1 से 5 के बीच में आपको दिखाऊं तो 1 से 5 के बीच में भी ये रैंडम नंबर्स देगा तो पहले वन दे रहा है फिर टू थ्री फिर फाइव फिर फोर आप इस तरह देखोगे तो ये स्वेपिंग करता रहेगा नंबर की बट इसका फायदा क्या यूज क्यों करें हम इसको तो आपने अक्सर देखा है कि आप जब भी आ, किसी जगह पर रजिस्टर करते हो तो आप एक ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हो वन टाइम पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो आप रैंडम से बना सकते हो अब आपने देखा कि वन टाइम पासवर्ड कहीं पर फोर डिजिट का होता है कहीं पर वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो फोर डिजिट का हो सकता है तो यहाँ पर ऐसे चार डिजिट्स के लिए जगह होती है तो वो चार डिजिट्स कहां से शुरू होंगे

तो दो दो डिजिट्स यहाँ पर मैंने बढ़ा दिए अब ये सिक्स डिजिट की ओटीपी देने लग गया आपको तो ओटीपी का कंसेप्ट जहां भी आपको सर्वर साइट लैंग्वेज में लगाना होगा या सर्वर साइट यानी पीएचपी के अंदर हमको जहां भी ओटीपी का कंसेप्ट लगाना होगा हम सिंपली क्या करेंगे रैंड फंक्शन का यूज करेंगे ये एक मैथ फंक्शन है इसलिए न्यूमरिकल वैल्यूज आपको जनरेट करके देगा और हर बार एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी रेंज है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सील और फ्लोर फंक्शन के बारे में तो गाइस पीएचपी के अंदर सील और फ्लोर फंक्शन जो दो है ये मैथमेटिकल फंक्शन कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो तो इन फंक्शन का यूज आप ले सकते हो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सील के बारे में तो सील क्या करता है किसी नंबर को उसके अपर लिमिट पे यानी किसी भी डेसीमल नंबर को या आप कह सकते हैं किसी भी फ्लोटिंग नंबर को जैसे 5.2 है तो उसको उसके अपर लिमिट पर लेके जाता है अपर लिमिट पे लेके जाना यानी सीधा सिक्स पर लेके चला जाएगा अगर 5.2 है तो उसको क्या करेगा तो 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 आगे की तरफ लेके चला जाता है हमारा सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन ऑन द उसी है जस्ट अपोजिट है अगर आपने फाइव पॉइंट टू लिखा है तो फाइव पर ले आएगा फाइव पॉइंट एट लिखा है तो फाइव पर ले आएगा मतलब लोअर लिमिट पे लेके आएगा तो सील कब यूज करेंगे जब हमको कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन के दौरान मुझे चाहिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर कैलकुलेट हुआ है और अब मुझे क्या करना है डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है तो मैं क्या करना चाहता हूँ उसको अपर लिमिट पर लेके जाकर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तब हम यूज करेंगे सील को और फ्लोर को तब यूज करेंगे जब हम लोग डेसिमल को इग्नोर करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताता हूँ तो हम लोग यहां पर चलते हैं और मैं यहां पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करूंगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ ए नाम से और इसके अंदर मैं एक डिवीजन परफॉर्म करवाता हूँ मैंने सपोज डाल दिया फाइव बाई टू तो आप लोगों को पता है कि डिवीजन जब होगा तो डिवाइड टू एंड विल द रिमाइंडर इस तरीके से डिवीजन होगा और अभी पहले हम लोग इसका अगर रिजल्ट देखें तो मैं इको डॉलर ए करवा कर दिखाता हूँ आपको कि रिजल्ट क्या आ रहा है तो ये एक पीएचपी की मेरी फाइल है यहाँ से मैं क्या करूंगा लोकल होस्ट स्लैश फर्स्ट नाम का मेरा एक प्रोजेक्ट है एच डी डॉक्स के अंदर जैम्प सर्वर है मेरा और उसके अंदर मैंने रखा हुआ है और ये आप देख सकते हो टू पॉइंट फाइव दिखा रहा है अब मैं क्या चाहता हूँ ये जो मेरा टू पॉइंट फाइव दिखा रहा है उसको सील से दिखाना चाहूंगा अगर सील से दिखाना चाहूं तो सील इसको क्या करेगा एक स्टेप आगे ले जाएगा तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं सील और फिर हम देखते हैं तो ये हो गया एस सी ई आई एल और सी ई -E आई एल लगाकर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है थ्री एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो भी दिखा देता हूं आपको डॉलर ए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारे पास टू पॉइंट फाइव क्योंकि कैलकुलेशन के बाद कितनी आ रही है टू पॉइंट फाइव आ रही है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है ये एज थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर हमारे पास टू पॉइंट फाइव को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है three के जैसे रिप्रेजेंट करता है है so सो ये मेरे पास आ रहा है रिजल्ट और अभी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ इसको ओरिजिनल ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ओरिजिनल वाला है तो जो ए है वो ओरिजिनल वाला है तो ओरिजिनल क्या है ये 2.5 है और इसको हम लोगों ने सील अप किया है जब तो ये क्या हो रहा है थ्री बन रहा है अब हम फ्लोर यूज करके देखेंगे तो फ्लोर कैसे वर्क करता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं फ्लोर यूज करके दिखाता हूँ आपको तो सील किया हुआ वाला है तो उसको भी हम लिख देते हैं आ, नाम लिख देते हैं जस्ट सिंपली और एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ इधर और अब मुझे क्या करना है यहाँ पर यूज करना है फ्लोर तो एफ डबल ओ आर ये नाम है इसका फंक्शन का और आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैंने फिर से डॉलर ए प्रोवाइड कर दिया और अब देखेंगे कि फ्लोर में कैसा रिजल्ट आता है तो फ्लोर में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा देखो अब सील में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है थ्री और फ्लोर में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है टू और ओरिजिनल जो था वो क्या था टू पॉइंट फाइव तो भाई ये हमारा काम है सील और फ्लोर का सील क्या करेगा सील लेके जाएगा अपर लिमिट पर टू पॉइंट फाइव को अपर लिमिट पर लेके गया और जो फ्लोर है वो लोअर लिमिट पर लेके गया अभी मैं आपको एक और चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ पर सिक्स uh, लगा रहा हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ फाइव से तो सिक्स को फाइव से डिवाइड करके देखते हैं तो ओरिजिनल क्या आएगा तो ओरिजिनल आप देख रहे हो वन पॉइंट टू आ रहा है और सील क्या कर रहा है उसको अपर लिमिट पे लेके जा रहा है फ्लोर जो है वो लोअर लिमिट पे लेके आ रहा है यहां मैं फ्लोर 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 लिखवा देता हूं ताकि आप इसको समझ सको और ये आ रहा है तो क्या कर रहा है है क्या कर इस पर्टिकुलर चीज को अपर लिमिट पे 1.2 को अपर लिमिट पे ले जा रहा है और फ्लोर इसको 1.2 को लोअर लिमिट पे यानी डेसिमल पोर्शन को बिल्कुल हटा ही देता है और दोनों का काम एक्चुअली डेसिमल पोर्शन को हटाना है बट इसका काम क्या है अपर लिमिट पे जाके हटाना है इसका काम है लोअर लिमिट पे जाके हटाना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाऊ

PHP के अंदर पावर करवाना होता है तो पाव नाम का हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जो हमसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है पहला होता है कि जो बेस है वो क्या है और दूसरा होगा कि एक्सपोनेंट क्या है मतलब किसका पावर करवाना है कितना पावर करवाना है ओके और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है एसक्यू आर टी इट वर्क फॉर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट निकालना है आपको तो स्क्वायर रूट क्या होता है अब जब भी आप पावर करवाते हो और जब भी आप स्क्वायर का पावर करवाते हो जैसे मैंने फोर का स्क्वायर किया तो इट विल बी सिक्सटीन तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट वापस क्या बनता है फोर बनता है तो अगर आपको पावर करवाना है तो पाव यूज करना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना है तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट वापस फोर बनेगा सिक्स का स्क्वायर रूट एट बनेगा, बनेगा तो एसक्यू आर टी फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हमारे पाव फंक्शन को तो पाओ का एक बार सिंटेक्स लिख देता हूं यहाँ पर आएगा पाव और यहाँ पर आप लिखोगे बेस नंबर और यहां पर आप एक्सपोनेंट नंबर लिखोगे कि कितना पावर करना है यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये होता है बेस और देन ये होता है पावर तो दो चीजें हमको प्रोवाइड करनी है अब मुझे सपोज ये चाहिए मुझे चाहिए कि टू की पावर टू करना है टू, टू द पावर टू तो ये कैसे वर्क करेगा तो टू द पावर पावर का रिजल्ट जो होता होता है 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 वो कुछ इस तरीके से अब मुझे ये लाना है। की पावर करके लाना की करके तो क्या करना होगा सिंपली मैं यहाँ लगाऊंगा इको देन पाव और पाव में मुझे दो चीजें पास करनी है तो सबसे पहला जो होगा बेस और फिर जो होगा पावर और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है तो ब्राउजर पे इसको रन करता हूं और आप देख सकते हो यहाँ पर फोर दिखा रहा है मेरे को अब मैं चेंज करके देखता हूँ पावर को तो यहाँ से पावर को करता हूँ थ्री और अब ये क्या दिखा रहा है एट दिखा रहा है अब मैं और एक इसको चेंज करता हूँ तो तो इस तरीके से वर्क करता है टू की पावर टेन करेंगे तो वन जीरो टू फोर ये नंबर आपको थोड़े इस तरह लगे होंगे जैसे हमारा मेमोरी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड की स्टोरेज या हमारे हार्ड डिस्क की कोई भी स्टोरेज होती है उस तरीके से क्योंकि स्टोरेज जो होती है वो हमेशा टू की पावर में होती है टू की पावर टू टू की पावर फोर टू की पावर एट इस तरीके से हमारी स्टोरेज होती है तो आप यहाँ पर जितनी चीजें डालोगे वो आपके कोई स्टोरेज का एक नंबर दिखा देगा 2 की पावर फोर डालूंगा तो एक स्टोरेज का नंबर दिखाएगा 2 की पावर डालूंगा तो जीबी का कार्ड कार्ड देन हमारे पास जीबी का इस तरीके से जो कार्ड होते हैं वो भी इसी तरीके से टू की पावर से कैलकुलेट होते हैं तो पावर फंक्शन ऐसे किसी लॉजिक में भी आपको हेल्प कर सकता है और अब ना सिर्फ टू का बल्कि हमको फोर का सेवन पावर करना है तो भी हम कर सकते हैं फोर की पावर टू फोर फोर सिक्सटीन होता है तो मैंने फोर की पावर टू लगा दिया तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा पाओ फंक्शन अब पाओ ने जो रिजल्ट दिया है जैसे पाओ ने क्या दिया पाओ हमको दिया है कि फोर की पावर कितना होता है फोर की पावर टू यानी सिक्सटीन होता है फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन होता है अब मुझे अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मुझे पता करना है कि सिक्सटीन जो है वो किसका स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर रूट है या फिर परफेक्ट इन परफेक्ट भी है तो भी ये निकाल कर दे देगा कैसे वर्क करता है बता देता हूं मैं आपको एसक्यू आर टी आपको यूज करना है फंक्शन देन फंक्शन के अंदर आपको सिंपली एक वैल्यू पास करनी है मैंने डाला सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर का मतलब क्या होता है एट इंटू एट सिक्सटी फोर होता है ये मुझे अच्छे से पता है 8 into 8, 64 होगा तो ये रिजल्ट में क्या देगा देगा आपको आपको सिर्फ 8 देगा. 64 आपको क्या प्रोवाइड करेगा एट प्रोवाइड करेगा जिसका मतलब होता है कि सिक्सटी फोर का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है हमारा एट है तो एसक्यू आर टी और देन लगाया फोर और अब इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ आपको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये तो रिफ्रेश और आप देख रहे हो एट आ रहा है

आप तो इसको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो इंटरकनेक्ट कनेक्ट कैसे जैसे मैंने सपोज ऐसे जस्ट टेस्टिंग के लिए पाओ को भी यूज कर लिया और स्क्वायर रूट को भी यूज कर लिया पाओ के अंदर स्क्वायर रूट यूज किया तो पाओ क्या करेगा फोर फोर सिक्सटीन बनाएगा और uh, स्क्वायर रूट क्या करेगा सिक्सटीन को वापस नीचे लेके आएगा तो आप देखोगे अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है फोर मतलब जब भी आप स्क्वायर रूट डालोगे मतलब पीछे अगर आपका पावर टू है तो जो आपने नंबर आगे डाला है टेन डाला है तो वापस रिजल्ट में टेन ही आएगा अगर आपने ट्वेंटी डाला है तो वापस रिजल्ट में ट्वेंटी आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है कैलकुलेशन हो रही है कि ट्वेंटी का स्क्वायर रूट फोर्टी और फोर्टी का सॉरी ट्वेंटी का जो पावर होता है वो कितना होता है फोर्टी देन फोर्टी का स्क्वायर रूट विल बी ट्वेंटी इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है पाव और स्क्वायर रूट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो डेट फंक्शंस के बारे में तो गाइस सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट तो तो गाइस जब आप यूज यूज करते हो, तो PHP यूज करते हो टाइम आपका जो डिफॉल्ट टाइम जोन होता है वो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग हो ऐसा नेसेसरी नहीं है तो अगर आपको आपकी कंट्री के अंदर आपकी वेबसाइट चलानी है और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट डेट टाइम सेट करना है तो आपको इस फंक्शन का यूज करना पड़ता है तो अब इस फंक्शन की जरूरत क्या है हमको क्यों ऐसा करना पड़ता है तो गाइस जब भी आप देखोगे कि कोई आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा है और आप उसको सर्वर के थ्रू हैंडल करवा रहे हो और आप देख रहे हो कि उसने कितने बजे रजिस्टर किया या सपोज कोई आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कितने बजे कौन सी डेट पर उसने प्रोडक्ट खरीदा है वो चीज आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग मतलब यानी इंडिया के अकॉर्डिंग रजिस्टर होनी चाहिए जिस कंट्री के लिए आप बना रहे हो सपोज इंडिया के लिए बना रहे हो या फॉरन कंट्री के लिए उस कंट्री के अकॉर्डिंग रजिस्टर होनी चाहिए मैं इंडिया की बात करूंगा इस वीडियो में तो इंडिया के अंदर हमको जो डेट टाइम चाहिए वो हमको फॉर्मेट सेट करना पड़ता है तो उसमें हमको टाइम जोन सेट करना पड़ता है हमको हमारे टाइम जोन का नाम देना होता है जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो एशिया स्लैश तो पहला तो होगा हमारा टाइम जोन सेट करना देन हम लोग बात करेंगे गेट गेट डेट डेट फंक्शन की हमको एक एरे निकाल कर देगा जिसमें डेट और डेट के साथ मंथ वगैरह वीक सबका का डेटा मिल जाएगा हमको तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक बार और सबसे पहले मैं आपको गेट डेट चलाकर दिखाता हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा कि गेट डेट एक एरे देता है तो मैं सबसे पहले गेट डेट चलाकर दिखाऊँ और यहाँ पर मैं चलाता हूँ प्री देन प्रिंट प्रिंट आर आर कर रहे हैं हम लोग क्योंकि गेट डेट देगा और ये गेट डेट फंक्शन मैंने सिंपली कॉल करवा दिया बहुत सिंपल सा तरीका इसको कॉल करने का और इसको रन करने का तरीका क्या है तो हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट पर जाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है एच की डॉक्ट के अंदर वो है फर्स्ट नाम का एक फोल्डर है उसको जैसे मैं रन करूंगा तो फर्स्ट नाम का जो फोल्डर है उसमें इंडेक्स डॉट एच डी एम एल की फाइल लोड होगी और आप देख सकते हो ये एरे इस एरे के अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा है उसकी बात करते हैं हम लोग तो सबसे पहले बता रहे हैं सेकंड तो जब ये पेज लोड हुआ था तो उस टाइम उस इंस्टेंस पे कितने सेकंड चल रहे थे वो दिखाया देन मिनट्स तो मिनट्स यहाँ दिखा रहा है 24 बट एक्चुअली जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जो मिनट्स चल रहे हैं वो फिफ्टी uh, दिखा रहा है चल कितना आप ऊपर देख सकते हो मैंने कैलेंडर ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हो अभी कितना चल रहा है ट्वेंटी बट दिखाया फिफ्टी फोर की अगर बात करें तो ट्वेंटी आवर क्लॉक होती है तो इलेवन दिखा रहा है इधर बट अभी तो तीन बज रहे हैं यहाँ पर तो ये भी मिस्टेक हो गई देन बात करें यहाँ पर एम डे तो डे कौन सा चल रहा है मतलब आज डेट क्या है मंथ का कौन सा डे चल रहा है तो एट चलो डेट ठीक है वीक की बात करें तो सेकेंड वीक चल रहा है इस मंथ का ये भी ठीक है यहाँ तक क्योंकि सारी कंट्रीज में ये तो सेम ही होता है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और मंथ जो है नाइन्थ वो भी सही है ईयर सही है और डे ईयर का कौन सा डे है ये वो भी ऑलमोस्ट सही होगा और फिर बता रहा है हमको वीक डे वीक में कौन सा डे मंडे ट्यूजडेडे तो ट्यूसडे दिखा रहा है मंथ सेप्टेम्बर में दिखा रहा है आप देखोगे दो चीजें यहाँ पर

मुझे तो इंडिया के अकॉर्डिंग चाहिए था बट ये इंडिया के अकॉर्डिंग आया नहीं तो अब यूज होगा हमारा दूसरा फंक्शन जो है कि अभी टाइम जोन क्या चल रहा है वो निकालना और सेट का मतलब होता है टाइम जोन सेट करना हम लोग सेट कर रहे हैं आपको कहीं गेट की जरूरत पड़े आपको सपोज ये देखना हो कि इस वेबसाइट पर क्या टाइम जोन चल रहा है तो आप सेट का गेट का यूज कर सकते हो हम लोग यूज करेंगे हमारे सेट का और यहां पर मैं लिखूंगा एशिया स्लैस कोलकाता तो ये इंडिया का टाइम जोन है और इंडिया का टाइम जोन मैंने सेट कर दिया एशिया स्लैस कोलकाता और अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं यहां पर तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ट्वेंटी सेवन मिनट चल रहा है मैं क्लॉक के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ ट्वेंटी सेवन मिनट और आर्स में फिफ्टीन दिखा रहा है इट मीन तीन बज रहे दोपहर के तीन बज रहे डेट है जो हमारी एट सेप्टेम्बर टू जीरो तो ये भी दिखा रहा है मतलब अब जो डेटा है वो एग्जैक्टली एकदम सही है तो डिफरेंस कहां पर आया डिफरेंस ये आया कि जब आपने टाइम जोन सेट किया ना तब इंडिया के टाइम जोन के अकॉर्डिंग डेट uh, दिखा रहा है टाइम दिखा रहा है डेट तो चलो ठीक है पहले भी सही थी बट टाइम एग्जैक्टली जो है वो सही दिखा रहा है कि कितने बजे पर्टिकुलर यूजर रजिस्टर हुआ है कितने बजे उसने पर्टिकुलर किसी चीज को हिट किया है किसी चीज कोई ऑर्डर किया है रजिस्टर किया है कुछ भी किया है वो टाइम एग्जैक्टली ये सेम दिखाता है और प्लस और भी फर्क है ये नहीं है कि सिर्फ डेट का फर्क है यहाँ पर कुछ आर्स डिलेशन भी चल रहा है कुछ आर्स आगे चल रहे हैं कुछ आर्स पीछे चल रहे हैं जैसे अभी आपने देखा किस पीछे, तो पीछे तो इसमें से आपको इस एरे में से आपको सिर्फ मिनट्स चाहिए कि अभी पर्टिकुलर कितने मिनट्स चल रहे हैं अभी कौन सा आर चल रहा है तो वो कैसे गेट करना है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करोगे यहाँ पर लगाओगे इको हम लोग एरे में से डेटा निकाल रहे हैं तो गेट डेटा और गेट डेटा में से ये हमारा हो गया गेट डेटा वाला फंक्शन तो ये क्या करेगा पूरा एरर निकाल कर देगा और इसको मैं पहले एक डी नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ तो तो पूरा एरर निकाल कर डी को दे देगा और हम लोग अब डी में से जो हमको चाहिए वो निकाल देंगे तो डी में से मुझे क्या चाहिए तो उसकी का नाम लिख देना है तो क्या चाहिए आर्स चाहिए तो की का नाम लिखा आर्ट्स और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आर्स तो आप देख रहे हो अभी दिखा रहा है ऊपर फिफ्टीन यहाँ से निकल के आ चुका है मंथ डे चाहिए तो एम डे लिख दो

इस तरीके से आप डेज मंथ्स मंथर्स कन्वर्ट करते जाओ ये आपको एग्जैक्ट डेटा लाकर दे देगा कि अब तक कितने ईयर्स निकल चुके हैं 1970 से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेट और टाइम दो फंक्शन है पीएचपी के अंदर उनके बारे में तो डेट और टाइम कैसे वर्क करते हैं क्या इनका सिंटेक्स होता है इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको डेट और टाइम के बारे में बताऊंगा

टू जीरो टू जीरो ना लिख के सिर्फ टू जीरो लिखा हुआ हो या टू थाउजेंड नाइन के अंदर सिर्फ 19 लिखा हो तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे डेट फंक्शन का यूज करेंगे अब दो चीजें आपको यहाँ पर पास करनी होती है सबसे पहला एक फॉर्मेट जो कि मॉडिफायर भी कह सकते हो आप वो क्या करेगा किसी टाइम को किसी डेट को पर्टिकुलर डेट को मॉडिफाई करके आपको दिखाएगा तो एक फॉर्मेट किस फॉर्मेट में मुझे टाइम चाहिए या डेट चाहिए और दूसरा होता है टाइम स्टैम्प, स्टैम्प टाइम का मतलब जब भी आप भी आप कहीं सुनो तो ये दिमाग में रखना है कि एक मतलब स्ट्रिंग तो पास करते हैं टाइम स्टैम्प की तो ये उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है सपोज मैं जीरो uh, uh, दे रहा हूँ और वन जीरो रहा हूँ और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ जैसे मैंने क्या दिया uh, जनवरी January, January के लिए मैंने जीरो लिखा और उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ वे ए एन नाइनटीन नाइन नाइन तो हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं मैं अभी आपको इम्पलीमेंट भी करके दिखाऊंगा और भी हमारे पास काफी सारे मॉडिफायर्स हैं हम लोग उनको देखेंगे और उसके बाद आता है हमारा टाइम फंक्शन तो टाइम फंक्शन गाइज एक ऐसा फंक्शन है जो नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फर्स्ट जनवरी से लेकर अब तक कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स निकल चुके हैं ये आपको कैलकुलेट करके देता है ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट जनवरी नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी ये यूनिक्स टाइम है और ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड है और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा और जो आपका टाइम फंक्शन होगा ये उस टाइम से ही आपको कैलकुलेसन uh, करके देगा नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेशन करके देगा और इसका सिंटेक्स होता है सिर्फ टाइम तो अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर मैं लगा देता हूँ टाइम और टाइम को हम लोग क्या करेंगे इको करवाएंगे क्योंकि ये हम लोगों को कुछ प्रोवाइड करेगा और उसको स्क्रीन पर दिखाना है तो बस सिंपल सा सिंटेक्स है इको टाइम अब ये क्या करेगा अब देखो आप आज की डेट क्या हो रही है

तो सेकंड्स मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर 60 से करेंगे, तो मिनट्स में एक दिन में कन्वर्ट तो हो जाएगा डिवाइड एक एक तो करेंगे तो ये आ, जो आपके पास टाइम स्टैम्प आएगा वो पूरा के पूरा आपको ईयर्स में कन्वर्ट कर देगा तो सबसे पहले हम क्या टू फिर मिनट्स जाएंगे मिनट्स टू डेज और डेज टू फिर एक ईयर के लिए जाएंगे तो हमको पता चलेगा ये दिखा रहा है आप देख रहे हो यानी पचास साल निकल चुके हैं अभी आप का टाइम देखो अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा इट इज नाइन्थ सेवेंटी से अब तक पचास साल निकल चुके हैं ये इसका प्रूफ है कि फिफ्टी ईयर्स का कैलकुलेशन हमने लगाया लॉजिक लगाया तो ये उतने ईयर्स निकल चुके हैं ओके okay, तो ये हम लोगों को क्या कर रहा है उस दिन से अब तक का एक टाइम uh, बनाकर दे रहा है एक टाइम स्टैम्प बनाकर दे रहा है जो कुछ इस तरीके का दिखता है अब इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे बट एक बार मैं इसको छोड़ देता हूं और हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर डेट के बारे में समझेंगे तो मैं लगाता हूं इको और इको डेट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसके मॉडिफायर्स दिखाता हूं मैं आपको फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहला जो मॉडिफायर है वो है डी डी मीन्स क्या कि जो मंथ अभी चल रहा है उसका कौन सा डे चल रहा है अभी जो भी मंथ है उसका कौन सा डे चल रहा है जीरो जीरो वन से लेकर थ्री वन तक ये आपको दिखाता है रेंज अगर थर्टी का मंथ होता है थर्टी दिखाएगा आपको इस तरीके से दिखाता है तो एक बार देखते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक डी लगाएंगे और इसको मैं आपको ब्राउजर पर दिखाता हूँ रिफ्रेश करके तो आप देख रहे हो जीरो तो यहां पर मैं वापस दिखा देता हूं आपको ये दिखा रहा है जीरो नाइन अभी नाइन्थ ऑफ सेबर है मतलब ये एक्जैक्टली करेक्ट दिखा रहा है अब मैंने बात की थी आपसे कि यहाँ पर हम लोगों को एक टाइम स्टैंप भी देना पड़ता है बट मैंने तो कोई टाइम स्टैम्प दिया ही नहीं आप देख सकते हो जब भी आप कोई टाइम स्टैंप नहीं देते हो तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली अभी का अभी का टाइम जो है वो ले लेता है और ये वाले में डिफरेंस क्या है तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं देखो एक मैंने यहाँ डी लिखा हुआ है फिर मैंने हाइफन लगाया तो ये हाइफन भी वहां पर एज ए स्ट्रिंग दिखेगा आपको और अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हो डब्ल्यू डी तो थ्री लेटर्स में रिप्रेजेंट करता है किसको वीक के डे को कौन रिप्रेजेंट करता है कैपिटल डी 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 स्मॉल स्मॉल क्या करता है 0, 1, से मंथ के डे को रिप्रेजेंट करेगा और वीक के डे को थ्री लेटर्स में कैपिटल डी रिप्रेजेंट करेगा ओके okay? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट ये क्या बता रहा है द मंथ ऑफ डे विदाउट लीडिंग जीरो नहीं चाहिए अगर आपको सपोज यहाँ पर डी क्या कर रहा था जीरो दे रहा था बट आपको जीरो नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो डी की जगह जे लगा सकते हो तो आप जीरो नाइन जो देख रहे थे ना वो जीरो नाइन हटके नाइन हो जाएगा और इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा लेकिन ये कहां तक वर्क करेगा जीरो वन से जीरो नाइन तक उसके बाद तो टू लेटर्स आ ही जाएंगे टू आ ही जाएंगे ओके तो अब वापस मैं इसको बना देता हूँ अभी के डे को पूरा रिप्रेजेंट करेगा फुल टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब डी क्या कर रहा था डब्ल्यू डी लिख रहा था अब एल क्या करेगा देखना एल पूरा वेडनेसडे लिखवाएगा तो एल जो लोअर केस का है वो क्या करेगा पूरे पूरा वेडनेसडे लिखा हुआ दिखा देगा आपको यहां तक समझ में आ गया डी इज स्मॉल इज फॉर डे ऑफ कैपिटल डी इज फॉर वीक और जो एल है वो भी डे ऑफ वीक देता है क्या क्या करता है है पूरा पूरा के पूरा करवाता ओके तो हम लोग पर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास एन। एन क्या करेगा इस तरीके का बना देगा uh, one for Monday. मतलब क्या करने है वाला है? ये आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देने वाला है अब इसको आपको थोड़ा सा समझना है एक दिन में सात हफ्ते होते हैं ओके सॉरी uh, एक हफ्ते में सात दिन होते हैं ओके okay, तो एक हफ्ते में सात दिन होते हैं अब सात दिन जो होते हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी रिप्रेजेंट कर सकता है तो अगर आप सपोज वेडनेस डे नहीं दिखाना चाहते या फिर आप ऐसे दिखाना चाहते हो वेडनेस डे इज इक्वल टू मैं सिंपली यहां पर अगर लिख दू वेडनेस डे जो है ब्रैकेट में एन लिख दू तो ये आप दिखोगे कि ये जो है वो क्या दिखा रहा है थ्री दिखा रहा है मतलब जो एन है अब देखो ये बाकी सारी चीजें जो है ना ये वाली ये क्या रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रिंग को और ये अंदर जब इसको आ, ये एन दिखेगा तब ये उसको अपना एक कैरेक्टर मान लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है तो देखो क्या दिखा रहा है थ्री। तो थ्रीडे थर्ड डे ही होता है वीक का तो इस तरीके से ये वन से सेवन तक का दिखाता है ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं आपने जो देखा है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से का दिखाता है आ, तो जो वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता है वो आता है एस से तो कैसे ये वर्क करेगा तो अभी आप देख रहे हो कि ये कौन सा डे है थर्ड डे है ओके वेनसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर एस और स्मॉल नहीं कैपिटल एस और आप देखोगे थर्ड टी एच आ गया थर्ड तो ऑफ third दिखा रहा है उके? तो हम लोग अगर यहाँ पर यहाँ एस लगा देते हैं तो ये नाइन्थ भी दिखाएगा तो जैसे थर्ड टी एच दिखा रहा है उस तरीके से ये नाइन्थ भी आपको दिखा सकता है ओके तो हम लोग नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं और जो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफायर वो किस तरीके से है वो है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू जो है वो भी वीक डेज के नंबर ही निकाल के देगा जैसे ये आपको एन क्या कर रहा था वीक डेज के नंबर निकाल के दे रहा था वैसे डब्लू भी निकाल के देगा बट डिफरेंस ये है कि जो एन है उसके लिए वन से मंडे शुरू होता है फिर ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक जाता है सेवेंथ बट जो डब्ल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ एरे काम करेगा और वो आपको डब्ल्यू जो है वो जीरो पे संडे दिखाएगा फिर मंडे वन पे दिखाएगा फिर स... और इसमें डिफरेंस क्या दोनों में देखो आप यहां देख सकते हो मैंने लिख रखा है दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सैटरडे है ना वो सेवन पे आता है और यहाँ सिक्स पे आता है बाकी सारी चीजें सेम है तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि संडे जो है इस पे सेवन में आ रहा है और इसमें जीरो आ रहा है तो ये जीरो से रिप्रेजेंट करना शुरू करता है तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अगर इसको हटा देता हूँ और एन को हटाकर स्मॉल डब्ल्यू लिखता हूं तो ये क्या करेगा मुझे थर्ड दिखाएगा क्योंकि दोनों के लिए सेम है बट अगर अभी संडे होता तो ये संडे पर क्या दिखाता जीरो दिखाता ना कि ये थर्ड यानी जो अभी की डेट है वो थ्री नहीं दिखाएगा जीरो दिखाएगा जब संडे होगा तब उस केस में ओके okay, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इज फॉर का मतलब होता है कि अभी पूरे साल में से कौन सा डे चल रहा है तो पूरे साल में से अभी कौन सा डे चल रहा है ये डे चल रहा है मतलब इतने दिन निकल चुके हैं इस साल के और कुछ दिन बाकी है तो नेक्स्ट जो है वो है डब्लू जो स्मॉल डब्ल्यू था वो किसको रिप्रेजेंट करता था जीरो

तो इन तीनों को मैं आपको एक साथ समझा देता हूं m, uh, capital m, small m, और F, देखो देन uh, एफ जो है वो क्या दिखाएगा आपको जनवरी फेबर मार्च इस तरीके से दिखाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको एक बार हटा देते हैं और अभी का जो टाइम है मैं उसको आपको फॉर्मेटेड दिखाता हूं देखो तो अभी का जो टाइम है उसको अगर फॉर्मेटिंग के साथ देखना है हम लोगों को तो मैं सपोज इस तरीके की फॉर्मेट फॉर्मेटिंग चाहता हूं कि इस तरीके से दिखाए जीरो इस तरीके से मुझे दिखाना चाहिए तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग तो डी जब लिखेंगे तो क्या कर देगा डेट दे देगा देखो डी का मतलब ये हमको डेट देगा बट हमको यहाँ डेट फंक्शन भी यूज करना होगा वरना ये नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा ओके तो आगे पहली चीज अब दूसरा क्या है हाइफन है तो यहाँ लगा है हाइफन अब क्या का चाहिए का चाहिए तो तो मैं क्या करूंगा यहां पर M लगाता हूं एक बार और देख रहे हो अब आ आ रहा क्योंकि टी तो नहीं आ सकता थ्री को ही करता है और अगर मैं कैपिटल एम लगाया था तो मैंने एसईपी दिखा रहा था स्मॉल एम लगाया है तो क्या कर रहा है जीरो नाइन दिखा रहा है और अगर आप एफ लगाओगे तो फुल ईयर दिखाएगा पूरा, पूरा लिखा हुआ तो ये तीनों का डिफरेंस है अब चलते हैं हम लोग उसके बाद कि अभी जो ईयर चल रहा है उस ईयर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कि जो अभी ईयर है वो कैसे होगा तो ईयर के लिए आपको क्या करना होता है यहाँ पर सिंपली लगा देना है तो यहाँ पर आ जाएगा ये ईयर आ गया टू जीरो दिखाएगा यानी दो हजार उन्नीस चल रहा होता तो क्या दिखाता वन नाइन चल रहा होता तो वन एट चलेगा तो टू और अभी क्या दिखा रहा है टू जीरो पीछे का जो है वो दिखाता है और आप वापस इसको वाई कर दो तो ये टू जीरो आ चुका है ओके okay, तो ये हमारा जो डेट टाइम फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप के मॉडिफायर्स हैं आगे और मॉडिफायर्स हम लोग देख लेते हैं जो है टी नंबर ऑफ डेज इन अ गिवन मंथ अभी जो मंथ चल रहा है उसमें कितने डेज हैं तो कितने डेज हैं तो ये देखने के लिए मैं अगर टी लगाऊं इधर तो आप देखोगे कि ये थ्री जीरो दिखा रहा है मतलब इस मंथ में थर्टी डेज हैं ओके तो ये हमको थर्टी डेज रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में जो है एल तो एल क्या बताता है कि अभी जो है वो लीप ईयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो मैं अगर कैपिटल एम लगाऊंगा

तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लगा सकता हूँ तो अभी दिखा रहा है नहीं ये सही दिखा रहा है बट हमने जो टाइम जोन सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है तो मुझे यहाँ पर टाइम जोन सेट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर टाइम जोन सेट करने के लिए दिखाऊंगा डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट और डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट यानी जो डेट का टाइम जोन है उसको सेट करके क्या करना है स्लैश कोलकाता लिखना है एसी स्लैश कोलकाता क्यों होता है एसी स्लैश कोलकाता हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर इस टाइम जोन को रिप्रेजेंट करते हैं अब आप देखोगे तो जीरो टू दिखा रहा है तो ये अब एकदम एक्सैक्टली सही दिखा रहा है ओके तो ये एच हो गया अब मैं अगर आई लगाऊंगा तो ये आई से क्या दिखाएगा कौन सा मिनट चल रहा है और अगर मैं एस लगाता हूँ तो ये दिखाएगा कि कौन सा सेकेंड चल रहा है और हर बार आप देखोगे कि सेकेंड रिफ्रेश हो रहे हैं और अगर आपको ए एम पी एम भी चाहिए तो आप लास्ट में ए लगा दो तो ये आपको दिखा देगा कि ए एम चल रहा है कि पी एम तो इस तरीके से हमारी एक डेट टाइम की स्ट्रिंग बन गई ओके अब मैं बात करता हूं कुछ और जो हमारे लास्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में है तो जो एक आर्ग्यूमेंट है हमारे पास उसमें आप क्या कर सकते हो उसमें आप कोई डेट अपने आप से बनाकर दे सकते हो जैसे अपने आप से डेट बनाने का तरीका क्या होता है आपको लगाना होता है एस टी आर टू टाइम स्ट्रिंग टू टाइम मतलब मैं क्या करूंगा मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा और हमको क्या चाहिए टाइम चाहिए तो एस टी आर टू टाइम क्या करेगा आपने देखा टाइम क्या कर रहा था हमको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके दे रहा था अब मैं आपको मिली सेकेंड पहले यहाँ पर टाइम लगाकर दिखाता हूँ तो ये मैंने लगाया टाइम रिफ्रेश तो अभी आप देख रहे हो जो अभी टाइम हो रहा है अभी जो टाइम हो रहा है वो किससे दिखाता है सेकंड से दिखाता है और सेकंड कौन से फर्स्ट जनवरी से तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफायर ने क्या किया यहाँ पर एक डेट टाइम की स्ट्रिंग बना दी इस फॉर्मेट में ओके तो देखा आपने टाइम कैसे वर्क कर रहा है अब हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग टू टाइम करेंगे यानी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं लगाता हूँ एस टी आर टू टाइम तो एस टी आर टू टाइम क्या करेगा टाइम का एक फॉर्मेट बनाकर देगा आपको मैं इधर पहले इसको इको करवा कर दिखाता हूँ फिर हम उसको नीचे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ वन और नाइनटीन नाइन और अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हो ये क्या आ रहा है ये हमारे पास एक सेकेंड्स कितने निकल चुके थे फर्स्ट जनवरी नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी से इस डेट को कितने सेकेंड निकल चुके थे उसका एक जहां पर रिप्रेजेंटेशन आया अगर यही रिप्रेजेंटेशन मैं इसके अंदर पास कर देता हूं तो मैं सपोज इसको ले लेता हूँ एक एस टी आर और इसको मैं पास कर देता हूं यहां पर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में तो ये क्या करेगा उसको कन्वर्ट करके देगा आपने देखा मैंने क्या दिया था 0, 1, 1999 और कन्वर्ट किस में कर दिया जनवरी और डेट टू के टाइम आपने कुछ दिया नहीं है तो उसके अपने अकॉर्डिंग वो ले लेता है आप सपोज यहां से टाइम देना चाहते हो तो आप टाइम भी दे सकते हो तो मैं टाइम देता हूं यहां पर ट्वेंटी और जीरो जीरो मतलब मैं रात के आठ बजे का बात कर रहा हूं यहां पर तो ये देख रहे हो आप एट

फिर वापस जब रिप्रेजेंट करना होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसका टाइम स्टैम्प बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप आप इसके आगे कुछ भी और लगाओगे तो फिफ्टी सेकंड देखो फिफ्टी इज रिप्रेजेंट करके ये आपको दे सकता है तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो वर्क करता है और आप कुछ भी नहीं देते हो तो ये बाई डिफॉल्ट रात के बारह बजे को कंसिडर कर लेता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस दो फंक्शंस है पीएचपी -पी के अंदर ये कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन क्या है और इनकी नीड क्या है तो गाइस आपने वेबसाइट देखी होगी काफी सारी और उन वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो हैडर होता है और जो फुटर होता है मैं अभी हेडर और फुटर की बात कर रहा हूँ हेडर और फुटर हमेशा कॉमन रहता है यानी जो ऊपर लिखा होगा हेडर में वो वेबसाइट के बाकी सारे पेजेस पे भी सेम वही लिखा होता है फुटर में जो लिखा होता है वो बाकी सारे पेजेस पे यानी होम पेज पर या सारे पेजेस की बात करूं मैं सब पर सेम ही लिखा होता है तो अगर आप इस तरीके की कोई वेबसाइट बनाते हो और उस केस में आप क्या चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के चार पेजेस हैं तीन पेजेस हैं पांच पेजेस है और सब पर जो हेडर है वो एक जैसा रहना चाहिए तो आप क्या करोगे जो कोड है वो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लोगे बट इन फ्यूचर अगर कभी कोई चेंज आता है तो आपकी वेबसाइट में पांच पेज है तो आपको पांच पेज पे चेंज करना पड़ेगा और किसी पेज पर चेंज आप भूल जाते हो तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी वेबसाइट पर सौ पेजेस है तो सौ पेजेस में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो ये चीज हमको नहीं करनी है तो इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं इंक्लूड का यानी इंक्लूड या इंक्लूड वंस तब काम करते हैं जब आपको कोई पोर्सन कोई पेज या फिर कोई भी कोड बार बार किसी जगह पर चाहिए और सेम वही कोड चाहिए जैसे मेरी वेबसाइट की मैंने बात की अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ तो आपको स्क्रीन पर डब्ल्यू एस की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से डब्लू एस की वेबसाइट ओपन करता हूँ और अब आप देखोगे कि डब्ल्यू एस्टर की वेबसाइट में जो हैडर है जो फुटर है वो सारे के सारे कॉमन दिखेंगे आपको जैसे इस पेज पर अभी आप देख सकते हो अः यहाँ पर हमारा ये हैडर है और ये किसी और पेज पर जाएंगे तो भी सेम दिखेगा आपको तो यहाँ पर मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ आप देख रहे हो सेम हैडर है वही चीजें लिखी हुई है नीचे फुटर पे चलते हैं हम लोग फुटर में आप देखो ये गेट इन टच यूजर लिंक्स सब कुछ लिखा हुआ है यूजफुल लिंक्स होम पर वापस चलता हूँ होम पर अभी आप देखोगे की ये हमारा जो नीचे यहाँ पर इस तरफ है फुटर वो सेम है तो इसका मतलब क्या कि ये जो वेबसाइट है उसमें हेडर और फुटर कॉमन बने हुए हैं तो किस तरह बनाए जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ देखो ये एक मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है उसके जस्ट पास में अबाउट डॉट पीएचपी जस्ट पास में कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी ओके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना रहा हूँ और इसके अंदर जो मेरा हेडर पोर्सन है उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब तो ये हो जाएगा वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब और मुझे पता है कि मुझे सी एस एस भी यूज करनी होगी तो यहां पर मैं सपोज सी एस एस भी लगा देता हूँ कुछ स्टाइल सीट बना देता हूँ सिंपली तो इधर मैं बना दूंगा स्टाइल सीट और स्टाइल सीट के अंदर मैं इधर लगा देता हूँ एच वन टैग तो हेडर के अंदर एक एच वन टैग है अभी सिंपल से हम लोग एक छोटी सी डिजाइन बना रहे हैं हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे तो ये हो गया मेरा एच वन टैग एच वन टैग के अंदर मैं क्या करूंगा इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि ये एक्जैक्टली सेंटर में दिखे तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर और एक पेज मैं पहले आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा और ये हमारा पेज हो गया अब सपोज इसके नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर इप्सम का कंटेंट डाल देता हूं और एक सेंटर टैग को यूज कर लेते हैं ताकि सारी चीजें एज इट इज सेंटर में दिख जाए तो हमको बाकी जगह टेक्स्ट सेंटर भी नहीं लगाना पड़ेगा तो इधर भी मैं सेंटर ले टैग ले लेता हूं, तो इस टेक्स्ट लाइन सेंटर की भी नीड अब नहीं है हमको तो ये हटा देता हूँ और जस्ट कलर चेंज करवा देता हूँ तो मैं यहाँ पर एच वन का कलर लिख देता हूँ ब्लू और मुझे क्या चाहिए ब्लू कलर सभी पेजेस पे चाहिए तो बाकी मेरे दो पेजेस हैं उन पे भी सेम ये यूज करने वाला हूँ मैं अभी और ये डिव डिव के अंदर एक पैराग्राफ का कंटेंट और पूरी वेबसाइट पर मुझे क्या चाहिए पूरी वेबसाइट पर एक आ, कोई पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए तो तो फॉन्ट 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 फैमिली 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 और फैमिली में मैं लिख देता हूं। तो ये एक फैमिली हो गई अभी मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ तो ये मेरा जो इंडेक्स पॉट एच डी का पेज है उसको कैसे ओपन करूंगा तो लोकल होस्ट स्लैश फोस्ट देन उसका एंटर कर देंगे हम लोग तो क्या होगा कि ये मेरा फर्स्ट पेज खुल जाएगा आप देख रहे हो फर्स्ट पेज खुल चुका है अब ये क्या था मेरा होम पेज था कैसे पता चलेगा तो मैं यहाँ पर एक होम लिख भी देता हूँ तो इससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये मेरा होम पेज है तो ये मेरा एक होम पेज है अब मुझे ऐसे दो पेजेस और बनाने हैं तो दो या तीन पेजेस तो इसको मैंने कॉपी किया पूरे कंटेंट को आप देख सकते हो मैंने पूरा कंटेंट सेलेक्ट किया है और अबाउट वाले पेज पर पे पे पेस्ट कर दिया कॉन्टेक्टस वाले पेज पर भी पेस्ट कर दिया अब अबाउट वाले पेज पर मैं चेंज कर देता हूँ उधर लिख देता हूँ अबाउट अस ओके और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट वाला पेज ले आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट तो ये मेरे पास दो और आप पेजेस बन चुके हैं और अब मुझे अगर अबाउट वाले पर जाना है, तो कैसे करना पड़ेगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा जाना चाहता हूँ तो पर कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी लिखूंगा तो मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी आ जाऊंगा ओके अब ये तो हमको पता चल गया कि कॉन्टेक्ट वाला पेज कैसे कर रहा है कैसे बना हुआ है अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझे क्या करना है कि पूरी वेबसाइट में ये जो आप हेडर देख रहे हो उस हेडर को चेंज करना है मुझे क्या करना है उस हेडर को

और यह है हेडर हेडर डॉट मतलब फाइल कंटेन करेगी ओके अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा जो हेडर है वो कहां तक होगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा हेडर है बट मेरे को एक चीज और पता है कि यहाँ पर ऊपर जो स्टाइल वगैरह जो लगनी है वो सारी भी यूज होनी है हर पेज पर मतलब जितने भी पेजेस आगे होंगे सब पे यूज होनी है क्योंकि वर्ड आना सब पे लगनी है तो मैं क्या करूंगा जहां से मेरे पेज का यूनिक कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से ऊपर का पूरा के पूरा कंटेंट कॉपी कर लूंगा देख रहे हो आप यूनिक कंटेंट मतलब होम और जो नीचे लॉर में ऑप्शन लिखा वो होम के लिए यूनिक हो सकता है अबाउट के लिए वो यूनिक हो सकता है के लिए यूनिक हो सकता है बट ये जो मेरा बाकी का कंटेंट है वो यूनिक नहीं है वो फिक्स है सब पेजेस पे तो इसको मैं क्या करूंगा इस पेज से कट कर लूंगा मैंने हटाया कॉपी नहीं किया है कट कर दिया है और ले जाकर कहा पेस्ट कर दिया हेडर डॉट पीएचपी के अंदर ओके okay, तो हेडर में आ गया इंडेक्स पे से अब कुछ भी ऊपर नहीं रहा सेम एज इट इज हम लोग इंडेक्स पर से हटा चुके हैं अब मैं अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी को यहाँ पर रन करूं तो आप देखना कि कैसा आउटपुट हमको देता है इस तरीके का आउटपुट दे रहा है बट मुझे आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए मुझे तो हेडर भी चाहिए तो इस चीज में हम लोग पीएचपी की हेल्प लेंगे और हम क्या करवाएंगे इंक्लूड करवाएंगे तो तो अब आती है है इंक्लूड इंक्लूड की बात तो इंक्लूड क्या करता है? किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर देता है मतलब यहाँ पर जोड़ देता है अब दो चीजें होती है जोड़ने के लिए एक होता है इंक्लूड एक होता है रिक्वायर्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं रिक्वायर्ड भी शेयर करूंगा इस वीडियो में हम लोग बात करें इंक्लूड की तो क्या इंक्लूड कुछ इस तरीके से वर्क करता है आपको सिंपली यूज करना होता है इंक्लूड और फिर इंक्लूड नाम का फंक्शन तो ये इंक्लूड नाम का एक फंक्शन है दो तरीके तरीका बता रहा हूँ तो तो किसी फाइल के अंदर किसी फोल्डर के अंदर पड़ी होती जैसे मैं सपोज कॉमन नाम का एक फोल्डर बनाऊ उसके अंदर रखू तो मुझे लिखना होगा कॉमन स्लैश हेडर डॉट पी और अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि हेडर आ चुका है जबकि

तो आपको क्या करना होगा सिंपली यहाँ लिखना होगा इंक्लूड और इंक्लूड में कौन सी फाइल इंक्लूड करवानी है जस्ट उसका नाम तो ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो आप चाहो तो इस तरीके से भी करवा सकते हो जैसे मैंने इंडेक्स में करवाया था इंक्लूडर डॉट पीएचपी या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी जिसमें आपको करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है और अभी हम लोग चलते हैं अबाउट वाले पेज पर देखते हैं कि अबाउट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास तो ये अबाउट वाला पेज और आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ देखो मैं दोनों पेज खोल देता हूँ इस तरफ मैंने फर्स्ट डॉट एच डी एल यानी जो हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी है वो खोला हुआ है इस तरफ मैंने ये खोला हुआ है और अब मैं जाके सिंपली क्या कर रहा हूँ हेडर के अंदर जो मैंने कलर दिया था ब्लू उसको मैंने कर दिया रेड सिर्फ मैंने कहा चेंज किया देखो आप हेडर डॉट पी एच पी में अब हेडर दोनों जगह पर लगा हुआ है तो दोनों जगह पर चेंजेस आ गए आप देख रहे हो दोनों जगह पर चेंजेस आ गए कॉन्टेक्ट वाले की बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट पे भी मुझे सेम एज इट इज कॉपी करके लगा देना है इसको कॉपी किया यहाँ पर लगा दिया

ठीक है तो मैं फाइल का लोकेशन तो अभी मेरे पास है नहीं मैं जस्ट नाम गलत कर देता हूँ एच ईडी मैंने हेडर की स्पेलिंग गलत कर दी और इंडेक्स वाले पेज पर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हो ये ये क्या बोल रहा है है कि इसको ये वाली जो फाइल है, वो मिली नहीं तो वो उसको ओपन नहीं कर पाया हेडर उस फाइल को ओपन नहीं कर पाया बट आगे का पेज तो लोड हुआ है आगे का पेज जो है वो लोड जरूर हुआ है चाहे वो हेडर मिली हो ना मिली हो बट ये चीज रिक्वायर्ड में नहीं होती जो मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इसको पेज

सो इंक्लूड वंस ने क्या किया है एक बार इंक्लूड किया हुआ है इंक्लूड वंस बताता क्या एक्जैक्टली exactly ये समझो कि इंक्लूड वंस बोलता है कि सिर्फ एक ही बार इंक्लूड हो सकता है तो हमने यहां पर जब फिर से इंक्लूड करने की कोशिश की तो इसने चेक किया कि अगर पहले का इंक्लूड हुआ है तो मैं इंक्लूड नहीं होने वाला ओके okay? अगर ये जो है वो इसके नीचे लिखा होता मतलब इंक्लूड वंस ऊपर होता तो ठीक है इंक्लूड वंस ने बोला कि एक बार इंक्लूड होना है बट इंक्लूड क्या कहता है कि हाँ वंस uh, हो चाहे ना हो इसको इंक्लूड करना है तो करना ही है तो दो बार आप देख रहे हो तो वेलकम तो तो टू तो इंक्लूड करेगा एक ही बार करेगा क्योंकि बात क्या हुई है एक बार इंक्लूड करने की बात हुई है तो इंक्लूड वंस चेक करता है कि अगर पहले से कोई इंक्लूड हो चुका है तो मुझे इंक्लूड नहीं होना है लेकिन जो, हेडर, जो, जो हमारा इंक्लूड है वो क्या करेगा वो किसी को चेक नहीं करेगा इंक्लूड हुआ है तो भी चलेगा नहीं हुआ है तो भी चलेगा उसको तो इंक्लूड होना है तो होना ही है

तो गाइज रिक्वायर और रिक्वायर वंस तब यूज किए जाते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई एक, एक एक, फाइल है जो मुझे चार से पांच पेजेस पे रिक्वायर्ड होगी तो मैं उनको उस फाइल को वहां पर इंक्लूड करवा दूं उस फाइल को वहां पर कॉल करवा दूं तो दो तरीके के फंक्शंस यूज हो सकते हैं एक इंक्लूड होता है एक रिक्वायर होता है तो पिछले एक वीडियो में मैंने इंक्लूड डिस्कस किया हुआ है आप देख सकते हो एक पिछला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग रिक्वायर डिस्कस करने वाले हैं तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक पेज है मेरे पास इंडेक्स का और इंडेक्स का और इस पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बना हुआ है तो ये एक पेज है और इस पेज में हमने यहाँ पर एक हेडर रखा हुआ है जिसमें वेलकम टू क्यूब लिखा है और कुछ सी एस एस लगी हुई है अब इसी तरीके के मेरे पास दो और पेजेस हैं जैसे कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी करके एक पेज है और अबाउट डॉट पीएचपी करके एक पेज है तो मैं वो दोनों पेजेस भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर ही मैं ओपन कर लूंगा तो यहाँ अबाउट डॉट पी एच पी जो मेरा पेज है वो ओपन कर लेता हूँ और कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ से लोकल होस्ट ऑफ फर्स्ट तो आप देखो तीनों पेजेस में एक कॉमन है जो है उनका हेडर ये वाला पोर्सन जो है तीनों में कॉमन है ऑब्वियसली ये भी कॉमन है बट अभी हम लोग बात करें सिर्फ हेडर की तो ये तीनों में कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे आ, इस हेडर को एक साइड में निकाल लेंगे क्योंकि तीनों में ये चीज कॉमन है तो बार 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 इसको कोड करना या फिर इसको तीनों को सेम बनाकर रखना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब हम इन फ्यूचर इनमें कुछ चेंजेस करें यानी हेडर में मैं कुछ चेंजेस करूं तो ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकता है तो इस केस में हम क्या करेंगे एक अलग से फाइल बनाएंगे हेडर की तो आपने देखा कि यहाँ तक जो पोर्सन है डिव से ऊपर वाला वो सब में कॉमन है ये अबाउट लिखा हुआ है मैंने एक डिव के अंदर यहाँ पर होम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है और वैसे ही अबाउट लिखा हुआ है तो इससे ऊपर का जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन है तो मैं किसी भी एक फाइल से कट करूंगा एक नई फाइल बनाऊंगा पेस्ट कर दूंगा और उसमें क्या लिख दूंगा हेडर डॉट पी एच पी तो यह बन चुकी है ओके अब इसको हटा देता हूं मैं अब मैंने क्योंकि अबाउट वाले पेज में से हटा दिया है तो मैं इसी तरीके से हमारे इंडेक्स वाले पेज से भी हटा देता हूँ और कॉन्टेक्ट वाले पेज से भी हटा देता हूँ तो जो ऊपर का हेडर का पोर्शन था वो मैं हटा चुका हूँ और अब मैं आपको पेजेस दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इन पेजेस के अंदर ऊपर से हेडर कुछ भी नहीं आ रहा ओके तो अब मुझे क्या करना है मुझे इस हेडर को यहाँ पर कॉल करवाना है तो दो तरीके फंक्शन मैंने जैसे आपको बोला एक तो हो सकता है इंक्लूड इंक्लूड क्या करता है फंक्शन किसी लाइब्रेरी को या किसी आ, पर्टिकुलर फाइल को यहाँ इंक्लूड कर देता है रिक्वायर भी सेम वैसा ही काम करता है तो हम लोग पहले रिक्वायर समझेंगे तो इसको रिक्वायर को लिखने का तरीका है आप पी पी का सबसे पहले ब्लॉक बनाओगे देन आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर और रिक्वायर में क्या करना है मुझे यहां पर एक फंक्शन और उस फाइल का नाम जिस जो रिक्वायर है यहाँ पर तो फाइल का नाम क्या है header .php, तो header .php. अगर फाइल मेरे किसी फोल्डर में होती तो मैं उसका पूरा एड्रेस लिखता जैसे फोल्डर डॉट पी एच पी तो ये आ गया अब रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे होडर डॉट पीएचपी मिल रही है मुझे अब ये काम इंक्लूड भी कर सकता है देखो मैं यहाँ पर इंक्लूड लगा कर दिखाता हूँ आपको तो इंक्लूड भी ये काम कर सकता है तो मैंने लगाया इंक्लूड और रिफ्रेश तो आप देख रहे हो इंक्लूड भी ये काम कर रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना हमको रिक्वायर और इंक्लूड में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया कि इंक्लूड भी ये काम कर सकता है रिक्वायर भी कर सकता है तो फर्क क्या है तो अब आप देखो कि जब मैं यहाँ पर सिर्फ रिक्वायर रखता हूँ रिफ्रेश करता हूँ और ये यह यहाँ पर दिख रहा है मुझे यही वाला रिक्वायर मैं सभी पेजेस पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि सब पर सेम कंटेंट आ जाए तो ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर पेस्ट कर दिया कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी में और अबाउट डॉट पीएचपी में जो कलर चेंजेस नहीं हुआ है वो किसी और रीजन से है बट पीएचपी का कोड सब जगह आ चुका है ओके okay, तो ये हटा देता हूं मैं जो कमेंटेड था वो और अब मैं आपको सारे पेजेस भी दिखा देता हूं पहले आप देखो सारे पेजेस पर सेम कोड आ चुका है अब इसका फायदा क्या हुआ है कि हेडर डॉट पीएचपी में जाओ और यहां पर ये जो रेड कलर है उसको ब्लू कर दो तो हेडर डॉट पीएचपी में आपने ब्लू किया और आप देखना सारे पेजेस पर ब्लू हो गया तो ये इसका फायदा है सब पेजेस पे अपने आप चेंज कर देगा मतलब सारे पेजेस पे एक जगह से चेंज हो जाता है ओके okay? अब रिक्वायर क्या करता है क्वायर इस फाइल को ढूंढता है ठीक है तो मैंने इस फाइल का नाम गलत कर दिया हेडर का मैंने आर मिस कर दिया तो अगर मैं इंडेक्स पर फिर से अब रिफ्रेश करूं तो आप देख रहे हो पेज पूरा के पूरा वहीं पर रुक चुका है रिक्वायरमेंट्स चाहिए ही चाहिए वहां पर नहीं होगा तो पेज आगे लोड नहीं हो सकता इस तरीके से रिक्वायर काम करता है रिक्वायर को वो पर्टिकुलर फाइल चाहिए अगर नहीं होगा तो पूरा पेज रुक जाएगा बट ऑन द अदर हैंड इंक्लूड का ऐसा कोई सीन नहीं है रिक्वायर को मैं कमेंट करूं इंक्लूड लगाऊं इंक्लूड क्या कर रहा था फाइल लाके दे रहा था अगर एच मैंने मिस कर दिया या कुछ भी मैंने मिस कर दिया सपोज मैंने फाइल का पाथ गलत दे दिया नाम गलत दे दिया तब उस केस में इंक्लूड क्या करता है उस जगह पर एक एरर दिखाएगा वार्निंग दिखाएगा बट आगे पेज जरूर लोड करेगा देख रहे हो आप बाकी का पेज जरूर लोड होगा तो ये हमारा इंक्लूड और रिक्वायर का डिफरेंस है अब बात करते हैं हम लोग रिक्वायर वंस क्या वर्क करता है तो गाइज आपने देखा कि रिक्वायर मैंने लिखा मैं एक बार और रिक्वायर लिखता हूँ यहाँ पर तो दो बार रिक्वायर लिखा तो दो बार आ गया तीन बार तो तीन बार आ जाएगा बट अब मैं फिर से रिक्वायर लिख रहा हूँ बट मैं लिख रहा हूँ तो अभी फिर से नहीं आएगा रिक्वायर स्कोर वन क्या चेक करता है कि मुझसे पहले कोई जहां पर रिक्वायर आ तो नहीं गया अगर आया है तो मुझे यहां पर नहीं आना है अब मैं इनको हटाकर दिखाता हूं आपको और आप देखोगे अब रिक्वायर वर्क करेगा ये मैंने कमेंट कर दिया और अब रिक्वायर वर्क कर रहा है रिक्वायर ने फाइल लाकर दे दी है बट अगर उससे पहले कोई आया हुआ होता है तो रिक्वायर एग्जीक्यूट

और अगर यहाँ पर तीन बार रिक्वायर वंस लिख दू मैं तो आप देखोगे कि ये मैंने दो बार एक बार और हो गया एक बार और लिख देता हूँ मैं तो मैंने तीन बार रिक्वायर वंस लगा दिया तब कौन सा रिक्वायर वंस एग्जीक्यूट होता है सबसे पहला वाला क्योंकि उसके बाद वाले तो ये चेक करते हैं कि मेरे से पहले कोई नहीं आ गया अगर आ गया है तो एग्जीक्यूट नहीं होना है इस तरीके से रिक्वायर वन का लॉजिक है और इंक्लूड वन भी ऐसे ही काम करता है बट इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस ये है कि रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स चाहिए ही चाहिए इंक्लूड मींस हो तो रिक्वायर इंक्लूड करवा दो वरना चलेगा सो सोयोग आपको कंसेप्ट एक 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग